नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सिविल 101 में। मेरा नाम है संदीप जानी। कैसे हैं आप सभी लोग? वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। शाम के 8 बज चुके हैं दोस्तों, और यहां पर हमारा जो सब्जेक्ट आज जो हमें मैराथन के इस सेशन में कंप्लीट करना है वो है इरिगेशन इंजीनियरिंग। इस सेशन के अंदर दोस्तों आपको मिलेगी कंप्लीट थ्योरी, यानी कि जो भी आपका सब्जेक्ट रिलेटेड मैटर है वो सारा आपको यहां पर मिलेगा, और साथ ही साथ में हर टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस टॉपिक के जस्ट पहले करेंगे फिर टॉपिक को समझेंगे, और कुछ क्वेश्चन जो है टॉपिक को समझने के बाद हम करेंगे, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ टॉपिक, कैसा वो टॉपिक है उसकी जरूरत के अनुसार। साथ ही साथ में दोस्तों ये सेशन जो है हमारा टोटली एग्जाम ओरिएंटेड रहेगा। इसके अंदर हम कोई पीएचडी करने वाले नहीं है कि एक टॉपिक पकड़ लिया और उसी के ऊपर हम लगे हुए हैं आराम से। एग्जाम में क्या पूछा जाता है, एग्जाम के लिए क्या जरूरी है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस सेशन को आगे बढ़ाने वाले हैं दोस्तों। इसके अलावा आपको पूरा शेड्यूल मैं बता देता हूं। डेली रात को 8 बजे, शाम को 8 बजे कह लीजिए आप, डेली शाम को 8 बजे हमारा मैराथन सेशन होता है, जिसके अंदर कल हमने बात की थी सॉइल मैकेनिक्स की, और इससे पहले एक आरसीसी का सेशन हो चुका है, तो दो सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं। जो नए मित्र हैं उनको मैं यहां पर बता दूं, 12 तारीख को यानी कि आज इरिगेशन इंजीनियरिंग हम पढ़ रहे हैं 12th को, और उसके बाद कल जो है आपका हाइड्रोलिक्स यानी कि फ्लूइड मैकेनिक्स, ओपन चैनल फ्लो, उससे रिलेटेड जो कंपोनेंट है वो हम कल की क्लास में करेंगे, और आगे का शेड्यूल आप देख सकते हैं। उसके बाद एस्टिमेशन, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन, एनवायरमेंट इंजीनियरिंग, सोम, स्टील, ट्रांसपोर्ट, सर्वेइंग, बिल्डिंग मटेरियल एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सेशन जो है देखने के लिए आपको सिविल 101, वाईफाई स्टडी और अनअकैडमी, तीनों जगह आपको थोड़ा सा एक्टिव रहना है दोस्तों। अब आज के सेशन की अगर हम बात करें तो आज का सेशन हमारा इरिगेशन इंजीनियरिंग से रिलेटेड। अब कुछ दोस्तों के सवाल होंगे कि इरिगेशन इंजीनियरिंग होगा या फिर अगर हम बात करें हाइड्रोलॉजी, हाइड्रोलॉजी इसके अंदर होगा या नहीं होगा। तो हाइड्रोलॉजी के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, अनअकैडमी की ऐप जो है उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा, या फिर आप अनअकैडमी.com पर जा सकते हैं, और हाइड्रोलॉजी हम पढ़ने वाले हैं कल। कल जो है हाइड्रोलॉजी हम पढ़ेंगे, कहां पे पढ़ेंगे, दोपहर को 12 बजे, ठीक है। हाइड्रोलॉजी 12 PM अनअकैडमी की जो स्पेशल क्लास है, मुश्किल से 1.5 से 2 घंटे लगेंगे, हाइड्रोलॉजी हम वाइंड अप कर देंगे उसके अंदर जितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं क्वेश्चंस के साथ, क्योंकि उसके अंदर पोल का पार्टिसिपेशन जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो 2 क्लासेस रखेंगे 12 बजे से लेके 1 बजे तक, और उसके बाद 1 बजे से लेके आप ये कह लीजिए कि हार्डली 2:30 तक, ठीक है। तो इसमें हमारा ये जो सब्जेक्ट है कंप्लीट हो जाएगा, तो इसको हम करेंगे कल अनअकैडमी की स्पेशल क्लास के अंदर दोस्तों। इसका लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करवा देंगे सर अभी। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो हाइड्रोलॉजी मैराथन जो है कल अनअकैडमी का, आप ये कह लीजिए स्पेशल क्लास का जो है फेस्ट है, तो वहां पर आपको कल अनअकैडमी पर बहुत सारी स्पेशल क्लासेस दिखेंगी, तो उसी के तहत आपको ये सेशन दिखेगा। इसके लिए आपको अनअकैडमी पर जाकर संदीप जानी यानी कि मेरी प्रोफाइल जो है आपको देखनी है, वहां पर मेरी प्रोफाइल में आपको ये कोर्स जो है दिख जाएगा, उसके ऊपर जाके आप एनरोल पे क्लिक कर सकते हैं जब भी आपको समय मिले, या इस सेशन के बाद आप कर सकते हैं दोस्तों। अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करेंगे, जैसे अब तक आपने सॉइल मैकेनिक्स की पीडीएफ डाउनलोड की होगी, आरसीसी की पीडीएफ डाउनलोड की होगी, तो इन पीडीएफ को ओपन करते ही आपको एक पेज जो है ये दिखेगा, व्हाट वुड यू लाइक टू स्टडी, और इसके अंदर अलग अलग बॉक्स बना रखे हैं जिनमें चैप्टर्स के नाम लिख रखे हैं। तो कुछ ब्राउजर्स में या फिर कुछ जो जहां पर आप पीडीएफ का जो भी ऐप यूज कर रहे हैं, आप फोन में यूज कर रहे हैं, लैपटॉप में यूज कर रहे हैं, तो कुछ में हो सकता है दोस्त ये वर्क ना करें, लेकिन अगर हम मेजरली बात करें तो ये लिंक्स वर्क करते हैं। जिस चैप्टर के ऊपर आप टच करेंगे वो अपने आप एकदम उस चैप्टर के ऊपर जंप पकड़ जाएगा। अगर नहीं करता है वर्क तो भी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है यहां पर, ठीक है। तो ये इस पेज के बारे में जस्ट मुझे बताना था, क्योंकि किसी दोस्त ने बताया था कि उसके ऊपर वो वर्क नहीं कर रहा, तो ज्यादातर ब्राउजर्स में वो वर्क कर रहा है। अब शुरू करते हैं दोस्तों इस सेशन को। अगर इरिगेशन अभी तक नहीं पढ़ा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी तक अगर इरिगेशन नहीं पढ़ा है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस अब जो एकदम अलर्ट हो जाइए, आपके सारे सेंसेस जो है एकदम परफेक्टली वर्क करने चाहिए इस सेशन के अंदर, क्योंकि एक सेशन के अंदर आपको आराम से समझ आ जाएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी चीजें जाननी आपके लिए जरूरी है और कहां से सवाल आएंगे, उन पॉइंट्स पर आप फोकस करते हुए चलना दोस्तों, ठीक है। और जाहिर सी बात है वो पॉइंट्स वो हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिनसे पहले भी क्वेश्चन आए, आने वाले समय में भी आएंगे। इरिगेशन जो है उसको आपको अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, क्योंकि अब तक अगर आप इरिगेशन की बात करें 2017 तक इरिगेशन के 2 सवाल ज्यादा से ज्यादा इतना इसका एवरेज रहता था, 1-2-3 ऐसे क्वेश्चन, लेकिन 2018-2019 के अंदर इरिगेशन का वेटेज जो है वो बढ़ने लग गया है, 4 से 5 मार्क्स आप ये कह लीजिए आराम से आपको देखने को मिलेंगे, तो इसके अकॉर्डिंग आप इसको जरूर पढ़ेंगे। इरिगेशन क्या है आप सभी को पता है, अगर आप वाटर प्रोवाइड कर रहे हैं क्रॉप्स को, नेचुरली पानी नहीं मिल पा रहा, हमें नहीं पता कब बारिश आएगी, ठीक है। अभी वो सिस्टम तो रहा नहीं दोस्त सतयुग वाला कि हाँ आप जब इंद्र देवता की प्रार्थना करेंगे तो तभी के तभी बारिश हो जाएगी, ठीक है, अभी भी इंद्र देव सुनते हैं हमारी, लेकिन अगर हम बात करें तो कलयुग में पाप बहुत बढ़ गए हैं, ठीक है, ये तो जस्ट जोक्स अपार्ट, लेकिन अगर प्रेजेंट की सिचुएशन की बात करें तो रेनफॉल के ऊपर हम डिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं, हम हमारी खेती के लिए, हमारे एग्रीकल्चर पर्पज के लिए, तो हमें आर्टिफिशियली प्लांट्स को पानी देना पड़ेगा। जब आर्टिफिशियली प्लांट्स को पानी देंगे इसी को हम क्या कहते हैं, इरीगेशन हम कहते हैं। अब इरीगेशन के लिए आप सभी को पता है, बच्चा बच्चा जानता है, अगर इरीगेशन प्रोवाइड करना है तो कैसे
से होगा, एक सोर्स ऑफ वाटर होना चाहिए, वो चाहे रिवर हो आपके पास या फिर कोई वेल हो या कुछ भी हो, जहां से पानी आपको मिलेगा सोर्स होगा, सोर्स से हमें उसको लेके जाना है फील्ड तक, फील्ड पे जाके प्लांट्स जो है उनकी रूट्स तक पहुंचाना है ताकि रूट्स जो है उस पानी को एब्जॉर्ब करके और अपने न्यूट्रिशन के लिए, अपने कंजम्पटिव यूज के लिए उसको यूज कर पाए। तो हमारा मेन एम ये है कि प्लांट की रूट्स तक पानी पहुंचाना। ये सारी स्टडी जो है हमारी किसमें आ जाएगी, इरिगेशन के अंदर आ जाएगी। अब इरिगेशन के लिए आपको पता है कि आप कैनाल्स जो है वो कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो इन कैनाल्स को किसके अलोंग कंस्ट्रक्ट किया जाता है? इरिगेशन कैनाल्स आर जनरली अलाइंड अलोंग। इरिगेशन कैनाल अगर आप बनाएंगे, आपको पता है कि जहां से आप कैनाल लेके आएंगे उसका रिड्यूस लेवल, उसकी हाइट बहुत ज्यादा होनी चाहिए। तो आप यहां से अगर आप कैनाल लेके आ रहे हैं किसी दूर दराज एरिया में आप लेके जा रहे हैं अगर उसको, तो इसको आप किसके अलोंग आप कोशिश करें, जो भी एलिवेटेड पॉइंट्स हैं, यानी कि ये जगह जो है रिज लाइन क्या होती है, जो एलिवेटेड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन होती है, जो उठे हुए पॉइंट्स होते हैं उनको ज्वाइन करने वाली लाइन होती है, ताकि क्या हो पाए, ये कैनाल जो है इधर भी पानी दे पाए, इधर भी पानी दे पाए। कुल मिला के ये कह लीजिए कि जो एलिवेटेड, जो चोटी वाले जो पॉइंट्स हैं उनके ऊपर ऊपर कैनाल आनी चाहिए, ताकि दोनों तरफ, दोनों साइड में वो वाटर प्रोवाइड कर सके और साथ ही साथ में दूर तक वो पानी जो है वो फ्लो कर सके, वो जा पाए आराम से। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर यहां पर क्या होगा, क्या हो जाएगा, इट शुड बी अलाइंड अलोंग द रिज लाइन। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैश क्रॉप। कैश क्रॉप जो है वो क्या होते हैं? कैश क्रॉप ऐसे क्रॉप होते हैं जिनको पर्टिकुलरली आप मार्केट में डायरेक्ट सेल करने के लिए आप यूज करते हो। अब सर हम तो राइस को भी बेचते हैं, आपकी खेती अगर जो है वो बहुत बड़ी है, अगर मान लीजिए आप कमर्शियल लेवल पे एग्रीकल्चर करते हैं, तो ठीक है उस केस में राइस आप कितना ही खा पाएंगे, आप कितना ही खा लेंगे, तो उस केस में तो आप उसको सेल करते हैं। लेकिन उसका सोल पर्पस की अगर हम बात करें कि ऐसा क्रॉप जिसको आप पर्टिकुलरली ग्रो ही इसीलिए कर रहे हो कि आप उसको सेल कर पाए, तो वो क्या होते हैं? कैश क्रॉप्स होते हैं, जिसमें आपका एग्जांपल आ जाता है जूट हो गया, टी हो गया, शुगर केन हो गया। अब ऐसा तो नहीं है कि टी हम यूज करके डायरेक्टली उसको कंज्यूम करने लग जाते हैं, या टी को हम इसीलिए ग्रो करते हैं कि हम टी को डायरेक्टली यूज कर पाए। तो कैश क्रॉप्स वो क्रॉप्स होते हैं जिनको हम फॉर द सोल पर्पस ऑफ सेलिंग इन द मार्केट हम उनको ग्रो करते हैं। द इंटरवल ऑफ सप्लाई ऑफ इरीगेशन वाटर डिपेंड्स ऑन, इरीगेशन वाटर आपको कब प्रोवाइड करना है, प्लांट जो है वो कितना पानी एब्जॉर्ब कर सकता है, उसकी कितनी रिक्वायरमेंट है, जितना पानी उसको चाहिए, तो जिस रेट से वो एब्जॉर्ब करता जाएगा उसी के अकॉर्डिंग हम उसको पानी देंगे। अब वो फैक्टर्स किस किस पे डिपेंड करेंगे, किस टाइप का क्रॉप है, उसको कितना पानी चाहिए, सॉइल कैसी है, सॉइल उस वाटर को रिटेन कर पा रही है या फिर उसको फटाफट ड्रेन कर दे रही है, सॉइल एंड क्रॉप दोनों के ऊपर, क्रॉप एंड क्लाइमेट के ऊपर, या किस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है ये, सॉइल के ऊपर, क्रॉप के ऊपर और क्लाइमेट। ऑब्वियसली अगर आप बात करेंगे समर्स में, तो समर में आपको ज्यादा पानी देना पड़ेगा, लॉसेस ज्यादा होंगे, इवेपोरेशन लॉसेस। तो यहां पर आप ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैनाल डिजाइन टू इरीगेट थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल जो कैनाल चलेगी उसको हम क्या बोलते हैं, पेरिनियल कैनाल हम उसको बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, पेरिनियल कैनाल। ऑन रोलिंग लैंड द मेथड ऑफ अप्लाइंग वाटर इज, रोलिंग लैंड जैसे आप कहते हैं प्लेन एंड रोलिंग जो रीजन होता है उसके अंदर जो किस मेथड से आप वाटर अप्लाई करते हैं वो क्या होता है, फ्री फ्लडिंग, पानी को बहने दो, खुला छोड़ दो उसको, तो वो फ्रीली फ्लड होके अगर जाएगा तो वो कौन सी लैंड पे होता है, रोलिंग लैंड के ऊपर। नेक्स्ट अगर हम आगे बात करें, द स्टेट ऑफ सॉइल व्हेन प्लांट्स फेल टू एक्सट्रैक्ट सफिशियंट वाटर फॉर देयर रिक्वायरमेंट, अगर आपके पास प्लांट है और इस प्लांट की जो रूट्स हैं, ये प्लांट की रूट्स सॉइल में से पानी को एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रही है, तो वो जो मॉइस्चर कंटेंट होता है उसको आप कहते हैं कि ये क्या आ गया, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट आ गया। वो मॉइस्चर कंटेंट, जिस मॉइस्चर कंटेंट में मॉइस्चर प्रेजेंट तो है सॉइल में, कुछ अमाउंट ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट तो है, लेकिन प्लांट की रूट्स उसको एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रही है, उसको वहां से निकाल नहीं पा रही है, तो इसे हम क्या बोल देते हैं, इसे हम बोल देते हैं परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। A sprinkler irrigation system is suitable when, sprinkler irrigation system जो है वो कब suitable होता है, जब land का gradient जो होता है वो बहुत ज्यादा steep हो, जमीन जो है वो समतल नहीं, आप ये कह लीजिए कि बहुत steep gradient है, कि अगर आप free flooding कराएंगे तो पानी बह के फटाफट नीचे चला जाएगा, तो ऐसे केस में उसको sprinkle कराओ, उसको spray करके आप water को provide करो, तो जितना जितना crops को जरूरत है उतना उतना मिलता जाएगा और पानी जो है उसका wastage नहीं होगा। द इंटेंसिटी ऑफ इरीगेशन मीन्स, इंटेंसिटी ऑफ इरीगेशन का अर्थ क्या है, इससे रिलेटेड सवाल भी आता है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आता है, तो शब्द को ध्यान से देखना है। दो टाइप के एरिया होते हैं आपके पास, कोई भी अगर आप इरीगेशन प्रोजेक्ट बनाते हैं, कोई कैनाल जाएगी अगर किसी पर्टिकुलर एरिया से, तो इस कैनाल के इन्फ्लुएंस के अंदर या फिर कितने एरिया को ये कवर कर रही है वो क्या हो जाता है, वो ग्रॉस कमांड एरिया हो जाता है। किसी भी इरिगेशन प्रोजेक्ट के अंतर्गत जितना एरिया आ जाता है वो क्या हो जाता है, उसका ग्रॉस कमांड एरिया हो जाता है। अब इस टोटल एरिया के अंदर मान लीजिए ये टोटल एरिया आ रहा है, इस टोटल एरिया के अंदर क्या होगा, कहीं पे रस्ते होंगे, कहीं पे रोड होंगी, कहीं पे कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वाटर बॉडी होगी या फिर कहीं पे कोई बिल्डिंग्स होंगी, तो ये सारे एरिया के ऊपर तो आप खेती नहीं कर सकते हैं,
तो ऐसे सारे एरियाज को छोड़ के जो एरिया बच जाता है उसे आप कहते हैं कल्चरेबल कमांड एरिया, सीसीए आप कहते हैं। तो ये जो सीसीए है, इस सीसीए का कितना प्रतिशत इरिगेट कर पा रहे हैं आप, परसेंटेज ऑफ कल्टीवेबल कल्चरेबल या फिर कल्टीवेबल कमांडेड एरिया टू बी इरिगेटेड एनुअली, इसे हम क्या कहते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन हम बोलते हैं। नेक्स्ट, मेथड ऑफ अप्लाइंग वाटर डायरेक्टली टू द रूट जोन ऑफ द प्लांट इज नोन एज ड्रिप मेथड। ऐसा मेथड होता है जिसके थ्रू आप रूट जोन में आप डायरेक्टली जो प्लांट है उसके आप पानी पहुंचा सकते हैं ड्रिप मेथड के थ्रू। नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इंक्लूड्स स्प्रेडिंग ऑफ एन एक्सटर्नल मटेरियल। अगर आप ये कहें कि सॉइल जो है, अब पानी की बहुत कमी है, अगर पानी की बहुत कमी है, आपने प्लांट्स को पानी दे दिया, आप चाहते हैं ये पानी जो है वो वेस्ट ना हो जाए, ये इवेपोरेट ना कर जाए, तो आप क्या करो, इसके ऊपर ऐसा मटेरियल डाल दो, आप उसके ऊपर घास फूस डाल सकते हो या फिर स्टोन्स जो है उनको आप यूज कर सकते हो, यहां पर कुछ भी ऐसा मटेरियल डाल दो जो धूप ना आने दे उसके ऊपर, या फिर उसका टेम्परेचर का इफेक्ट जो है उसको मिनिमाइज कर दे, उसको कम कर दे, ताकि इवेपोरेशन कम हो। बाहर से बारिश आई या फिर वाटर आएगा तो वो वाटर तो इनके थ्रू निकल जाए, लेकिन सनलाइट की अगर आप बात करें या फिर रेडिएशन की बात करें, टेम्परेचर की बात करें, वो उसको बचा दे उससे। तो इसे हम क्या बोलते हैं, मल्चिंग बोलते हैं। सो मल्चिंग इज व्हाट, मल्चिंग मीन्स टू कवर द सॉइल बिटवीन प्लांट्स विद अ लेयर ऑफ मटेरियल। कोई भी लेयर ऑफ मटेरियल हो सकता है, जो भी आप पेड़ होती है उनकी छाल होती है उसको आप क्या कर सकते हैं, श्रेड करके काट के आप उसको डाल सकते हैं, पाइन सीडार या फिर बार्क चिप्स इनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर स्प्रिंकलर इरीगेशन मेथड। स्प्रिंकलर इरीगेशन मेथड के लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो जो लाइट सॉइल होती है ऐसे केस में आप वहां पर स्प्रिंकलर इरीगेशन सिस्टम जो आप यूज कर सकते हो फटाफट, अगर आप वहां पर फ्री फ्लडिंग कराओगे तो वो बह सकती है उसके साथ, लेकिन स्प्रिंकलर जो है वो धीरे धीरे आराम से उसको पानी प्रोवाइड करेगा, तो वाटर की वेस्टेज भी कम होंगी और यहां पर लाइट सॉइल जो है उसके लिए वो सुटेबल रहेगा। विद एन इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ इरीगेशन वाटर यील्ड ऑफ द क्रॉप। अब क्या हमेशा ऐसा होता है कि अगर आप क्रॉप को, किसी प्लांट को पानी देते जाओ तो उसकी जो प्रोडक्शन है वो बढ़ती जाएगी, ऐसा नहीं होता है। एक सर्टेन अमाउंट तक, जितना उसको मॉइस्चर चाहिए उस ऑप्टिमम मॉइस्चर अमाउंट तक वो ग्रो करेगा, वो अच्छे से फ्लरिश करेगा, ठीक है। उसके बाद अगर और ज्यादा उसको पानी दिया तो डैम्पिंग कंडीशन प्रिवेल हो सकती है और फिर वो प्लांट जो है वो प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाएगा। तो ऐसे केस में उसकी जो यील्ड मिलेगी, उससे जो हमें प्रोडक्शन मिलेगा, वो पहले तो जैसे जैसे पानी की सप्लाई अगर बढ़ाओगे तो वो बढ़ेगा, बाद में वो डिक्रीज होने लग जाता है। इंक्रीज अप टू अ सर्टेन लिमिट एंड देन इट डिक्रीजेस। हाउ कैन वी कंट्रोल वाटर लॉगिंग इन एग्रीकल्चरल लैंड। अगर किसी जगह पर आप खेती कर रहे हैं और वहां पर वाटर लॉगिंग हो जाए तो उसको आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। वाटर लॉगिंग मीन्स कंटिन्यूअसली वाटर उस लैंड के अंदर आता जा रहा है, या ये कह लीजिए ग्राउंड वाटर टेबल राइज करके ऊपर आ गई। तो जब ग्राउंड वाटर टेबल राइज करके ऊपर आ गई, हमेशा डैम्प कंडीशंस रह रही हैं वहां पर, हमेशा दलदली सिचुएशन जो है वो बन रही है, मडी सिचुएशन हो रही है ये कह लीजिए आप, तो वहां पर प्रॉपर सॉइल के अंदर वेंटिलेशन नहीं रह पाता है, न्यूट्रिशंस जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं सॉइल के वो वॉश अवे हो जाते हैं, एल्कलीज जो है वो आ जाती हैं सरफेस के ऊपर उस पे, तो वो लैंड बैरन हो जाती है, बंजर हो जाती है, काम की नहीं रहती जिसपे आप खेती कर पाए। तो ऐसी सिचुएशन ना हो, वाटर लॉगिंग जो है वो ना हो, तो उसको आप कैसे अवॉइड कर सकते हैं, उसको आप अवॉइड कर सकते हैं जो कैनाल्स है उनकी लाइनिंग करके, पक्की बना के उनको। अगर अर्दन कैनाल है यानी कि सिर्फ मिट्टी से बनी हुई है, तो डेफिनेटली इसके अंदर से वाटर सीपेज करके जो साइड में खेत हैं इनमें पानी जाएगा और वो क्या कर देगा, यहाँ की वाटर टेबल को राइज कर देगा। तो इसे अगर आप कैनाल के सर्फेस को अगर आप प्रोटेक्ट कर दें, यानी कि आप यहाँ पर कंक्रीट या फिर ब्रिक से या कैसे भी आप लाइनिंग प्रोवाइड कर दें इसको, तो वो सीपेज जो है नहीं होगा और यहाँ पर एडजेसेंट जो एरियाज है उनके अंदर वाटर लॉगिंग नहीं होगी। नेक्स्ट, Which technique of water distribution in farms is also known as trickle irrigation? Trickle irrigation हम बोलते हैं, drip irrigation को trickle irrigation कहा जाता है। One cubic day की अगर हम बात करें तो one cubic into day, cubic क्या होता है, मीटर क्यूब पर सेकेंड, इंटू डे के अंदर, एक डे के अंदर 8,6400 सेकेंड्स होते हैं, ठीक है। अब मीटर क्यूब आपके पास है, अब यूनिट से आपको देखना है हेक्टेयर मीटर्स, तो एक मीटर को तो आप रख लो इधर, तो आपने सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया आपके पास, तो यहां बचा 864,00, यहां पे आपके पास मीटर क्यूब है, इस मीटर क्यूब को आप लिख लो मीटर स्क्वायर इंटू मीटर इंटू 864,00। अब इस मीटर स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, 10^4 मीटर स्क्वायर, 10^4 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हेक्टेयर होता है। तो यहां से आप इसको क्या लिख सकते हैं कि 10^-4 हेक्टेयर
इनटू मीटर इनटू 864 00। तो यहां से आपके पास एक्सप्रेशन आ जाएगा 1 2 3 4, तो आ जाएगा आपके पास 8.64 हेक्टेयर मीटर, ऑप्शन डी। तो कुछ नहीं है, यूनिट कन्वर्जन का खेल है छोटा सा। 1 क्यूमेक का मतलब होता है मीटर क्यूब पर सेकेंड, डे का मतलब 864 00 सेकेंड, तो यहां से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर? पीडीएफ कहां मिलेगी? पीडीएफ मिल जाएगी दोस्त, टेलीग्राम पे भी मिल जाएगी पीडीएफ, इस सेशन के बाद यहां पर आपको लिंक भी मिल जाएगा, उस पर मिल जाएगी। कुछ नहीं करना, क्यूमेक को लिख सकते हैं आप मीटर क्यूब पर सेकंड, डे का मतलब होगा 864 00 सेकंड। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो आप यहां पर मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक दिन में 24 घंटे, एक घंटे में 60 मिनट, एक मिनट में 60 सेकंड, तो ये आ जाता है 8 6400, इतने सेकंड्स आ जाते हैं एक दिन में। तो आपने बस इसको पुट कर दिया, आंसर आ गया आपके पास 8.64 हेक्टेयर मीटर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो ये थी कोई शुरुआत, एक थोड़ा सा वार्म अप था, जिससे कि हम इरिगेशन के अंदर अभी जो टॉपिक आएगा, क्योंकि थोड़ा थ्योरेटिकल सा टॉपिक है, टाइप्स ऑफ अगर हम बात करें इरिगेशन या इरिगेशन टेक्निक्स की हम बात करें, तो उससे रिलेटेड कैसे सवाल आ सकते हैं, थोड़ी कहानियां थी इसीलिए उनसे रिलेटेड क्वेश्चन हमने पहले कर लिए, ताकि हमें समझ में आ जाए कि क्वेश्चन कैसे आएंगे। अब नेसेसिटी ऑफ इरिगेशन की अगर हम बात करें, तो हमें पता है हम रेनफॉल के ऊपर हमेशा डिपेंडेंट नहीं रह सकते, इसलिए इरिगेशन हम प्रोवाइड करते हैं, आर्टिफिशियली प्लांट्स को पानी जो है वो हम प्रोवाइड करते हैं। रेनफॉल अगर हो भी रही है, तो जरूरी नहीं है यूनिफॉर्मली हो, कहीं पे कम हो गई कहीं पे ज्यादा हो गई, इस तरीके से। अगर आपको जो क्रॉप का यील्ड बढ़ाना है, प्रोडक्शन जो है, जो आउटपुट आपको अगर बढ़ाना है, तो आपको इरिगेशन करवाना पड़ेगा। ग्रोइंग पेरेनियल क्रॉप्स, अगर आप पूरे साल के लिए क्रॉप्स ग्रो कर रहे हो, जो 12 मंथ्स वाले जो क्रॉप्स हैं वो अगर आप ग्रो कर रहे हो, तो उसके लिए आपको चाहिए। ग्रोइंग 2 to 3 क्रॉप्स इन अ ईयर, अगर एक साल में आपको 2 से 3 क्रॉप्स अगर ग्रो करवानी है, अगर आपको मैक्सिमम आउटपुट लेना है अपने खेत से, तो आपको क्या चाहिए होगा, इरिगेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी हर एक क्रॉप को। तो अगर एक साल में 2-3 क्रॉप ग्रो कर रहे हैं, तो इरिगेशन की वाटर की रिक्वायरमेंट आपको पड़ेगी। प्रिवेंशन फ्रॉम ड्रॉट एंड फेमाइन कंडीशन, आपको अगर आप सिर्फ बारिश के ऊपर आपकी खेती निर्भर करती है, अभी भी इंडिया के अंदर कुछ ऐसे सेगमेंट है, कुछ ऐसी जगह है जहां पर खेती जो है वो रेनफॉल के ऊपर ही डिपेंड करती है दोस्तों, अभी तक वहां पर इरिगेशन फैसिलिटीज जो है वो इतनी अच्छी नहीं हो पाई है। तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाता है, सूखा पड़ जाता है, रेनफॉल अगर नहीं आएगी तो वो लैंड जो है उसके अंदर मॉइस्चर नहीं जाएगा, लैंड के अंदर अगर मॉइस्चर नहीं गया वेजिटेशन नहीं होगा, वेजिटेशन अगर वहां पर नहीं होगा तो धीरे धीरे उस सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो वहां पर रोटेट नहीं होंगे, न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल नहीं होंगे उसके अंदर, तो वो सॉइल जो है वो इनफर्टाइल होनी शुरू हो जाएगी। एडवांटेजेस ऑफ इरिगेशन की अगर हम बात करें, तो क्रॉप यील्ड बढ़ जाएगी यहां पर सूखा नहीं पड़ेगा। एलिमिनेशन ऑफ मिक्स क्रॉपिंग पहले जो है, पुराने पैटर्न पे अगर हम बात करें, अगर हम हिस्ट्री में चले जाएं, तो पुराने जमाने में क्या हुआ करता था कि अलग अलग टाइप के क्रॉप जो है वो ग्रो करवाए जाते थे वहां पर, क्योंकि उस टाइम तक अगर हम क्रॉप की बात करें, तो मेजर जो रीजन होता था खेती करने का वो ये होता था, खाने के लिए धान जो है वो उगाना, या खाने के लिए जो भी आप चाहे बात करें फ्रूट्स की, वेजिटेबल्स की, या फिर जो भी आप वीट बार्ली एटसेट्रा जो भी आप ग्रो कर रहे हो उन सब के लिए, तो आपको किस चीज की जरूरत थी, सिर्फ फूड के लिए, तो मिक्स क्रॉपिंग होती थी। मिक्स क्रॉपिंग के बहुत सारे फायदे भी हैं, फायदे ये हैं कि सॉइल के अंदर हर टाइप के न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो प्रेजेंट रहते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो मेंटेन रहती है वहां पर। लेकिन मिक्स क्रॉपिंग के अंदर क्या होता है, क्रॉप वन आपने साथ में ग्रो कर रखा है, क्रॉप टू जो है वो साथ में ग्रो कर रखा है, इसकी रिक्वायरमेंट कुछ और है पानी की, इसकी रिक्वायरमेंट कुछ और है पानी की, इसका जो टाइम ड्यूरेशन है जब उसकी हार्वेस्टिंग होगी, जब उसको काटा जाएगा, वो कुछ अलग है, इसकी टाइम ड्यूरेशन कुछ अलग है। तो एक फील्ड के अंदर एक ही जगह पर 2-3 टाइप के क्रॉप्स अगर आप यूज कर पा रहे हो तो मुश्किल हो जाता है। तो धीरे धीरे विद टाइम क्या किया, जैसे जैसे हमने खेती जो है उसको कमर्शियलाइज करना शुरू कर दिया, या लार्ज स्केल के ऊपर उसको अगर हमने ग्रो करवाना शुरू कर दिया, तो उसके लिए क्या कर दिया हमने, जो मिक्स क्रॉपिंग है उसको एलिमिनेट कर दिया, सिर्फ एक टाइप का जो क्रॉप है उसको आप ग्रो करो लार्ज एरिया के अंदर, तो मिक्स क्रॉपिंग जो है इससे एलिमिनेट हो गई। और कुछ अगर डायरेक्ट एडवांटेजेस की बात करें, तो इसमें आता है कि आप जो भी कोई आपका इरिगेशन प्रोजेक्ट सेटअप होगा, तो उससे आप पावर जनरेशन कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, वहां पर नेविगेशन प्रोवाइड कर सकते हैं आप, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए वाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं आप, ग्राउंड वाटर है जो वो रिचार्ज हो जाएगा, अगर कहीं भी पानी आएगा इरिगेशन हो रहा है तो ग्राउंड वाटर टेबल वहां की रिचार्ज हो जाएगी। डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वाटर सप्लाई भी आप इसके थ्रू कर सकते हैं, फ्लड्स जो है वो कंट्रोल हो जाएगी, नदियों के अंदर जो बाढ़ आती थी उसको आप चैनलाइज करके आप कैनाल के थ्रू लेके जा रहे हो, तो फ्लड रेगुलेट कर रहे हो आप यहां पर, फ्लड कंट्रोल हो रहा है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा ऑब्वियसली, डब्ल्यूआरडी के अंदर वैकेंसी आएंगी और आप सब उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट, डिफरेंट क्रॉप्स रिक्वायर डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल, ये डिसएडवांटेजेस हैं यहां पर अगर हम बात करें। तो
अगर आप इरिगेशन के कुछ डिसएडवांटेजेस की बात करें यहां पर, तो सेम टाइप के अगर क्रॉप होंगे एक जगह, अगर आप मिक्स क्रॉपिंग कर रहे हैं तो वहां पर अगर आप इरिगेशन प्रोवाइड करेंगे तो उसका ये हो सकता है कि कुछ क्रॉप की रिक्वायरमेंट अलग, कुछ की अलग यहां पर। तो अगर मिक्स क्रॉपिंग के अंदर आप यूज कर रहे हैं यहां पर इरिगेशन, तो थोड़ा सा ये क्या हो सकता है यहां पर मिसबैलेंस कर देगा उसको। डिफरेंट क्रॉप्स रिक्वायर डिफरेंट टाइप ऑफ फील्ड प्रेपरेशन, वाटरिंग, मैन्योरिंग एंड एटसेट्रा, सिंस इट विल बी difficult to satisfy the need of both the crops simultaneously in the field, it will cause low yield, यानी कि mixed cropping की बात हो रही है यहाँ पर। वाटर लॉगिंग अगर हो जाएगी, बहुत ज्यादा पानी आपने खेत को प्रोवाइड कर दिया तो वाटर लॉगिंग होनी शुरू हो जाएगी कि ग्राउंड वाटर टेबल ऊपर राइज कर जाएगी धीरे धीरे। बहुत ज्यादा इरीगेशन अगर आप करेंगे तो उसके कारण क्या हो जाएगा, कोल्ड एंड डैम कंडीशन हो जाएगी। जहां पे भी चावल उगते हैं या फिर जहां पे भी राइस की खेती होती है, आपने देखा होगा जैसे जैसे गर्मी आती है वैसे वैसे वहां पर मच्छर बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है कि आप जो वो नेट वेट है वो आपको कंप्लीटली यूज करना पड़ता है, फुल स्लीव के कपड़े पहन के आप सोते होंगे, तो क्या होता है वहां पर डैम कंडीशन आ जाती है, वहां पर क्या हो जाते हैं मच्छर, मॉस्किटोज और ये सारे ग्रो करने जो है वो शुरू कर देते हैं। जब ये ग्रो करेंगे तो इनके कारण क्या होंगी, डिजीजेज होंगी यहां पर। ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन ड्यू टू द परकोलेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स, आपने क्या किया, ये फील्ड था आपके पास, इस फील्ड के ऊपर आपने फर्टिलाइजर केमिकल्स उनका यूज कर रखा है, यहीं पर अगर पानी आएगा तो वो पानी परकोलेट करके नीचे जाएगा तो ग्राउंड वाटर टेबल जो है वो ग्राउंड वाटर टेबल को वो क्या कर देगा, पॉल्यूट कर देगा। नेक्स्ट आगे बढ़े तो दो टाइप से आप पानी जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर प्लांट को पानी प्रोवाइड कर रहे हैं तो कैसे, आपका प्लांट ये है यहां पर और ये इसकी रूट्स हैं। अब इसकी रूट्स तक पानी पहुंचाना है तो या तो आप यहां पे ऊपर से सरफेस के ऊपर पानी प्रोवाइड करो या डायरेक्टली आप रूट्स तक, रूट जोन में जाके डायरेक्टली आप यहां पर पानी प्रोवाइड कर सकते हो। अब रूट जोन में पानी जो है वो कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, आपने देखा होगा जो भी नहर के किनारे जो भी प्लांटेशन होती है, जो भी वेजिटेशन होती है, उनको हम जाके थोड़ी ना पानी देते हैं, वो अपने आप ग्रो करती रहती है। वो कैसे ग्रो करती रहती है, क्योंकि उनके अंदर सब सरफेस इरीगेशन होता है। जैसे कि आप मान लीजिए यहां से कोई कैनाल जा रही है तो ये कैनाल जो है इसके थ्रू सीपेज हो रहा है, वो सीपेज वाला पानी डायरेक्ट इसके रूट जोन तक जा रहा है यहां पर, तो क्या हो गया, सब सरफेस, सरफेस के नीचे जो है वो इरिगेशन हो रहा है। अब इसके लिए हमने आर्टिफिशियली तो प्रोवाइड नहीं किया, ये नेचुरली वाटर सीपेज होके जा रहा था, तो ये हो गया नेचुरल तरीके से सब सरफेस, सरफेस के नीचे इरिगेशन प्रोवाइड करना। ऊपर वाले इरिगेशन से तो आप वाकिफ हैं कि ऊपर वाले के अंदर आप डायरेक्ट सरफेस के ऊपर पानी प्रोवाइड कर रहे हो, वो प्लांट की रूट्स तक जाएगा और प्लांट उसको बाद में यूटिलाइज करेगा। तो सरफेस इरिगेशन, सब सरफेस इरिगेशन का मतलब ये हो गया। अब सरफेस के ऊपर पानी जो है वो फ्लो करके जा रहा है, आपने सीधा पानी को ले जाके छोड़ दिया, जैसे कैनाल है, कैनाल के थ्रू आपने क्या किया यहाँ पर वाटर कोर्स बनाया। वाटर कोर्स मतलब छोटा रास्ता जिसके थ्रू पानी जो है वो ट्रेवल करके जाएगा, और यहाँ पर आपका फील्ड है, इस फील्ड के ऊपर आपने पानी को छोड़ दिया, वो फ्लो कर रहा है आराम से, तो ये क्या हो जाएगा, ये फ्लो इरीगेशन है। अब फ्लो इरीगेशन जो है वो कैसे टाइप का हो सकता है, अगर आप बात करें फ्लो इरीगेशन, फ्लो इरीगेशन के अंदर वाटर जो है वो हाई एलिवेशन के ऊपर डिपेंड, हाई एलिवेशन पे होगा, ऊंचाई के ऊपर होगा, तभी तो वो अपने आप, अगर आपकी कैनाल जो है वो आपके फील्ड से ऊंची है तभी तो पॉसिबल है ना कि वाटर जो है वो यहां तक जा पाएगा। तो ऑब्वियसली फ्लो इरिगेशन के अंदर वाटर ग्रेविटी के एक्शन के अंदर फ्लो कर रहा है। अगर लिफ्ट इरिगेशन की बात करें, कैनाल नहीं है या कैनाल जो है वो रन नहीं कर रही, नहर जो है वो अब नहीं चल रही है जिस समय पर आपको खेत में पानी प्रोवाइड करना है, तो ऐसे केस में आपने क्या किया, ट्यूबवेल या सबमर्सिबल इनका यूज किया आपने, तो आपका फील्ड यहां पर है तो आपको पानी जो है वो यहां से लिफ्ट करके लाना पड़ेगा, और लिफ्ट करेंगे आप इसे ट्यूबवेल्स के थ्रू या जो पंप्स हैं उनके थ्रू आप क्या करेंगे, पानी को लिफ्ट करके फील्ड में प्रोवाइड करेंगे। तो ऐसे केस में ये क्या हो गया, लिफ्ट इरिगेशन हो गया आपके पास। पेरेनियल इरिगेशन की अगर हम बात करें तो पेरेनियल इरिगेशन के अंदर क्या होता है, फील्ड को आप कंटिन्यूअसली वाटर दे रहे हो, आप थ्रू आउट द क्रॉप पीरियड कह लीजिए या फिर थ्रू आउट द ईयर आप कह लीजिए कि जितने समय तक उसको पानी चाहिए लगातार पानी जो है अवेलेबल है उसके पास। तो ऐसे केस में आपके पास क्या हो सकते हैं, क्या क्या माध्यम हो सकते हैं, क्या क्या मीडियम हो सकते हैं पेरेनियल इरिगेशन के। एक हो सकता है कि कैनाल, कैनाल के थ्रू आप डायरेक्टली कंटिन्यूअसली पानी जो है जब खेत में जरूरत पड़े तभी आप प्रोवाइड कर सकते हो, या क्या हो सकता है, या आपके पास हो सकता है नेक्स्ट मेथड स्टोरेज वाला, स्टोरेज के अंदर आप कोई टैंक बना लो, या फिर आप बात करो यहां पर कोई डैम हो सकता है, चैनल हो सकते हैं जिनके अंदर आप पानी को स्टोर करके और उसके बाद आप प्रोवाइड करवा सकते हो। दूसरा टाइप आता है आपके पास फ्लो इरिगेशन का, वो है इनंडेशन या फ्लड इरिगेशन। इसके अंदर आप क्या कर दो, पूरे खेत को भर दो, सबमर्ज कर दो, पानी जो है उससे उसको रजा दो एकदम अच्छे से, क्या कर दो उसको, पानी को भर, पानी से भर दो फील्ड को, तो ये हो जाएगा सबमर्ज, फुली फ्लडेड हो जाएगा। तो ऐसा कब कर पाएंगे, जब हमारे पास पानी जो है वो अच्छी खासी क्वांटिटी में है। पानी अच्छी खासी क्वांटिटी में कहाँ होगा, जहां पर रिवर जाके सी में मिल रही है, जब रिवर जो है, नदी जो आपकी है वो जाके सी में या ओशन में मिल रही है तो वहां पे आपके पास खूब पानी है। डेल्टा रीजन्स के अंदर आप ऐसा जो है कर सकते हैं।
तो ये तो बात हो गई सरफेस की, सरफेस इरिगेशन की बात कर रहे थे। सरफेस इरिगेशन के अंदर पेरेनियल क्या होता है, इनंडेशन या फ्लड इरिगेशन क्या होता है, लिफ्ट इरिगेशन क्या होता है, इनकी बात कर ली। अब आ जाते हैं सब सरफेस। सरफेस के नीचे अगर हम बात करें तो एक तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि सरफेस के नीचे क्या होगा, ड्रेनेज जो यहां पर सीपेज, पानी जो है वो वॉइड के थ्रू ट्रेवल करता करता जो भी प्लांट्स हैं उन प्लांट्स की रूट्स तक पहुंच गया, तो इसे हम कह देते हैं क्या, नेचुरली ये पानी जो है वो फ्लो कर रहा है, चाहे वो किसके थ्रू करे, परमियबिलिटी के थ्रू, सीपेज के थ्रू या कैपिलरिटी एक्शन के थ्रू वो ट्रेवल कर रहा है। आर्टिफिशियल सब सरफेस का मतलब क्या होता है कि आप क्या यूज करेंगे, पाइप्स यूज करेंगे, छोटी छोटी पाइप्स जो है उनका आप यूज करेंगे, जिनको आप ग्राउंड के नीचे बिछा देंगे और वो डायरेक्टली वहां पर पानी जो है सप्लाई करती है, तो ये क्या हो जाएगा आपका आर्टिफिशियल, ये हो जाएगा आपके पास आर्टिफिशियल सब सरफेस। सरफेस के नीचे जो आप पानी प्रोवाइड कर रहे हैं ये आपका प्लांट हो गया प्यारा सा, और यहां पर आपने पाइप यूज कर रखी है जो आगे और डिफरेंट प्लांट्स जो हैं या फिर जो सेम रो में आपने यूज कर रखे हैं इनको ये पानी जो है यहां पर सरफेस के नीचे प्रोवाइड करेगी। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फ्लो इरिगेशन इज डन फ्रॉम, फ्लो इरिगेशन जो आप करते हैं वो फ्लो इरिगेशन इनमें से एज पर द गिवन ऑप्शन किससे आप करवा सकते हैं, तो वेल, रिवर, सी या कैनाल। तो सी का पानी तो वैसे भी आप इरिगेशन में नहीं यूज करेंगे, तो कैनाल आपके पास होता है जिसके अंदर आप फ्लो करवा सकते हैं, पानी जो है वो बह के जाएगा, फ्लो करके जाएगा ग्रेविटी के एक्शन के अंडर। फ्लड इरिगेशन मेथड ऑफ इरिगेटिंग फील्ड्स वर्क्स बेस्ट ऑन, फ्लड इरिगेशन मेथड जो है वो कैसे फील्ड के ऊपर बेस्ट काम करता है, तो हमने उसकी अभी बात की थी जो पहले भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर चुके हैं। रोलिंग जो टेरेन होता है या तो लेवल ग्राउंड होगा या फिर जेंटली रोलिंग टेरेन, अगर आप स्टीपली रोलिंग वाले को, बहुत ज्यादा स्टीप है तो यहां पे अगर आप पानी डालेंगे बहुत सारा, फ्लड करना चाह रहे हैं आप, इसको भर देना चाह रहे हैं खेत को पानी से, तो वो तो हो ही नहीं पाएगा, वाटर आगे फ्लो कर जाएगा। तो ऐसे केस में आप कह सकते हैं कि या तो वो लेवल्ड ग्राउंड हो, या तो वो लेवल हो, या बहुत ही जेंटल सा स्लोप हो इसके ऊपर, तब आप इसको यूज कर सकते हो। नेक्स्ट, इरिगेशन टेक्निक की अगर हम बात करें तो प्री फ्लडिंग, बॉर्डर इरिगेशन, चेक फ्लडिंग, बेसिन इरिगेशन, फरो इरिगेशन, स्प्रिंकलर, ड्रिप इरिगेशन, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं हम स्टार्टिंग में ही देख चुके हैं, एक एक करके इनके जो की पॉइंट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके ऊपर चलेंगे। सबसे पहला आता है दोस्तों प्री फ्लडिंग इरिगेशन। प्री फ्लडिंग इरिगेशन की हमने ऑलरेडी बात कर ली, या तो वो प्लेन रीजन होना चाहिए या फिर रोलिंग टेरेन हो, तो प्लेन एंड रोलिंग के अंदर आप प्री फ्लडिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ज्यादा स्टीप ग्रेडियंट अगर होगा तो वो पानी वहां से बह के फटाफट निकल जाएगा यहां पर, तो इसके लिए आप कहां पे ये सूटेबल होगा, जो भी क्लोजली ग्रो करने वाले जो प्लांट्स होते हैं, जैसे पास्चर होता है, जो आप चारा जो होता है वो क्या होता है, बहुत पास पास में ग्रो करता है, तो उसके लिए आप फ्री फ्लडिंग करा सकते हो ताकि सफिशियंटली आराम से सारे प्लांट्स को पानी जो है वो मिल जाएगा और ज्यादा लॉसेस भी नहीं होंगे यहां पर इस केस में, एज कंपेयर टू अ फील्ड जहां पर दूर दूर प्लांट्स हैं और उसकी आप फ्री फ्लडिंग कराएं, तो वो अननेसेसरी वेस्टेज ऑफ वाटर है बजाय कि उसके डायरेक्टली आप रूट्स तक पानी पहुंचाओ। तो फ्री फ्लडिंग में जो प्लांट्स होंगे जो पास पास होते हैं उनके लिए आप ये इसको अगर आप करेंगे तो ये सही रहेगा। एंशियंट टाइम से, पुराने जमाने से इसी को प्रैक्टिस किया जा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज सुटेबल फॉर रोलिंग टेरेन, फ्री फ्लडिंग, ऐसा सवाल इससे पूछेगा। नेक्स्ट मेथड आता है बॉर्डर इरिगेशन। बॉर्डर इरिगेशन के अंदर हम क्या करते हैं, जो फील्ड है उसको छोटे छोटे बेड्स में, स्मॉल बेड्स के अंदर हम उसको डिवाइड कर देते हैं और आसपास में उनके क्या बना देते हैं, बॉर्डर्स बना देते हैं। बॉर्डर्स बना के और इनके थ्रू इरिगेशन चैनल प्रोवाइड करेंगे दो रो ऑफ बेड के बीच में, जैसे एक बेड आपने ये बना दिया, एक बेड आपने ये बना दिया, इनके बीच में यहां पर आप पानी प्रोवाइड करेंगे जो इन बेड्स को वाटर जो है वो प्रोवाइड करेगा। द लेंथ ऑफ द बेड वेरीज फ्रॉम 30 मीटर्स फॉर लोमी सॉइल टू 90 मीटर फॉर क्लेई सॉइल, इनकी लेंथ जो है वो 30 से लेके 90 मीटर होगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें फॉर हाई वैल्यू क्रॉप्स, द बेड्स मे बी स्टिल स्मॉलर स्पेशली वेयर वाटर इज कॉस्टली एंड नॉट वेरी अबंडेंट। अब अगर आप बहुत ज्यादा वैल्यूएबल क्रॉप्स की बात कर रहे हैं, कोई आपने बाग लगा रखा है, बगीचा लगा रखा है अगर आपने मान लीजिए, तो ऐसे केस में वो प्लांट्स जो है वो आपके लिए प्रेशियस है, इंपॉर्टेंट है, उनको आपको पानी जो है वो आराम से ध्यान से प्रोवाइड करना है और पानी की भी कमी है, तो ऐसे केस में ये जो बेड्स आप बनाए इनको आप छोटे बना सकते हैं प्रॉपरली इनके अंदर आप पानी जो है वो देने के लिए। दिस मेथड इज अडेप्टेबल टू मॉस सॉइल एक्सेप्ट टेक्सचर्स, सैंडी सॉइल और उनके अंदर ये जो एक्सेप्टेबल है वहां पर एक्सेप्टेबल नहीं है, इसके अलावा आप यूज कर सकते हो। दिस मेथड इज अडेप्टेबल टू मॉस सॉइल एक्सेप्ट सैंडी सॉइल एंड इज सुटेबल फॉर हाई वैल्यू क्रॉप्स। हाई वैल्यू क्रॉप्स के लिए आप बॉर्डर इरिगेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। इसका इनिशियल कॉस्ट जो है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है क्योंकि आपको यहाँ पर क्या करना पड़ता है, ये जो बंड्स बनाने पड़ेंगे, बॉर्डर्स बनानी पड़ेंगे, उसके बाद आप पानी जो है इनमें प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आता है दोस्तों चेक फ्लड इरिगेशन। इस मेथड के अंदर आप क्या करते हैं, लेवल्ड प्लॉट्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे एक प्लॉट ये हो गया, दूसरा प्लॉट ये हो गया यहां पर, और इनके
यहां पे क्या प्रेजेंट्स होती हैं, ये लीव्स कह सकते हैं आप इनको, ये क्या प्रेजेंट्स है यहां पर, इस तरीके से आपने ये लीव्स बना रखी हैं, इनके थ्रू क्या किया आपने, यहां से यहां वाटर प्रोवाइड किया और पानी इन लीव्स के थ्रू यहां पर जा सकता है, फील्ड डिच से पानी आएगा यहां पे आएगा और यहां से ये पूरे फील्ड के अंदर फैल जाएगा। सो इन दिस मेथड रिलेटिवली लेवल प्लॉट्स आर एनक्लोज्ड बाय स्मॉल लीव्स और एम्बैंकमेंट, छोटी छोटी लीव्स बना दी आपने यहां पर, तो इनके बीच बीच में ऐसे पानी जो है वो फ्लो करेगा, यहां से पानी आया फिर यहां आएगा फिर इनके बीच में जो है वो फ्लो करेगा यहां पर। तो ऐसे सॉइल जिनके अंदर परमिएबिलिटी बहुत ज्यादा होती है उनके अंदर आप इसको यूज कर सकते हैं। क्या कारण है इसका कि पानी जो है वो फटाफट पूरे एरिया के अंदर फैल जाएगा, ये जो लीव्स आपने बना रखी हैं तो पानी नीचे जाने के बजाय क्या हो जाएगा इन लीव्स के अंदर और आसपास वाले एरिया के अंदर फटाफट फैल जाएगा, जिसके कारण क्या हो जाएगा यहां पर इस रीजन के अंदर, इस सॉइल के अंदर जो है मॉइस्चर जो है वो आ जाएगा, पानी नीचे पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा। तो ये मेथड जो आपका चेक फ्लड इरिगेशन है ये ऐसे हेल्पफुल हो जाएगा जहां पर परमिएबिलिटी सॉइल की ज्यादा होती है। इट इज बेस्ट अडॉप्टेड फॉर हैवी सॉइल, हैवी सॉइल्स के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है बेसिन इरिगेशन, बेसिन इरिगेशन के अंदर भी सेम उसी तरीके से है, यहां पर आप बेसिन बना देते हैं अलग अलग, इन बेसिन के अंदर आप वाटर जो है वो आप प्रोवाइड कर रहे हैं यहां पर। दिस मेथड इज एम्प्लॉयड फॉर वाटरिंग ऑर्चर्ड्स, जो भी बागाने होते हैं बगीचे होते हैं वहां पर आप यूज करते हैं इसको, और जहां पर छोटे छोटे फील्ड्स हैं छोटे छोटे फील्ड्स के फॉर्मेट में आप इसको प्रोवाइड कर रहे हो यहां पर। तो रन ऑफ को प्रिवेंट करने के लिए पानी जो है वो बाहर ना जाए, इसके लिए आप यहां पर इनके ऊपर डाइक्स बना देते हैं, बॉर्डर्स बना देते हैं यहां पर, ताकि यहां से पानी जो है वो बाहर ना गिर जाए, उधर ना चला जाए यहां पर। और ये बेसिन बनाते हैं रेक्टेंगुलर शेप के या स्क्वायर शेप के, आप इनको बेसिन बनाते हो, इनके अंदर आप वाटर प्रोवाइड कर देते हो। फरो इरिगेशन के अंदर छोटे छोटे फरोज होंगे, छोटे छोटे चैनल्स बनाएंगे आप बीच में, जैसे आपको यहां पर दिख रहे हैं। तो जनरली आपने ये कहां पे देखे होंगे, जब आप पोटैटो आलू जो है वो ग्रो करते हैं अगर आप, या अगर आप कॉटन ग्रो करते हैं, तो ऐसे केस में क्या करते हैं हम, फरो इरिगेशन का इस्तेमाल किया जाता है यहां पर। तो फरो इरिगेशन के अंदर आप वाटर को बहुत इकोनॉमिकली यूज कर पाते हैं यहां पर, इन फरोज के बीच बीच में पानी जो है वो जाएगा, तो प्लांट्स जो है आसपास वाले वो उस वाटर को यूटिलाइज कर पाएंगे यहां पर। इट वेरीज फ्रॉम 3 to 6 meters इन सैंडी एंड क्ले लोम्स, द लेंथ इज शॉर्टर देन इन क्ले एंड क्ले लोम्स, वाटर डज नॉट कम इन कॉन्टेक्ट विद द प्लांट स्टेम्स, प्लांट के स्टेम्स में कॉन्टेक्ट में नहीं आएगा, इन फरोज के अंदर वाटर जो है वो फ्लो करेगा। Sometimes even in furrow irrigation the field is divided into beds having alternate rides and furrows on slope of 1:3% the furrow irrigation with straight furrows is quite successful। कुल मिला के कहानी जो है मुक्ति बात इतनी सी है कि ये जो आप furrow बनाते हो इसमें जो channels बना देते हो हर यहाँ पर एक series of या line of plants जो आप use करते हैं इनके आसपास furrows बना दिए इनके through आप पानी जो है वो provide करते हो। furrow irrigation के example याद रख लेना, जब आप sugar cane की बात करें cotton की बात करें अगर आप या फिर आप potato की बात करें तो उस case में आप इसको use करते हो furrow irrigation को। The method of growing crop on running on the sides of water ditches used in certain agricultural field is, जो आप इसके साइड में प्लांट के साइड में पानी रन कर रहा है यहां पर, तो यही आपसे पूछ रहा है कि वो कौन सा इरिगेशन हो जाएगा, वो फरो इरिगेशन हो जाएगा आपके पास। द इरिगेशन मेथड वेयर ओनली 1/5 to 1/2 ऑफ द लैंड सर्फेस इज वेटेड बाय वाटर रिजल्टिंग इन लेस इवेपोरेशन। अब यहां पे आपको फरो इरिगेशन में दिख रहा है कि सिर्फ ये बीच बीच वाला पोर्शन है इसी को वेट किया है आपने और यहीं से पानी जो है वो क्रॉप जो क्रॉप है उसकी रूट्स पानी ले लेंगी, तो लॉसेस जो है यहां पर क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं यहां पर। तो ये किसके अंदर होते हैं, फरो इरिगेशन के अंदर। द इरिगेशन मेथड वेयर ओनली 1/5 to 1/2 जो एरिया है वही वेटेड होता है, जिसके कारण क्या होगा वो जगह जो है वो दलदली नहीं होगी, कीचड़ नहीं होगा उसके अंदर। पुडिंग की अगर हम बात करें, जैसे राइस होता है धान आप उगाते हैं तो उस केस में वहां पर स्टैंडिंग वाटर होता है, तो धीरे धीरे वो जो जगह है या फिर वो जो सॉइल है वो कैसी हो जाती है, मडी हो जाती है, कीचड़ जैसी हो जाती है, तो वो पुडिंग ऑफ सॉइल जो है वो यहां पर नहीं होता है ऐसे केस में। नेक्स्ट स्प्रिंकलर इरिगेशन, जैसा कि आप फोटो देख के ही बता सकते हैं स्प्रिंकलर इरिगेशन के अंदर क्या होगा, आप पानी को स्प्रिंकल कर रहे हैं, तो पॉजिटिव और नेगेटिव सारे ही दिख रहे हैं आपको। पॉजिटिव क्या हो जाएंगे यहां पर कि वाटर का अमाउंट जो है वो क्या होगा यहां पर इकोनॉमिकली यूज होगा, ऐसे नहीं कि भर भर के पानी एकदम से फ्लो हो गया, स्प्रिंकल करके जा रहे हैं। यही नेगेटिव पॉइंट आ जाएगा कि जब वो स्प्रिंकल करेगा तो हवा में जाएगा, हवा में जाएगा तो इवेपोरेशन होगा, इवेपोरेशन लॉसेज ऐसे केस में आए हो सकते हैं। इक्विपमेंट जो है वो सेटअप करने के लिए आपको हाई कॉस्ट चाहिए यहां पर, इक्विपमेंट जो है वो अगर रख रखा है आपने और आप ट्रैक्टर चला रहे हैं बीच
में या कोई भी इक्विपमेंट अगर आप लेके जा रहे हैं इस खेत में से, तो वहां पर रुकावट वो अड़चन क्रिएट करेगा। साथ ही साथ में आपको पावर चाहिए होगा इसको रेगुलेट करने के लिए, आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगी इसको रेगुलेट करने के लिए, इसको ऑपरेट करने के लिए, और इनिशियल सेटअप कॉस्ट जो है वो हाई रहेगा। यहाँ पर स्प्रे करेंगे तो जो पूरा सेटअप आप करेंगे उसके लिए यूज में आपका। नेक्स्ट चलें आगे बात करें। नेक्स्ट, इन एग्रीकल्चर ऑलमोस्ट ऑल क्रॉप्स आर सुटेबल फॉर स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम। जैसे कि अगर आप बात करें पैडी और जूट, या जिनके अंदर बहुत ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट है, स्टैंडिंग वाटर ही चाहिए, तो वहां पे ये काम का नहीं है। इसके अलावा लगभग सारे क्रॉप्स के अंदर आप इसको यूज कर सकते हो। फॉर ड्राई क्रॉप्स, वेजिटेबल्स, फ्लावरिंग क्रॉप्स, ऑर्चर्ड्स, प्लांटेशन क्रॉप्स लाइक टी, कॉफी, ऑल आर सुटेबल एंड कैन बी इरिगेटेड थ्रू स्प्रिंकलर टेक्निक ऑफ इरिगेशन। कहने का मतलब यह है कि जिन क्रॉप्स के अंदर बहुत ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट नहीं है, स्टैंडिंग वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं है, जहां पर फ्री फ्लडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, वहां पर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कोई अगर ऐसा ग्राउंड है जो स्लोपिंग है, यानी कि स्लोपिंग ग्राउंड है, तो वहां पे भी आप स्प्रिंकलर का यूज कर सकते हो। ये उतना ही पानी देगा जितना क्रॉप को चाहिए, वो पानी जो है रन ऑफ की फॉर्मेट में नहीं बहेगा वहां पर। तो आप पानी का इस्तेमाल जो है इकोनॉमिकली यहाँ पे आप कर रहे हो। इसकी एफिशिएंसी भी ज्यादा होती है, लगभग 80% तक इसकी एफिशिएंसी होती है। इसकी एफिशिएंसी लगभग 80% तक होती है। इरिगेशन एफिशिएंसी इज अबाउट 80%। स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम इज अप्रोप्रिएट इन राइजिंग एंड फॉलिंग लैंड, ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ऐसे के अंदर आप यूज करते हो। यहाँ पे जो लॉसेज हैं, इनमें सिर्फ इवेपोरेशन लॉस जो है वो ज्यादा होगा, क्योंकि ये हवा के थ्रू स्प्रिंकल करता हुआ आ रहा है। जमीन पे तो जो लिमिटेड अमाउंट ही जा रहा है, तो कितना ही परकोलेट हो पाएगा जमीन के अंदर, तो परकोलेशन लॉसेज जो है यहाँ पर वो क्या हो जाएंगे कम हो जाएंगे। तो ऐसी जगह जैसे कि सैंडी सॉइल्स की अगर हम बात करें, तो सैंडी सॉइल के केस में परकोलेशन जो है वो ज्यादा होता है। परकोलेट कर जाने का मतलब है सॉइल की लेयर के ऊपर जैसे ही पानी आया वो उसके अंदर नीचे परकोलेट कर जाएगा, तो सैंडी सॉइल्स के अंदर परकोलेशन ज्यादा होता है। तो ऐसी सॉइल के अंदर ये जो है ज्यादा सुटेबल रहता है, वहां पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। इवेपोरेशन लॉस ज्यादा होता है, ये इसका जो है ड्रॉबैक है, ये कमियां हैं इसकी। कॉजेज इंटरफेरेंस इन फार्मिंग ऑपरेशन, जो भी आप नेटवर्क बिछाएंगे, पाइप जाएंगी, ये स्प्रिंकलर जो हैं ये होंगे, नोजल्स लगी हुई हैं यहाँ पर, तो इन सेटअप के थ्रू आप कोई भी जब खेती बाड़ी के अंदर जो भी अगर आप ट्रैक्टर लेके जा रहे हैं, कोई भी मूवमेंट अगर आप कर रहे हैं वहां पर, जब फसल की हार्वेस्टिंग हो रही है, तब ये जो है बीच में रुकावट पैदा करेंगे। विंड्स के कारण स्प्रिंकलर का जो पैटर्न है, ये जो रोटेट कर रहे हैं वो पैटर्न जो है वो गड़बड़ हो सकता है हवा के कारण, क्योंकि ये तो रोटेट करते रहते हैं, तो विंड जो है वो इसको इफेक्ट करेगा। इनिशियल कॉस्ट जो बहुत ज्यादा हाई होता है इसका। रिक्वायर्स लार्ज इलेक्ट्रिकल पावर, कैन नॉट बी यूज्ड फॉर क्रॉप्स विच रिक्वायर फ्रीक्वेंट एंड लार्ज डेप्थ ऑफ वाटर लाइक पैडी। ठीक है, नेक्स्ट, फॉर स्टैंडिंग क्रॉप्स इन अनड्यूलेटिंग कैंडी फील्ड्स, अनड्यूलेटिंग सैंडी फील्ड्स, द सुटेबल मेथड ऑफ इरिगेशन इज फॉर स्टैंडिंग क्रॉप्स इन अनड्यूलेटिंग सैंडी फील्ड्स। सैंडी फील्ड है तो कौन सा सुटेबल मेथड ऑफ इरिगेशन होगा? अभी अभी बात की हमने, स्प्रिंकलर इरिगेशन आप यूज करते हैं। कौन सा इरिगेशन? स्प्रिंकलर इरिगेशन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर नॉट अमंग द मेजर लिमिटेशंस ऑफ स्प्रिंकलर सिस्टम? कौन सा लिमिटेशन नहीं है? पहले की बात करें, स्ट्रॉन्ग विंड्स डिस्टर्ब द स्प्रिंकलिंग, लिमिटेशन है ये। इट रिक्वायर्स हैवी इनिशियल इन्वेस्टमेंट, शुरू में बहुत पैसा खर्च होगा, ये भी इसका लिमिटेशन है। इट मिनिमाइजेस इरोजन ऑफ सॉइल, ये तो इसका एडवांटेज है, तो ये लिमिटेशन नहीं है। यही आपसे पूछा है कि कौन सा लिमिटेशन नहीं है, तो ऑप्शन सी जो है, या फिर ओनली जो स्टेटमेंट सी है, वो इसका लिमिटेशन नहीं है। नेक्स्ट, ड्रिप इरिगेशन की अगर हम बात करें, तो ड्रिप इरिगेशन के अंदर भी सेम सिस्टम आ जाएगा। ये प्लांट्स की रूट तक डायरेक्टली पानी को जो है वो प्रोवाइड कर रहा है, तो ये लेटेस्ट एनहांसमेंट है। यहाँ पे आपको पूरा एक नेटवर्क बिछाना पड़ेगा ड्रिप के लिए, तो इनिशियल सेटअप कॉस्ट जो है वो बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा, पूरा आपको सेटअप करने के लिए, पूरा यहाँ पर इक्विपमेंट्स लगाने के लिए यहाँ पर। इन दिस मेथड इरिगेशन वाटर इज कन्वेड ऑन द सर्फेस इन 12-16 mm डाया ट्यूबिंग्स फेड फ्रॉम लार्ज फीडर पाइप्स। बड़ी बड़ी फीडर पाइप्स होंगी आपके पास, यहाँ पे एक बड़ी फीडर पाइप है, उस फीडर पाइप के थ्रू ये जो छोटी छोटी ट्यूबिंग्स हैं इनके थ्रू पानी आ रहा है यहाँ पर। तो आप ये कह सकते हैं कि क्या कर रहे हैं हम, पानी यहाँ पर प्लांट्स तक प्रोवाइड कर रहे हैं। द वॉटर इज अलाउड टू ड्रिप और ट्रिकल, धीरे धीरे ट्रिकल कर करके जाएगा, ड्रिप करके जाएगा, थोड़ा थोड़ा पानी जो है वो प्लांट को देता रहेगा यहाँ पर। तो उससे क्या होगा, वाटर का वेस्टेज नहीं हुआ और डायरेक्ट रूट पे जाके आपने पानी जो है वो प्रोवाइड किया है, तो वाटर को बहुत ही एफिशियंटली आप यूज कर रहे हो। कितना एफिशियंटली यूज कर रहे हो कि वाटर इज अप्लाइड एट वेरी लो रेट, 2-10 liters per hour, 2-10 liters per hour, इतना कम पानी आप जो है वो प्रोवाइड कर रहे हो, तो ऑब्वियसली वेस्टेज जो है वो यहाँ पर कम होगा। बाय यूजिंग दिस मेथड क्रॉप्स कैन बी ग्रोन सक्सेसफुली,
ओवर सेलाइन लैंड ऑल्सो। सेलाइन लैंड जो होती है जिसके अंदर सॉल्ट बहुत ज्यादा प्रेजेंट है, तो उसमें भी आप इसको यूज कर सकते हो। उसमें फायदा क्या होगा, अगर सेलाइन लैंड है उसमें अगर भर भर के पानी आपने प्रोवाइड कर दिया ना, तो उसके अंदर जो नीचे सॉल्ट प्रेजेंट थे, अगर आपने पानी दे दिया बहुत ज्यादा, तो वो जो सॉल्ट प्रेजेंट थे वो क्या हो जाएंगे, लीचिंग हो जाएगी उनकी, यही कह लो वो घुल जाएंगे पानी के साथ। वो घुल के क्या हो जाएंगे, सरफेस के ऊपर आ जाएंगे। सरफेस के ऊपर आ जाएंगे तो वहां पे आके उस सॉइल को वो क्या कर सकते हैं, बंजर बना सकते हैं या फिर और लेस फर्टाइल कर देंगे उसको। तो इसको आप सेलाइन लैंड्स के अंदर भी यूज कर सकते हो अगर आप ड्रिप इरिगेशन यूज कर रहे हो। इरिगेशन एफिशिएंसी 90% तक पहुंच जाती है यहाँ पर, और ये मेथड जो है वो बहुत ही ग्रेट वैल्यू, अच्छी वैल्यू का माना जाता है जहां पे भी आप इसको डेजर्ट्स में और या फिर जो एरिड एरियाज होते हैं जहां पर मॉइस्चर जो है वो बहुत कम है, वहां पे आप इनको यूज कर सकते हो। इट हेल्प्स इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ इरिगेशन वाटर, समझ में आता है हमें। देर इज नो चांस ऑफ लैंड गेटिंग वाटर लॉग्ड, पानी जो है वो बिल्कुल ड्रॉप बाय ड्रॉप तो आप दे रहे हो, गिन चुन के तो पानी दे रहे हो, तो कहां से वाटर लॉगिंग हो जाएगी ऐसे केस में। क्रॉप यील्ड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि रूट्स तक जाके डायरेक्टली पानी पहुंचाया जा रहा है। इट मेक्स पॉसिबल टू गो फॉर कैश क्रॉप्स, कैश क्रॉप्स ऐसे क्रॉप जिनको आप पैसे के लिए या कमर्शियली आप ग्रो करते हो उसको, तो वो क्या हो जाएगा यहां पर उनके लिए, उनका यील्ड बढ़ा देगा ये। राजस्थान के बारे में कोई कमेंट ना करे, राजस्थान में पानी जो है वो अच्छा खासा है, ठीक है, बहुत सही इरिगेशन सिस्टम हो गया है पिछले 5 साल के अंदर, तो बहुत वाकई में बहुत इंप्रूवमेंट हुई है पहले से। और राजस्थान का मतलब ये नहीं है कि हाँ वहां पर हवाएं चल रही है और वहां पर लोग जो है वो सर पे मटके रखे हुए बस पानी की तलाश में है हमेशा, या वो जब शहर जा रहे हैं तो वो पानी को देख के खुश हो रहे हैं कि पानी देखने को मिल रहा है। राजस्थान में अच्छा खासा पानी है, ठीक है, हमारे जो दिमाग में इमेज आती है राजस्थान मीन्स कि हमें वही दिखते हैं कि हाँ सैंड ड्यून्स बन रहे हैं, हवाएं चल रही है, सैंड ड्यून एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो गया, कहीं पे किसी की चाइल्ड मैरिज हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सारी पिक्चर जो है वो चेंज हो चुकी है, पुराने जमाने में कभी होता होगा। और राजस्थान भी बहुत बड़ा है, ठीक है, एरिया वाइज सबसे बड़ा है, तो आप ये बात कर लीजिए कि ऐसा नहीं है कि पूरे के पूरे के अंदर रेगिस्तान है, कुछ पर्टिकुलर रीजन्स हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द रीजन के अंदर वाटर अवेलेबल है और इरीगेशन वाटर भी अच्छा खासा अवेलेबल है। चले आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पिकअप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट की बात करते हैं, इनमें से गलत स्टेटमेंट जो है वो कौन सा है, जल्दी से बताओ आप पढ़ के कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ये जो पेपर कैंसिल की अफवाहें फैला रहे हैं उनके बहकावे में ना आए, पढ़ाई पे ध्यान दें। जब अगर पेपर कैंसिल होना होगा, जो भी होना होगा, नोटिफिकेशन आएगा हमारे पास, ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, किसी की बातों में नहीं आना है आपको। पीडीएफ विदाउट एनोटेशन मिली, विदाउट एनोटेशन इसलिए दिए क्योंकि दोस्त उस पीडीएफ का साइज छोटा है, ये एनोटेशन वाली पीडीएफ देंगे ना भर भर के ये 300-400 एमबी से पार कर जाएगी ये वाली पीडीएफ ही, और फिर आपको ही कैरी करने में प्रॉब्लम होगी, आपके फोन में स्पेस कम हो जाएगा। चलो ऑप्शन डी, सारी बातें सत्य है। इन फ्री फ्लडिंग इरिगेशन सिस्टम वाटर इज एडमिटेड एट वन कॉर्नर ऑफ अ फील्ड एंड इज अलाउड टू स्प्रेड ओवर द एंटायर एरिया, यहां पे आके पानी छोड़ दिया फिर भूल गए, भरता रहेगा आराम से, जाने दो, तो ये क्या हो गया, फ्री फ्लडिंग हो गया, सही बात है ये। इन चेक मेथड ऑफ इरिगेशन द फील्ड इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर कंपार्टमेंट एंड वाटर इज एडमिटेड इन ईच टर्न, आपने छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स में दे दिया, पहले पानी यहां पर, फिर यहां, फिर यहां, 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 इस तरीके से प्रोवाइड कर रहे हैं। इन फरो इरिगेशन सिस्टम वाटर इज एडमिटेड बिटवीन द रोज ऑफ प्लांट्स इन द फील्ड्स, यहां पर फरोज बना दिया आपने और इनके बीच में प्लांट्स जो है वो आपने ग्रो कर रखे हैं और फरोज में प्रोवाइड कर रहे हैं, नन ऑफ दीज, मतलब सारी बातें सही हैं। उसके बाद क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर की बात करते हैं दोस्तों, पानी जो है उसकी गुणवत्ता की बात करते हैं जो आप इरिगेशन के अंदर यूज कर रहे हैं, तो साधारण सी बात है सेडिमेंट्स के लिए कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है, इस पानी को हमें पीना तो है नहीं, तो आप बोलेंगे कि टोटल डिसॉल्व सॉलिड जो है वो इतने होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, इस पानी को हमें प्रोवाइड करना है खेत में। अब ये जो पानी है अगर आ रहा है रिवर्स के थ्रू, रिवर्स के थ्रू आ रहा है तो एल्यूवियल सॉइल लेके आ रहा है, एल्यूवियल सॉइल लेके आ रहा है तो वो फर्टाइल होगी, फर्टाइल होगी तो वो हमारे खेत के लिए हेल्पफुल है। दूसरी अगर हम बात करें इसी की जगह, अगर वो कोई केमिकल्स लेके आ रहा है, अगर वो कोई ऐसा मटेरियल लेके आ रहा है जो आके क्या कर देगा, हमारे जो सिल्टी कंटेंट आ रहा है अगर उसमें, तो हमारे खेत के अंदर जो वॉइड्स हैं, सॉइल के जो वॉइड्स हैं उनको, पोर्स को ब्लॉक कर देगा, क्लॉगिंग कर देगा वहां पर, तो वो सेडिमेंट हमारे लिए अच्छा नहीं है।
अगर कोई वेजिटेटिव मैटर है या कोई ऑर्गेनिक मैटर आ रहा है साथ में, पानी के बहते पाने हुए के साथ अगर कोई ऑर्गेनिक मैटर आ रहा है, तो वो ऑर्गेनिक मैटर डेफिनेटली क्या करेगा, हमारे खेत के अंदर न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगा, चाहे वो नाइट्रोजन की फॉर्मेट में हो, चाहे फॉस्फोरस की हो, या कैसे भी हो, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगा जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए हेल्पफुल होंगे। तो सेडिमेंट का कैसा नेचर है, जो पार्टिकल आ रहे हैं पानी के अंदर उनका नेचर कैसा है, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो सेडिमेंट हमें आने देना चाहिए या नहीं आने देने चाहिए। तो ये तो बात हो जाती है सेडिमेंट के बारे में। उसके बाद आती है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट्स के बारे में। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट्स की अगर हम बात करें, तो सॉल्ट अगर पानी के अंदर प्रेजेंट होगा तो वो क्या कर देगा, सॉल्ट जो है वो धीरे धीरे हमारी सॉइल को है उसको भी बैरन करना शुरू कर देगा, और साथ ही साथ में सॉइल का जो स्ट्रेस होगा, सॉइल के अंदर जो मॉइस्चर का स्ट्रेस होता है, आप समझते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर जो है उसको ये इफेक्ट करना शुरू कर देता है। तो यहां पर क्या होता है, सॉइल सॉल्ट प्रेजेंट इन वॉटर इंक्रीजेज ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉइल सॉल्यूशन, ऑस्मोटिक प्रेशर जो है उसको बढ़ा देंगे, तो रूट जोन के अंदर जो हाई स्ट्रेस हो जाएगा, रूट जोन के अंदर क्या हो जाएगा, यहां पर स्ट्रेस हाई हो जाएगा जो कि प्लांट की ग्रोथ को इंपैक्ट करेगा, प्लांट की ग्रोथ को प्रॉपरली होने नहीं देगा, प्लांट की ग्रोथ प्रॉपरली नहीं होगी तो वो जो प्रोडक्शन देता है वो प्रॉपरली वहां पर नहीं आ पाएगा। आपको पता है कि प्लांट जो है उसको एक फोर्स लगानी पड़ती है, प्लांट को एक फोर्स लगानी पड़ती है ताकि वो सॉइल से मॉइस्चर को एक्सट्रैक्ट कर पाए, तो वो इंपैक्ट हो जाएगा किसके थ्रू, अगर सॉल्ट्स प्रेजेंट होंगे वहां पर तो वो प्रॉपरली वाटर को यूज नहीं कर पाएगा, एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। तो अगर हम बात करें सैलिनिटी की, जो सॉल्ट्स प्रेजेंट है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो आप कैलकुलेट करते हैं CQ अपॉन Q माइनस CU माइनस R इफेक्टिव। R इफेक्टिव यहां पर क्या हो जाता है दोस्तों, जो भी आपकी रेनफॉल है, कितनी बारिश हुई है, कितनी बारिश हुई है। CU क्या है, कंजम्पटिव यूज ऑफ वाटर आ जाता है कि कोई प्लांट जो है उसको अपनी ग्रोथ के लिए कैसा कैसा पानी चाहिए, प्लांट को अपनी ग्रोथ के लिए चाहिए इवेपोट्रांसपीरेशन वाला वाटर, यानी कि जो प्लांट जो पानी यूज करेगा वो पानी कैसे यूज करेगा, पानी आया यहां से पानी आया, फिर ये इसके रूट्स के थ्रू जाएगा इसके अंदर, रूट्स के थ्रू अंदर चला गया यहां पर इसमें, तो वो अपनी ट्रांसपीरेशन हो रही है उसकी, इवेपोट्रांसपीरेशन का प्रोसेस है, इसके अंदर जा रहा है फिर इसके लीव्स के थ्रू या फिर यहां से वो वाटर जो है इवेपोरेट हो जाएगा। तो उसकी ग्रोथ के लिए और इसके इवेपोट्रांसपीरेशन जो प्रोसेस है इसके लिए जो पानी चाहिए उसे हम कहते हैं कंजम्पटिव यूज ऑफ वाटर। तो कंजम्पटिव यूज ऑफ वाटर जो है वो कितना है, उसमें से आप माइनस कर दीजिए कितनी रेनफॉल हो रही है या अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो आपके पास आया है रूट जोन के अंदर, ये आप माइनस कर दीजिए, तो CU माइनस R इफेक्टिव CQ अपॉन Q माइनस Q क्या है यहां पर, Q आपके पास आता है अमाउंट ऑफ वाटर कितना आपने अप्लाई किया है, C है सॉल्ट की कंसंट्रेशन क्या है। तो यहां से आप सैलिनिटी कैलकुलेट करते हैं, और छोटी सी प्यारी सी टेबल है जिसको याद जरूर करना है क्योंकि ये आपसे पूछ लेता है। तो सैलिनिटी की वैल्यू जो है, सॉल्ट कितना प्रेजेंट है, तो थ्री इडियट्स में आपने सीखा होगा, देखा होगा कि सॉल्ट जो है इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो वहां से आप याद रख सकते हैं, वहां से आप कंपेयर कर सकते हैं कि जितना ज्यादा उसकी कंडक्टिविटी होगी उतना ज्यादा क्या होगी, सैलिनिटी होगी। अगर आप कहेंगे कि कंडक्टिविटी जो है उसकी माइक्रोमो पर सेंटीमीटर में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको, अगर ये लेस देन 250 है तो लो सेलाइन वाटर आप कहेंगे, 250 से 750 है तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये आप कहेंगे मीडियम सेलाइन वाटर है, 750 से लेके 2250 के बीच में है तो आप हाई सेलाइन वाटर उसे कहते हैं, वेरी हाई सेलाइन वाटर जो आपके पास आ जाता है वो है ग्रेटर देन 2250, अगर इसकी कंडक्टिविटी माइक्रोमो पर सेंटीमीटर में 2250 से ज्यादा है तो आप उस पानी को कह देते हैं कि वो हाईली सेलाइन वाटर है। हाईली सेलाइन वाटर को आप यूज नहीं करेंगे इरिगेशन के अंदर, इट इज नॉट सूटेबल। हाई सेलाइन वाटर होगा तो ऐसे प्लांट्स जो कि उसको सहन कर सकते हैं उनके लिए आप यूज कर लो यहां पर, और मीडियम सेलाइन वाटर नॉर्मल सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट्स कैन बी ग्रोन, अगर आप लीचिंग कर दें, वॉश अवे कर दें उनको न्यूट्रिएंट्स को या उन सॉल्ट्स को वॉश अवे कर दें। लीचिंग का प्रोसेस क्या होता है, लीचिंग का मतलब होता है कि जब भी आपने पानी प्रोवाइड किया, लीचिंग का मतलब क्या है कि आपने फील्ड में वाटर प्रोवाइड किया, बहुत सारा पानी जब आपने प्रोवाइड कर दिया तो वो सॉइल के न्यूट्रिएंट्स को वॉश करेगा, सॉइल के न्यूट्रिएंट्स को अपने साथ घोल के ले जाएगा, वॉश अवे कर देगा उनको, तो इसको हम क्या कह देते हैं, लीचिंग कह देते हैं। अब लीचिंग कैसे हो रही है, पानी जो है, अब लीचिंग हेल्पफुल कहां पे है या फिर आप ये कह लीजिए कहां नुकसान हो जाएगा, आप ये देखिए कि अगर हम कहें कि ये आपका प्लांट है, इस प्लांट को आपने पानी प्रोवाइड किया, इस प्लांट को जब आपने पानी प्रोवाइड किया तो प्लांट की रूट ऐसे तो है नहीं कि उसके पास कोई जादुई शक्ति है कि यहां पर जो न्यूट्रिएंट है उस न्यूट्रिएंट को वो डायरेक्टली खींच ले, वो पानी के थ्रू ही खींचेगा, तो पानी क्या करेगा यहां पर इस न्यूट्रिएंट को क्या करेगा, अपने साथ डिजोल्व कर रहा है या अपने साथ कैरी कर रहा है, फिर ये यहां तक जाएगा और फिर इसकी रूट जो है उसको एब्जॉर्ब कर रही है यहां पर, तो ये लीचिंग हो जाता है, न्यूट्रिएंट्स का वॉश हो जाना, न्यूट्रिएंट्स का पानी के साथ कैरी हो जाना, तो ये हो गई यहां पर हेल्पफुल हो गई लीचिंग रिक्वायरमेंट हो गई प्लांट की। अगर आप बात करें दोस्तों बहुत ज्यादा पानी फ्लो कर रहा है तो वो क्या करेगा,
न्यूट्रिएंट्स को लेके साथ में कहीं और भी जा सकता है। अगर सॉइल में सॉल्ट्स प्रेजेंट है तो वो सॉल्ट पानी के साथ घुल के वो भी जा सकते हैं। अगर नीचे प्रेजेंट है, बहुत ज्यादा इरिगेशन आप करेंगे और सॉल्ट्स जो है वो यहाँ प्रेजेंट थे, आपने बहुत ज्यादा पानी दे दिया, तो ये पानी क्या करेगा, अल्टीमेटली यहीं पर आएगा और इन सॉल्ट्स को अपने साथ ऊपर ले आएगा। तो ऐसे केस में जो है सॉल्ट भी ट्रांसफर हो जाएंगे। सो नॉर्मल सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट्स कैन बी ग्रोन इफ लीचिंग इज डन। अगर लीचिंग कर देते हैं उन सॉल्ट्स को, आप वॉश अवे कर देते हैं, अच्छे खासे क्वांटिटी में पानी प्रोवाइड कर दिया, वो कुछ कुछ हट गए वहां से, फिर उसके बाद आप वो वाटर जो है आप यूज कर लीजिए। नेक्स्ट, आरसीसी की मैराथन आपको सिविल 101 चैनल पर ही है। सिविल 101 पे ही किया ना हमने। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, प्रोपोर्शन ऑफ सोडियम आयन कंसेंट्रेशन। शॉर्ट नोट्स में आपको पहला फॉर्मूला लिखना है, ये शॉर्ट नोट्स के अंदर फॉर्मूला लिखेंगे सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो का। इसके अंदर कितना सोडियम की कंसेंट्रेशन है डिवाइड बाय रूट ऑफ मैग्नीशियम की कंसेंट्रेशन प्लस कैल्शियम की कंसेंट्रेशन बाय 2। तो सोडियम की कंसेंट्रेशन अपॉन रूट ऑफ मैग्नीशियम प्लस कैल्शियम बाय 2 का कंसेंट्रेशन। कंसेंट्रेशन आपको बचपन से पता है, कंसेंट्रेशन को आप क्या करते हो, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर मेंशन करते हो, यहां पर किसमें इक्विवेलेंस पर मिलियन के अंदर आप इनको मेंशन करते हो। क्वेश्चन में आपको सोडियम का कंसेंट्रेशन दे रखा होगा, मैग्नीशियम का, कैल्शियम का, सिर्फ इनको पुट करना है, सार वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। तो सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो का एक तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, और आपको क्या याद रखना है, एक टेबल है, वो टेबल आपको याद रखनी है। When percentage of sodium ions in the total exchangeable cations exceed to 10%, aggregation of soil grains break down and hence soil becomes less permeable and of poor tilth. आपकी जो soil है वो क्या हो जाएगी, अगर सोडियम की कंसेंट्रेशन ज्यादा हो गई, सोडियम की कंसेंट्रेशन ज्यादा होने के कारण सॉइल के पार्टिकल्स जो है वो टूटेंगे और ज्यादा वो छोटे हो जाएंगे, परमिएबिलिटी उसकी रिड्यूस हो जाती है। परमिएबिलिटी रिड्यूस होने का मतलब जब आप उसको जोतेंगे, जुताई करेंगे जब आप उसकी, तो उसकी टिल्थ यानी कि उसका जो आप उस सॉइल को टर्न कर रहे हो, रोटेट कर रहे हो, वो पुअर हो जाएगा, उसका टिल्थ जो है वो पुअर हो जाएगा। तो सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो का ये इंपॉर्टेंस रहता है। सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो की टेबल जो है वो थोड़ी सी देर में देखते हैं, उससे पहले आप ये क्वेश्चन बताइए कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मीडियम सेलाइन वाटर C2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको हम, तो ये जो है किस रेंज से किस रेंज में होनी चाहिए मीडियम सेलाइन की। अगर हम बात करें तो मीडियम सेलाइन के लिए कहां से कहां तक बात की हमने, 250 से 750, इनको आप C1, C2, C3, C4 के टर्म्स में भी आप इसको देख सकते हो। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, सार वैल्यू, ये आपके पास आ गई सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो वाली वैल्यूज, जो हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो सार वैल्यूज, इसकी टेबल है ये। तो सार वैल्यूज के अकॉर्डिंग आप कहते हैं कि सार वैल्यू अगर 0 से 10 के बीच में होती है तो आप उसे कहते हैं कि वो लो सोडियम वाटर है। अगर सार की वैल्यू 0 से 10 के बीच में है तो आप उसे कहेंगे लो सोडियम वाटर, 10 से 18 के बीच में तो आप इसे कहेंगे मीडियम, फिर उसके बाद 18 से 26 और उसके बाद 26 से ज्यादा तो हाई सोडियम वाटर जो है वो आप कहेंगे। अगर सार वैल्यू सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो बहुत कम है तो आप सारे टाइप के सॉइल में उस पानी को यूज कर सकते हो, उस पानी को आप सभी टाइप के सॉइल्स में यूज कर सकते हो। अगर सार वैल्यू 10 से 18 के बीच में है तो कोर्स ग्रेन सॉइल में ही इस्तेमाल कर पाएंगे आप। अगर 18 to 26 है तो कैन बी यूज इफ लीचिंग इज डन एंड रिक्वायर्स गुड ड्रेनेज सिस्टम, और अगर 26 से ज्यादा है तो इसको यूज ही नहीं करेंगे। फटाफट चलते हैं टेबल्स की तरफ। पहली टेबल हमने देखी थी सॉल्ट की, सैलिनिटी चेक करने के लिए। तो सैलिनिटी सॉल्ट, सॉल्ट किससे चेक करेंगे, सॉल्ट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी से चेक करेंगे। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी से जब हमने इसको चेक किया तो लेस देन 250, 250 से कम, फिर उसके बाद 250 से 750, फिर 750 से 2250, 2250 से ग्रेटर। एक बार दोबारा से सब लोग बोलेंगे ध्यान से, सबसे पहले सॉल्ट, सॉल्ट को किससे चेक करेंगे, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी से। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की वैल्यू अगर लेस देन 250 तो बिल्कुल लो सेलाइन वाटर, फिर 250 से 750, फिर उसके बाद 750 से 2250, 2250 से ग्रेटर। एक बार जल्दी से खुद से बोलिए इसको, जल्दी से बोलिए, दोनों टेबल अभी याद करनी है, बाद पे पेंडिंग नहीं रखना, क्योंकि यही एक चीज है जो अगर हम इरिगेशन में बात करें, ये दो ही टेबल है जो याद करनी है आपको, जल्दी से याद करिए इसको अभी। इसमें क्वेश्चन भी कराएंगे भैया, बिल्कुल करवाएंगे ना दोस्त, क्यों नहीं करवाएंगे, क्वेश्चन है ना, ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके पास इससे रिलेटेड, जो क्वेश्चन डायरेक्ट है, जैसे ये वाला क्वेश्चन, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, वो डायरेक्ट आपको बता देंगे, जहां से प्रोबेबल है कि यहां से ये चीज पूछ सकता है वो भी आपको मैं साथ साथ में बता दूंगा। और जिन चीजों को बोल दिया जाए ना कि ये तो पढ़ना ही पढ़ना है, वो मतलब पढ़ के ही जाना है, ठीक है। प्रायोरिटी जिसकी हाई है, बहुत ज्यादा हाई प्रायोरिटी है, हम भी यही रख लेते हैं, हाई प्रायोरिटी, मीडियम प्रायोरिटी, लो प्रायोरिटी, तो ये क्वेश्चन मीडियम प्रायोरिटी का है, आने के चांसेस हैं, ठीक है।
एक आएगा हाई प्रायोरिटी वाला, हाई प्रायोरिटी वाले तो बिल्कुल नहीं छोड़ने किसी को, वो याद करने को बोल दिया तो मतलब होना ही चाहिए, आधी रात को आधी नींद से अगर उठा ले आपको कोई तो भी आपको वो क्वेश्चन आना चाहिए। याद हो गया 250 से 750 750 से लेके 2250 2250 से ज्यादा यहां पर, तो आप कह सकते हैं कि लो सेलाइन, मीडियम सेलाइन, हाई सेलाइन या फिर वेरी हाई सेलाइन वाटर, पहला टेबल याद हो गया। दूसरा टेबल आता है सार वैल्यू, सार वैल्यू सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो, सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो शॉर्ट में इसको रिड्यूस कर दिया हमने सार में, तो वैल्यूज भी छोटी छोटी है यहाँ पर, वैल्यू छोटी छोटी मतलब 0 to 10, फिर उसके बाद 10 to 18, फिर उसके बाद 18 to 26 और 26 से ग्रेटर। फिर से बोलेंगे सार वैल्यूज, सार वैल्यू किसके लिए, सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो, तो शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया तो छोटी छोटी वैल्यूज 0 से 10 10 से 18 18 से 26 26 से ग्रेटर 0 से 10 10 से 18 18 से 26 26 से ग्रेटर, तो लो सोडियम, मीडियम सोडियम, हाई सोडियम और वेरी हाई सोडियम वाटर आपके पास हो जाएगा। सीक्वेंस याद रहेगा सबको, 0 से 10 10 से 18 18 से 26 26 से ग्रेटर, तीन बार खुद से जल्दी से बोलिए फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, बिना ये दो टेबल याद किए आगे नहीं जाएंगे। जल्दी से याद कर लीजिए दोनों टेबल को, पेन से अपने अपने नोटबुक में फटाफट ये वैल्यूज लिखिए, 250 से कम, 250 से 750, 750 से 2250, 2250 से ग्रेटर, या फिर सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो की बात करेंगे तो 10 से 18, 0 से 10, फिर उसके बाद 10 से 18, 18 से 26, ग्रेटर देन 26। जल्दी से बिना देखे नोटबुक में लिख लीजिए और जब हो जाए तो डन लिख दीजिएगा, जब हो जाए तो चैट में डन लिख दीजिए प्लीज। जल्दी से बता दीजिए, एट का इंक्रीज है तो 0 से 10, उसके बाद यहां पर 8 का इंक्रीज आया, फिर उसके बाद 8 का आया, ठीक है ज्यादा कोई कंटिन्यूटी तो नहीं बन रही लेकिन आप कह रहे हैं तो मान लेंगे। डन डन डन, बहुत बढ़िया, दो टेबल याद हो गए। फाइनल कॉल, फाइनल कॉल फॉर द जेंटलमैन एंड लेडीज, क्या है आपके पास यहां पर, लेस देन 250 लो से लाइन, 250 से कम, 250 से 750, 750 से 2250, 2250 से ग्रेटर, 0 से 10, 10 से 18, 18 से 26, ग्रेटर देन 26। दो टेबल हैं, दोनों टेबल याद हो गई होंगी, ये दो टेबल ही परेशान करती है, वैल्यूज जो हमें याद नहीं रहती इरिगेशन इंजीनियरिंग में, बाकी सब कुछ आसान है, अगर ये दो याद हो गई कोई दिक्कत नहीं है। इरिगेशन वाटर हैविंग सार वैल्यू ऑफ 20 इज कॉल्ड एज, अब 18 से 26 वाले में रेंज लाई कर रहा है ये सार वैल्यू, तो 0 to 10 10 to 18 18 to 26, थर्ड वाली वैल्यू आपके पास, थर्ड वाली वैल्यू कौन सी थी जल्दी से बता दो, लो मीडियम हाई वेरी हाई यही तो था, हाई सोडियम वाटर हो जाएगा 0 से 10, 10 से 18, 18 से 26, ग्रेटर देन 26। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, परफेक्ट, उसके बाद बात आती है दोस्तों, अगला चैप्टर आ जाता है हमारे पास जो कि है सॉइल मॉइस्चर एंड प्लांट रिलेशनशिप। नेक्स्ट चैप्टर आता है आपके पास सॉइल मॉइस्चर एंड प्लांट रिलेशनशिप, मतलब सॉइल के अंदर कितना मॉइस्चर प्रेजेंट है और उसका प्लांट जो है उसके साथ रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं यहां पर, तो सॉइल मॉइस्चर एंड प्लांट रिलेशनशिप। अब किसके ऊपर डिपेंड करेगा ये, सॉइल के अंदर जो मॉइस्चर प्रेजेंट है, सॉइल में मॉइस्चर कहां आएगा, ये सॉइल के सॉलिड के पार्टिकल, ये सॉइल के सॉलिड पार्टिकल आ गए यहां पर, ये आ गए सॉलिड पार्टिकल। अब इन सॉलिड पार्टिकल्स की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इनके बीच में आएगा पानी, यानी कि वॉटर जो आएगा वो किस में आएगा, वॉटर आएगा इन खाली जगह में जिसे हम कहते हैं वॉइड्स। तो कितने वॉइड्स प्रेजेंट है पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉइल के अंदर, कितने वॉइड्स प्रेजेंट है पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉइल के अंदर, इसे हम क्या कहते हैं, पोरोसिटी बोलते हैं, इसी को हम क्या कहेंगे, पोरोसिटी कहते हैं। तो पोरोसिटी सॉइल की कितनी है इसके ऊपर डिपेंड करेगा, और जो वॉइड्स हैं उनका साइज कितना है इसके ऊपर डिपेंड करेगा। वॉइड्स के साइज से मतलब क्या है, यहां पर दो तरीके के वॉइड्स होते हैं जिन्हें हम जानते हैं किस किस नाम से, पहला नाम हमारे पास होता है कैपिलरी वॉइड्स, पहला हम क्या बोलते हैं कैपिलरी वॉइड्स, दूसरे हम कहते हैं कि ग्रेविटी वाले वॉइड्स होते हैं या लार्ज साइज के वॉइड्स होते हैं, तो आप इन्हें कह लीजिए कि ग्रेविटी वाले वॉइड्स। तो कैपिलरी वाले जो होते हैं वो सरफेस टेंशन के एक्शन के कारण या कैपिलरी एक्शन के कारण वाटर जो है उसमें राइज करेगा। अगर आपके पास ये सॉइल सैंपल है इसके अंदर जो वाटर राइज करेगा वो कैपिलरी एक्शन के कारण राइज करता है या कैपिलरी एक्शन के कारण वो उन वॉइड्स में रुका हुआ है वहां पर, ग्रेविटी के एक्शन के कारण वो फ्लो नहीं कर रहा है। ग्रेविटी वॉइड्स कौन से होंगे, ये बड़े साइज के वॉइड्स होते हैं, ये सॉइल के पार्टिकल
इनके बीच में ये जो वॉइड है ये ग्रेविटी वॉइड है, तो यहां पर जो भी पानी भरा हुआ है अगर उसे जगह मिलेगी निकलने की, अगर उसे जगह मिलेगी बाहर निकलने की, ये फटाफट यहां से बाहर निकल जाएगा ग्रेविटी के एक्शन के कारण। तो इन्हें हम कह देते हैं ग्रेविटी वॉइड्स। तो वॉइड्स का साइज से हमारा मतलब था कि कौन से बहुत ही छोटे साइज के वॉइड है या बहुत बड़े साइज के वॉइड है। पोरोसिटी का मतलब था कितना वॉल्यूम ऑफ वॉइड है विद रिस्पेक्ट टू टोटल वॉल्यूम। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट। तो दो प्रकार के वॉइड्स आपके पास, कैपिलरी एंड नॉन कैपिलरी वॉइड्स। कैपिलरी वॉइड्स जो होते हैं वो पानी को होल्ड करके रखते हैं, अगर उनको जगह मिलेगी भी, उस पानी को अगर जाने की जगह मिलेगी भी तो भी वो जाएगा नहीं, ग्रेविटी के एक्शन के कारण वो जाएगा नहीं। इन वॉइड्स को हम क्या कहते हैं, कैपिलरी वॉइड्स। कैपिलरी वॉइड्स आपको कहां देखने को मिलते हैं, ऐसी सॉइल में देखने को मिलते हैं जिसका पार्टिकल साइज बहुत छोटा है। ऐसी सॉइल जिसका पार्टिकल साइज बहुत छोटा है उसे हम क्या कहते हैं, क्ले कहते हैं, ग्रेवल सैंड सिल्ट क्ले। कल ही हमने पढ़ा था, तो क्ले जो है उसका साइज सबसे छोटा होता है, उसके अंदर कैपिलरी वॉइड्स जो है वो प्रेजेंट होंगे। अगर आप बात करेंगे दोस्तों ग्रेवल की या फिर सैंड की अगर बात करेंगे, जिनका पार्टिकल साइज बहुत बड़ा होता है, जब पार्टिकल साइज बड़ा है तो उनके बीच में जो खाली जगह होगी वो भी बड़ी होगी, वॉइड्स जो है उनका साइज भी बड़ा होगा, तो उनके अंदर लार्ज वॉइड्स है। लार्ज वॉइड के अंदर क्या होगा, जब भी लार्ज वॉइड के अंदर बीच में जो जगह है उस जगह में जो पानी भरा हुआ है, और जैसे ही इसे स्पेस मिलेगा कि ये वाटर जो यहां पर भरा हुआ है इसको कोई जगह मिल रही है फ्लो कर जाने की, तो वो पानी यहां से बाहर निकल जाएगा। तो ग्रेविटी के एक्शन के कारण ये जो वाटर है ग्रेविटी पोर्स के अंदर जो है, या ग्रेविटी वाले वॉइड्स में जो वाटर है वो बाहर निकल जाता है। ऐसे केस में आप क्या कह सकते हैं, जैसे सैंड, तो आपके पास सैंड जो है उसके अंदर लार्ज वॉइड्स है, नॉन कैपिलरी वाले या ग्रेविटी वाले जो वॉइड्स है वो प्रेजेंट है। कैपिलरी वॉइड्स स्मॉल साइज की जो सॉइल है उसमें प्रेजेंट होते हैं, यानी कि क्ले में प्रेजेंट होते हैं। अब हमारी सॉइल के लिए कौन से वॉइड्स होने चाहिए, तो हमारी सॉइल में ना तो सारे छोटे वॉइड्स हो ना सारे बड़े वॉइड्स हो, हर साइज के पार्टिकल्स जो है वहां पर अवेलेबल रहने चाहिए। यानी कि आइडियल सॉइल के लिए वो सॉइल ज्यादा आइडियल है इरिगेशन के लिए अगर आप बात करें तो, जिसमें कैपिलरी और नॉन कैपिलरी वॉइड्स जो है दोनों प्रेजेंट होते हैं। जैसे लोमी सॉइल होती है, गार्डन सॉइल होती है, उसके अंदर कॉम्बिनेशन होता है, उसके अंदर क्ले भी होती है, सिल्ट भी होती है, सैंड भी होती है, मिक्सचर होता है, कॉम्बिनेशन होता है, तो वो आइडियल सॉइल हम कहते हैं। ठीक है, याद हो गया होगा। चलिए परफेक्ट, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट बात करेंगे, वाटर जो है उनको अलग अलग पार्ट्स में हम डिवाइड कर देते हैं। पहला पानी जो है वो ग्रेविटी वाटर हम कह देंगे। ग्रेविटी वाटर की अगर हम बात करें तो ग्रेविटी वाटर वो पानी है जो कि रुका हुआ है, जो कि किसके कारण रुका हुआ है, जब यहां पर बहुत ज्यादा वाटर है उसके कारण रुका हुआ है। जैसे ही उसे जगह मिलेगी वैसे ही वो क्या कर जाएगा, फ्लो कर जाएगा। ऐसे आप इमेजिन कर लीजिए, अगर बारिश हो रही है, मान लीजिए बारिश अगर हो रही है, तो बारिश होगी तो आपको सरफेस के ऊपर, कोई भी अगर लैंड सरफेस है सॉइल के ऊपर, आपको वहां पर वाटर जो है वो दिख रहा है। या फिर आप ये कह लीजिए उस सॉइल के अंदर उस वक्त जो आपको पानी दिख रहा है वो कैसा वाटर है, ग्रेविटी वाला वाटर है। जैसे ही बारिश रुकी वैसे ही वो पानी वहां से फटाफट निकल गया, मतलब जैसे ही उसको जगह मिल गई, चाहे उसके स्लोप के कारण कह लीजिए, जैसे भी उसको जगह मिल गई तो वो वहां से फटाफट निकल के चला गया। तो वो कौन सा वाटर था, वो उनके पोर्स के अंदर जो ग्रेविटी के कारण रुका हुआ था, या ये कह लीजिए कि जो लार्ज वाले वॉइड्स में था, तो पहले उसको जगह नहीं मिल रही थी क्योंकि हर तरफ पानी था, जैसे ही उसको जगह मिली वो वहां से निकल गया, वो क्या है, ग्रेविटी वाटर। उसके बाद आएगा कैपिलरी वाटर। कैपिलरी वाटर जो है वो छोटे छोटे पोर्स में, जो कैपिलरी जो वाले जो वॉइड्स है उनमें रहता है, वहां पर कैपिलरी एक्शन के कारण, सरफेस टेंशन के कारण वो वहां पर रुका हुआ है। तो ग्रेविटी वाटर क्या होता है, इसके बारे में बात करें, इट इज दैट वाटर विच इज नॉट हेल्ड बाय द सॉइल बट ड्रेन आउट अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। जैसे ही उसको जगह मिलेगी तो ये यहां वाला पानी फटाफट बाहर निकल जाएगा। इट रिमेन्स इन द सॉइल फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, छोटे समय तक रहता है, ज्यादा से ज्यादा 1 से 3 दिन तक, इतने टाइम तक रहेगा। अगर आप सॉइल जो है इरिगेशन अगर आप प्रोवाइड कर रहे हैं, इरिगेशन के लिए पानी आपने खेत में छोड़ा, तो 1 से 3 दिन तक ये ग्रेविटी वाटर रहेगा, बाद में ये वहां से बह जाएगा, ड्रेन हो जाएगा। इट प्रिवेंट सर्कुलेशन ऑफ एयर। अब जाहिर सी बात है ग्रेविटी वाला पानी अगर रुका हुआ है तो वो क्या करेगा, यहाँ पर अगर वो ग्रेविटी वाला पानी रुका हुआ है तो वो पूरा का पूरा इसको भर के रखा हुआ है, तो यहां पर एयर सर्कुलेट हो ही नहीं सकती ग्रेविटी वाला वाटर अगर प्रेजेंट है, क्योंकि लार्ज वाले वॉइड जो है वो पानी से भरे हुए हैं यहां पर। तो ग्रेविटी वाटर के कारण क्या हो जाएगा, यहां पर सर्कुलेशन ऑफ एयर जो है वो नहीं होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कैपिलरी वाटर, कैपिलरी वाटर जो है वो छोटी छोटी कैपिलरीज में प्रेजेंट होगा, तो यहां पर जरूरी नहीं है कि जो लार्ज वॉइड है वो पानी से भरे हुए हों, लार्ज वाले वॉइड जो है वो खाली होंगे, या यहाँ पे
सॉइल जो है उसके अंदर एयर प्रेजेंट रहेगी, तो सर्कुलेशन ऑफ एयर रहेगा यहाँ पर। तो ये जो कैपिलरी वाला वाटर होता है यही वो पानी की क्वांटिटी है जो ज्यादा समय तक सॉइल में रहेगा। ये कैपिलरीज के अंदर जो वाटर होगा वही वो पानी होगा जो लार्ज टाइम तक, लंबे समय तक या ज्यादा टाइम तक सॉइल में रुकेगा। तो प्लांट अपनी ग्रोथ के लिए इसी पानी का इस्तेमाल करेगा, जो प्लांट है वो प्लांट अपनी ग्रोथ के लिए इसी पानी का यूज करता है, इस कैपिलरी वाटर का ही यूज करता है। अब इस कैपिलरी वाटर का क्या वो 100% यूज कर लेता है? नहीं कर पाएगा, वो 100% नहीं यूज कर सकता, उसका वो कुछ पोर्शन कर पाएगा जिसे हम बोलते हैं रेडिली अवेलेबल मॉइस्चर कंटेंट, हम इसको बोलते हैं। तो ये पानी ग्रेविटी के एक्शन के कारण, अगर इनको जगह भी दी जाए कि जाओ निकल जाओ अगर जाना चाहते हो तो भी ये नहीं निकलेगा, ग्रेविटी के एक्शन के अगेंस्ट भी ये पानी रुका रहेगा उन कैपिलरी वाले छोटे छोटे वॉइड्स के अंदर। तो कैपिलरी वाटर जो है वो क्या करेगा, कैपिलरी वाटर छोटी छोटी कैपिलरीज में प्रेजेंट होगा। अब थोड़ी देर पहले हमने कहा कि हमारी सॉइल जो है वो अगर आइडियल, हम कब बोलेंगे जब उसके अंदर कैपिलरी वॉइड्स भी हो नॉन कैपिलरी वॉइड्स भी हो। कैपिलरी वॉइड्स तो क्या प्रोवाइड करेंगे, कैपिलरी वॉइड्स तो कैपिलरी वाटर जो है वो प्रोवाइड करेंगे जिसमें कैपिलरी वाला पानी है जो प्लांट अपनी ग्रोथ के लिए यूज करेगा। नॉन कैपिलरी वॉइड्स जो है, जो बड़े बड़े वॉइड्स हैं, ये वेंटिलेशन प्रोवाइड करेंगे, एयर प्रेजेंट रहेगी वहां पर, वहां पर डैम्प कंडीशंस जो है वो प्रिवेल नहीं होगी, वेंटिलेशन प्रॉपर रहेगा इसका। तो कैपिलरी वाटर समझ में आ गया होगा। अब आता है हाइग्रोस्कोपिक वाटर। हाइग्रोस्कोपिक वाटर वो वाटर होता है जो प्लांट यूज नहीं कर पाएगा, वाटर प्रेजेंट तो है सॉइल के अंदर लेकिन प्लांट उसको एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है, तो इसे हम क्या कहते हैं, हाइग्रोस्कोपिक वाटर। हाइग्रोस्कोपिक वाटर इज दैट वाटर विच इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सॉइल पार्टिकल्स फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड इट इज हेल्ड वेरी टाइटली बाय द सॉइल पार्टिकल्स। सॉइल पार्टिकल्स के पास ये पानी जो है वो एकदम जब्त है, इस तरीके से है कि वो उसको देगा ही नहीं, प्लांट जो है उसको एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, प्लांट के पास इतनी फोर्स नहीं है, प्लांट इतना सॉइल मॉइस्चर टेंशन नहीं लगा सकता कि उसको एक्सट्रैक्ट कर पाए। तो हाइग्रोस्कोपिक वाटर जो है वो वाटर है जो प्लांट की ग्रोथ के लिए कोई काम नहीं आएगा। अब मैंने एक टर्म बोली यहां पर, सॉइल मॉइस्चर टेंशन। सॉइल मॉइस्चर टेंशन क्या है इसको नहीं देखना है आपको, बस साधारण भाषा में समझना है कितना फोर्स प्लांट लगाए, कितना फोर्स प्लांट लगाए कि उस पानी को वो अपनी ग्रोथ के लिए एक्सट्रैक्ट कर सकता है, मॉइस्चर को एक्सट्रैक्ट कर पाए, कितना फोर्स। ये आपके पास प्लांट है, प्लांट की ये रूट है यहां पर, तो प्लांट जो है यहां पर जो वाटर प्रेजेंट है उस वाटर को ऑब्टेन करने के लिए, उस वाटर को हासिल करने के लिए, उस पानी को लेने के लिए कितना फोर्स लगाए, इसे हम क्या कहते हैं, सॉइल मॉइस्चर टेंशन कहते हैं। अब ये बताओ अगर बहुत सारा पानी प्रेजेंट है, बहुत सारा पानी, खूब पानी प्रेजेंट है, पूरा का पूरा फील्ड आपने इसको क्या कर रखा है, फ्लडेड कर रखा है, भर रखा है पूरा पानी से, तो क्या इसको ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी क्या पानी को लेने के लिए? नहीं लगानी पड़ेगी क्योंकि रेडिली अवेलेबल है, आसपास पानी अवेलेबल है। तो ऐसे केस में सॉइल मॉइस्चर टेंशन क्या हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। यानी कि सॉइल मॉइस्चर टेंशन जो है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, मॉइस्चर कंटेंट के ऊपर। और किस तरीके से डिपेंड कर रही है कि जितना ज्यादा मॉइस्चर कंटेंट रहेगा, पूरा फ्लडेड है तो उतना ही उसको कम जोर लगाना पड़ेगा, उतना ही उसको कम फोर्स लगानी पड़ेगी उस वाटर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, उस पानी को खुद की ग्रोथ के लिए यूज करने में। तो सॉइल मॉइस्चर टेंशन जो है, अगर मॉइस्चर बहुत ज्यादा प्रेजेंट है तो सॉइल मॉइस्चर टेंशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, या ये कह लीजिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ये एक दूसरे के। और अब देखो अगर पानी है ही नहीं, अगर पानी है ही नहीं, या ये कह लो कि सिर्फ पानी इतना है जो हाइग्रोस्कोपिक वाटर है, मतलब प्लांट अपनी ग्रोथ के लिए यूज भी नहीं कर सकता, तो उस केस में प्लांट को बहुत ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, या ये कह लीजिए सॉइल मॉइस्चर टेंशन बहुत ज्यादा हो जाएगा। अगर मॉइस्चर कंटेंट बहुत कम है, अगर मॉइस्चर कंटेंट बहुत कम है तो सॉइल मॉइस्चर टेंशन बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो आप इसको रिलेट कर सकते हैं। सो सॉइल मॉइस्चर टेंशन इज डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट एरिया दैट मस्ट बी एक्सर्टेड इन ऑर्डर टू एक्सट्रैक्ट वाटर फ्रॉम द सॉइल। कितना फोर्स लगाया जाए कि जो सॉइल में से पानी को निकाल पाए वो प्लांट, इसे हम कहते हैं सॉइल मॉइस्चर टेंशन, जो कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कितना मॉइस्चर कंटेंट प्रेजेंट है। पहले से पूरा फील्ड भरा हुआ है यानी कि मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज्यादा है, तो प्लांट को जो फोर्स लगानी पड़ेगी वो बहुत कम लगानी पड़ेगी उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए, तो सॉइल मॉइस्चर टेंशन कम हो जाएगा यहां पर। इसी तरीके से आप इसको रिलेट कर सकते हैं, सॉइल मॉइस्चर स्ट्रेस इज द सम ऑफ सॉइल मॉइस्चर टेंशन एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, इनका सम होता है सॉइल मॉइस्चर स्ट्रेस अगर आपसे पूछे तो। अब इसी को हम ग्राफिकली या एक डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, इसी को हम क्या करते हैं, एक ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। चलो देखिए, चलो अब आगे बढ़ते हैं, सॉइल मॉइस्चर कॉन्स्टेंट्स के बारे में या फिर सॉइल मॉइस्चर जो आपके पास कंटेंट है इनके बारे में हम देख रहे हैं।
हेडिंग को इग्नोर कर दो, सॉइल मॉइस्चर कंटेंट बस इतना है, बाकी हेडिंग इग्नोर कर दो। आप डायग्राम देखो, बस डायग्राम पे फोकस करना है। डायग्राम के अंदर क्या है, नीचे नीचे सॉइल के पार्टिकल है, ये नीचे नीचे क्या है, बिल्कुल सॉलिड के पार्टिकल। तो उन सॉइल के पार्टिकल को हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर लिया। डायग्राम कुछ ऐसे शुरू होता है, फिर उसके अंदर कुछ मॉइस्चर ऐसा आया जो सॉइल के पार्टिकल के बिल्कुल पास पास है, वो इतना पास में है कि सॉइल उसको जाने नहीं दे रहा, सॉइल उसको प्लांट के पास जाने नहीं दे रहा। तो वो कौन सा वाटर है, हाइग्रोस्कोपिक वाटर। हाइग्रोस्कोपिक वाटर, वाटर तो है, मॉइस्चर तो प्रेजेंट है सॉइल में, लेकिन प्लांट उसको यूटिलाइज नहीं कर सकता। तो ऐसे मॉइस्चर कंटेंट को हम कहते हैं हाइग्रोस्कोपिक वाटर। और वो जो परसेंटेज होता है, कितना परसेंट ऑफ मॉइस्चर कंटेंट उसमें प्रेजेंट है जो प्लांट यूज नहीं कर पा रहा, उस पॉइंट को हम बोलते हैं विल्टिंग पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल हम कह देते हैं कि 15% मॉइस्चर कंटेंट अगर सॉइल में प्रेजेंट है तो वो उसका परमानेंट विल्टिंग पॉइंट है। अर्थात जब सॉइल के अंदर 15% मॉइस्चर कंटेंट होगा तो आप कहेंगे मॉइस्चर प्रेजेंट तो है, लेकिन वो मॉइस्चर हाइग्रोस्कोपिक वाला है, प्लांट अपनी ग्रोथ के लिए उसको यूटिलाइज नहीं कर पाएगा। जब प्लांट अपनी ग्रोथ के लिए उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है तो उस मॉइस्चर कंटेंट की जो लिमिट है उसको आप कहते हैं विल्टिंग पॉइंट, यानी कि इस पॉइंट का ये जो पानी है उसको प्लांट यूज नहीं कर पाएगा। उसके बाद आता है दोस्तों कैपिलरी वॉइड्स। आप इसको डायग्राम से ऐसे समझ सकते हैं कि ये आपका सॉलिड पार्टिकल है, इस सॉलिड पार्टिकल को, इस सॉइल के सॉलिड पार्टिकल के बिल्कुल आसपास कुछ पानी प्रेजेंट था जिसे आपने कहा कि वो हाइग्रोस्कोपिक वाला वाटर है, उसको वो यूज नहीं कर सकता। फिर उसके बाद बात आ जाती है पोर्स में जो पानी प्रेजेंट है, कैपिलरी वाले जो पोर्स में प्रेजेंट है, ये कैपिलरी वाले जो वॉइड्स है इनमें जो पानी प्रेजेंट होगा उसको प्लांट यूज कर सकता है, लेकिन क्या उसको भी 100% यूज कर सकता है, नहीं। ये तो वो रेंज है हाइग्रोस्कोपिक वाटर से लेके, अब आप पानी अगर सॉइल के अंदर और ज्यादा देते जाएंगे, और ज्यादा मॉइस्चर कंटेंट बढ़ाते जाएंगे, 15% अगर हम वेटिंग पॉइंट बोल रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो मान लीजिए 20, 25, 30, 40 ऐसे बढ़ते जाएंगे, तो वो मॉइस्चर कंटेंट जहां तक सारे के सारे कैपिलरी वॉइड्स भर जाए, वो मॉइस्चर कंटेंट जहां पर सॉइल के सारे कैपिलरी वॉइड्स भर जाए। अब ये जो मैंने ब्लू कलर से इस तरीके से ये फ्रेगमेंट से बना रखे हैं, ये आप मान लीजिए कि ये कैसे हैं, कैपिलरी वॉइड्स। और जो रेड कलर से मैं बना रहा हूं तो ये आप ये मान लीजिए ये बड़े साइज वाले वॉइड्स हैं, ये ग्रेविटी वाले वॉइड्स हैं। ये वाले रेड वाले कौन से हैं, ये है ग्रेविटी वॉइड्स या फिर नॉन कैपिलरी वॉइड्स। और जो मैंने ये ब्लू कलर से फ्रेगमेंट बना रखे हैं, इन्हें आप समझ लीजिए कि ये कैपिलरी वाले वॉइड्स हैं। तो शुरू शुरू में तो क्या प्रेजेंट था, सिर्फ सॉलिड पार्टिकल, उसके पास वाला जो पानी है उसे हमने कहा हाइग्रोस्कोपिक। अब सॉइल में अगर आप और पानी प्रोवाइड कर देंगे तो और पानी आ जाएगा कैपिलरी वॉइड्स में, और पानी प्रोवाइड कर रहे हैं आप, अगर और पानी ऐड कर दो तो वो पानी जो है वो किस में आ जाएगा, इन ग्रेविटी वाले वॉइड्स के अंदर या नॉन कैपिलरी वाले वॉइड्स के अंदर वो पानी जो है आ जाएगा यहां पर। तो ये हमने कहा। अब ग्रेविटी वाला, इसका तो कोई भरोसा नहीं, आज है कल नहीं है, 1 से 3 दिन तक ये रहता है हमारे पास प्लांट की ग्रोथ के लिए, तो ऐसा तो है ना कि डेली डेली पानी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो प्लांट अपनी ग्रोथ के लिए जो पानी यूज करेगा वो कौन सा यूज करेगा, वो यूज करेगा कैपिलरी वाटर। और इस कैपिलरी वाटर का भी क्या वो 100% एक्सट्रैक्ट कर सकता है, नहीं कर सकता। तो कितना पोर्शन इजीली वो एक्सट्रैक्ट कर पाएगा, उस मॉइस्चर की रेंज को हम बोलते हैं, उस मॉइस्चर कंटेंट को हम बोलते हैं कि रेडिली अवेलेबल मॉइस्चर, जो आसानी से प्लांट एक्सट्रैक्ट कर पाए उसको हम कहते हैं रेडिली अवेलेबल मॉइस्चर कंटेंट हम बोलते हैं। तो प्लांट के बिल्कुल पास में हाइग्रोस्कोपिक वाटर, प्लांट के नहीं सॉइल के पार्टिकल के बिल्कुल पास में, इसको प्लांट यूटिलाइज नहीं कर पाएगा। ऐसा मॉइस्चर कंटेंट जो सॉइल में प्रेजेंट है जिसको प्लांट यूज नहीं कर सकता, उस लिमिट को हम बोलते हैं परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। इससे ज्यादा अगर मॉइस्चर कंटेंट बढ़ना शुरू होगा तो वो कैपिलरी वॉइड्स में आएगा, तो कैपिलरी वाला जो वाटर है उसको प्लांट यूज कर पाएगा। उसके अंदर भी वो रेंज जो रेडिली अवेलेबल है, जो आसानी से प्लांट यूज कर सकता है, वो हम कह देते हैं रेडिली अवेलेबल मॉइस्चर कंटेंट बोल देते हैं। फिर उसके बाद और अगर पानी आएगा तो वो उसके ग्रेविटी वाले पोर्स में जाएगा या नॉन कैपिलरी वॉइड्स में जाएगा, जिसे हम कहते हैं ग्रेविटी वाटर। अब ये तो बातें हो गई दोस्तों, इस डायग्राम को हमने यहां से लेके यहां तक समझा। अब वापस आते हैं कुछ डेफिनेशंस की ओर। कुछ डेफिनेशंस की अगर हम बात करें दोस्तों, तो जब सॉइल के अंदर सारे के सारे कैपिलरी वॉइड्स भर गए, जब सॉइल के अंदर सारे के सारे कैपिलरी वॉइड्स भर गए तो हम क्या कह देते हैं, वो सॉइल क्या हो गई, अपनी फील्ड कैपेसिटी पे आ गई। जब सॉइल के अंदर सारे के सारे कैपिलरी वाले वॉइड्स भर गए हैं तो आप कह देंगे कि उस वक्त उसके अंदर जो मॉइस्चर कंटेंट प्रेजेंट है वो कैसा है, फील्ड कैपेसिटी। अगर ग्रेविटी वाले भी भर गए, सारे भर गए, यानी कि सॉइल सैचुरेट हो गई, तो आप कह देते हैं कि वो उस सॉइल की सैचुरेशन कैपेसिटी है। उस सॉइल में अगर इतना मॉइस्चर कंटेंट प्रेजेंट है कि प्लांट उसको एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहा, तो उस पॉइंट को कह देते हैं, उस मॉइस्चर कंटेंट की लिमिट को हम कह देते हैं परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट वो लिमिट है जिससे ऊपर प्लांट आसानी से
जो पानी है उसको एक्सट्रैक्ट कर सकता है। तो अगर आप कहें कि प्लांट के अंदर अगर वाटर की कंटेंट का इस तरीके से ग्राफ, और SSCJ 2019 में आया भी था कि आप अगर पानी प्रोवाइड कर रहे हैं तो यहाँ से ऐसे वाटर की क्वांटिटी कम हो गई, फिर इरिगेशन प्रोवाइड कर दिया, फिर प्लांट के अंदर जो वहाँ पर कैपिलरी वॉइड्स में वाटर है वो कम हो गया, फिर इरिगेशन प्रोवाइड कर दिया। तो इस तरीके से आपको कुछ ग्राफ जो है वो भी दे रखा था, वो आपसे पूछा हुआ था कि क्या है ये। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन है कि आप पानी जो है मॉइस्चर कंटेंट की रिक्वायरमेंट प्लांट के अंदर जो सॉइल के अंदर है वो कम होती जा रही है, फिर इरिगेशन दे दो, फिर वो बढ़ गया, फिर दे दो, इस तरीके से वो ग्राफ जो है बनता हुआ जा रहा था। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट बात होगी यहां पर सॉइल मॉइस्चर टेंशन। इसी ग्राफ में देख लो, इसको भी देख लो, फिर एक एक करके अंग्रेजी में सारी डेफिनेशन पढ़ लेंगे, पहले आसान भाषा में समझ रहे हैं सारा। अब सॉइल मॉइस्चर टेंशन, सॉइल मॉइस्चर टेंशन की अगर हम बात करें तो जब सॉइल के अंदर मॉइस्चर कंटेंट प्रेजेंट है अपनी सैचुरेशन कैपेसिटी का, जब सॉइल के अंदर मॉइस्चर प्रेजेंट है अपनी सैचुरेशन कैपेसिटी का, तो उस वक्त क्या होगा? उस वक्त होगा ये कि कैपिलरी वॉइड्स भी पानी से भरे हुए हैं, ग्रेविटी वॉइड्स भी पानी से भरे हुए हैं, प्लांट जो है उसके मजे ही मजे हैं। प्लांट के आसपास क्या है? यहाँ पर वाटर वाटर एवरीवेयर। जब प्लांट के आसपास हर जगह क्या है? पानी ही पानी है, तो क्या उसे कोई फोर्स लगाना पड़ेगा? क्या उसे कोई स्ट्रेस लगाना पड़ेगा कि ये इस वाटर को एक्सट्रैक्ट कर पाए सॉइल से? नहीं लगाना पड़ेगा। तो उस वक्त सॉइल मॉइस्चर टेंशन जो है वो किसके बराबर हो जाती है? 0 ATM के बराबर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के टर्म्स में हम सॉइल मॉइस्चर टेंशन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो 0 ATM के बराबर हो जाती है जिस वक्त उसके सारे ग्रेविटी पोर्स भरे हुए हैं, सॉरी कैपिलरी पोर्स भरे हुए हैं, जिस वक्त सारे कैपिलरी पोर्स भरे हुए हैं यानी कि फील्ड कैपेसिटी पर है वो फील्ड। तो ऐसे केस में सॉइल मॉइस्चर टेंशन होती है किसके बराबर? 1 से लेके 1/3 ATM, 1/10 से लेके 1/3 ATM के बीच में होती है। तो 0.1 से लेके आप ये कह लीजिए 0.3 ATM के बीच में ये लाई करती है। फिर उसके बाद जैसे जैसे हम परमानेंट विल्टिंग पॉइंट के ऊपर आ जाते हैं, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहां से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे कि अगर सॉइल मॉइस्चर टेंशन की वैल्यू 12 है तो बताओ कि सॉइल जो है उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट किस पॉइंट पर है। तो आप कह देंगे कि अगर 7 to 32 के बीच में है तो परमानेंट विल्टिंग पॉइंट है। अगर आपसे बोल दे कि वो 0 है, सॉइल मॉइस्चर टेंशन अगर 0 है, तो आप कहेंगे सॉइल के अंदर जो मॉइस्चर कंटेंट है वो अपनी सैचुरेशन कैपेसिटी वाला मॉइस्चर कंटेंट प्रेजेंट है। तो इनको हमने इस तरीके से समझ लिया, फटाफट डेफिनेशंस को देख लेते हैं अंग्रेजी में। सैचुरेशन कैपेसिटी इज डिफाइंड एज द टोटल वाटर कंटेंट ऑफ अ सॉइल व्हेन ऑल द वॉइड्स, जब सारे के सारे वॉइड्स भर गए पानी से, चाहे वो ग्रेविटी है चाहे वो कैपिलरी वॉइड्स है, यानी कि कितना ज्यादा पानी होल्ड करके रख सकता है, सबसे ज्यादा पानी जो सॉइल होल्ड करके रख सकती है उस कैपेसिटी को हम बोलते हैं सैचुरेशन कैपेसिटी। चाहे वो ग्रेविटी वाले वॉइड्स हो चाहे वो कैपिलरी वाले वॉइड्स हो, वो जितना मैक्सिमम पानी स्टोर करके रख सकती है, दैट इज नोन एज सैचुरेशन कैपेसिटी। उसके बाद आते हैं दोस्तों फील्ड कैपेसिटी। फील्ड कैपेसिटी का मतलब है कि जो कैपिलरी वॉइड्स में पानी होल्ड करके रखेगा सॉइल, कैपिलरी वॉइड्स के अंदर होल्ड करने का मतलब हो गया कि ग्रेविटी के अगेंस्ट भी वो पानी को होल्ड करके रख रहा है। तो वो मॉइस्चर कंटेंट जिसके ऊपर अगर ग्रेविटी को अलाउ कर दिया जाए, ग्रेविटी में अगर फ्लो अलाउ कर दिया जाए तो भी वो उसको रिटेन कर ले, तो ऐसे मॉइस्चर कंटेंट को हम कह देते हैं फील्ड कैपेसिटी। तो फील्ड कैपेसिटी इज द मैक्सिमम वाटर कंटेंट विच कैन बी हेल्ड By the soil against gravity, gravity के against वो उसको hold करके रख सकता है। Now it depends upon porosity and capillarity, capillarity कितनी है, porosity कितनी है, इसके ऊपर भी depend करता है। यहाँ पर moisture content and field capacity includes hygroscopic water and capillary water। अब शब्दों में आपको उलझा सकता है, अगर वो आपसे कह रहा है कि field capacity पर अगर moisture content है तो जाहिर सी बात है कि field capacity, for example आपको उसने बोला कि एट फील्ड कैपेसिटी, आपको उसने सवाल में बोला एट फील्ड कैपेसिटी जो मॉइस्चर कंटेंट की वैल्यू है वो मॉइस्चर कंटेंट की वैल्यू है लेट अस से 50% है। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट जो है वो आपके पास अवेलेबल है कितना? वो है 15% पर। तो आपके पास कैपिलरी वाला मॉइस्चर कंटेंट कितना है, कितना मॉइस्चर कंटेंट ऐसा है जो कैपिलरी में प्रेजेंट है? तो आपको ऐसे देखना है कि 15% से कम वाला मॉइस्चर कंटेंट तो हम यूज ही नहीं कर सकते, हमारे काम का ही नहीं है। 50% मॉइस्चर कंटेंट अगर प्रेजेंट है तब हम बोलेंगे कि वो सॉइल अपनी फील्ड कैपेसिटी पर है। तो आपके पास जो यूटिलाइज होने लायक पानी है वो तो 35% ही हुआ, आपके लायक जो यूटिलाइज होने वाला जो प्लांट यूज कर सकता है वो कितना परसेंट मॉइस्चर कंटेंट है? वो 35% ही बचा जो वो यूज कर सकता है। अब इस 35 में से रेडीली कितना कर पाएगा, आसानी से कितना कर पाएगा? तो इसको अलग अलग शब्दों में दिया जाता है सवालों में, या तो वो आपको कुछ नहीं बोलेगा, तो आपको ये मानना है कि इस 35% का 75% यूटिलाइज कर पाएगा, वो पूरा नहीं यूज कर पाएगा, या फिर वो सवाल में आपको दे देगा कि उसके अंदर लॉसेस हो रहे हैं 25%,
तो आप कहेंगे कि 25% लॉस हो रहे हैं इस 35% वाले मॉइस्चर कंटेंट में भी, तो आप 75% ऑफ दिस कैलकुलेट कर लो। तो आप ऐसे कर सकते हैं, वो 50% भी दे सकता है, डेटा में आपको कुछ भी क्वेश्चन दे सकता है। द फील्ड कैपेसिटी ऑफ अ सॉइल डिपेंड्स अपॉन, अब फील्ड कैपेसिटी जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, कैपिलरी टेंशन के ऊपर भी डिपेंड करती है, पोरोसिटी के ऊपर भी डिपेंड करती है, दोनों पर डिपेंड करती है। सो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है विल्टिंग पॉइंट या परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, वो पॉइंट जिसके ऊपर प्लांट जो है सॉइल से मॉइस्चर एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। सॉइल से अगर वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब नहीं कर सकता तो क्या हो जाएगी, प्लांट के जो पत्ते हैं वो मुरझा जाएंगे, विल्ट कर जाएंगे। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट हम बोल देते हैं। ये वो लिमिट है मॉइस्चर की जिसके ऊपर जो हाइग्रोस्कोपिक वाटर जो है वो प्रेजेंट रहता है, जहां तक हाइग्रोस्कोपिक वाटर प्रेजेंट रहता है। तो हाइग्रोस्कोपिक वाटर की अपर लिमिट है परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट इज द लोअर लिमिट ऑफ कैपिलरी, कैपिलरी वाले का तो लोअर है, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट जो है कैपिलरी वाले वाटर का तो लोअर, लोअर मोस्ट मॉइस्चर कंटेंट, हाइग्रोस्कोपिक का हाइएस्ट। हाइग्रोस्कोपिक यहां से लेके यहां तक है, कैपिलरी यहां से यहां तक है, तो कैपिलरी का तो लोवेस्ट पॉइंट है, हाइग्रोस्कोपिक का हाईएस्ट मॉइस्चर कंटेंट जो है वो है परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। एट दिस मॉइस्चर कंटेंट प्लांट लीव्स विल विल्ट। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सॉइल। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट इज द लोअर लिमिट ऑफ कैपिलरी वाटर एंड अपर लिमिट ऑफ हाइग्रोस्कोपिक वाटर। विल्टिंग पॉइंट इज द मॉइस्चर कंटेंट बिलो विच प्लांट कैन नो लॉन्गर एक्सट्रैक्ट मॉइस्चर फ्रॉम द सॉइल। नेक्स्ट बात करें तो दोस्तों आता है अवेलेबल मॉइस्चर कंटेंट। अवेलेबल मॉइस्चर कंटेंट वो अमाउंट ऑफ वाटर जो प्लांट इजीली आसानी से निकाल सकता है, इसको हम कहते हैं अवेलेबल मॉइस्चर कंटेंट। इट इज आल्सो नोन एज मैक्सिमम स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। नेक्स्ट अगर हम देखें, इट इज द डिफरेंस ऑफ फील्ड कैपेसिटी एंड विल्टिंग पॉइंट। फील्ड कैपेसिटी मैंने आपको एग्जांपल बताया अभी कि अगर हम कहीं फील्ड कैपेसिटी के ऊपर मॉइस्चर कंटेंट जो है वो 50% वाला है, विल्टिंग पॉइंट जो है वो अगर 15% पे अगर सवाल में दे दे तो कितना अवेलेबल मॉइस्चर कंटेंट है जो प्लांट यूज कर पाएगा, तो अवेलेबल वाली वैल्यू है आपके पास 35%। तो डिफरेंस आ गया ना फील्ड कैपेसिटी का और इसका, तो 35% मॉइस्चर कंटेंट वो यूज कर सकता है। इट इज द डिफरेंस ऑफ फील्ड कैपेसिटी एंड विल्टिंग पॉइंट एंड इट इज वाटर अवेलेबल फॉर द प्लांट ग्रोथ के लिए जो यूज कर सकता है वो वाटर अवेलेबल, इससे हम बताते हैं। द अवेलेबल मॉइस्चर कंटेंट ऑफ सॉइल इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन फील्ड कैपेसिटी एंड परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट बात करें रेडिली मॉइस्चर, जो रेडिली अवेलेबल होता है, रेडिली अवेलेबल मतलब अवेलेबल मॉइस्चर कंटेंट का वो पोर्शन जो प्लांट जो है वो आसानी से यूज कर सकता है। इट इज दैट पोर्शन ऑफ अवेलेबल मॉइस्चर विच इज मोस्ट इजिली एक्सट्रैक्टेड बाय द प्लांट्स एंड सच अ लिमिट इज नोन एज ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट से ऊपर ऊपर जो मॉइस्चर है वो आसानी से प्लांट एक्सट्रैक्ट कर सकता है। नेक्स्ट बात करें सॉइल मॉइस्चर डेफिशिएंसी क्या कहते हैं हम। सॉइल मॉइस्चर डेफिशिएंसी का मतलब क्या है, प्लांट जो है उसको ज्यादा से ज्यादा कितना पानी दे सकते हो आप सैचुरेशन कैपेसिटी पर, लेकिन उसमें तो ग्रेविटी वाले वॉइड्स हैं तो वो ग्रेविटी वाले वॉइड्स का तो पानी निकल जाएगा, तो उसको देने का तो मतलब है नहीं। तो प्लांट को जब भी आप इरिगेशन प्रोवाइड करते हैं, आप इरिगेशन प्रोवाइड करते हैं फील्ड कैपेसिटी तक। अगर फील्ड कैपेसिटी तक आपने उसको इरिगेट कर दिया, मतलब उसको जितना पानी चाहिए मैक्सिमम उसके पास अवेलेबल है, तो फील्ड कैपेसिटी तक हम पानी देते हैं। अब फील्ड कैपेसिटी से कितना कम है वाटर, वही उसकी क्या हो जाएगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी। फील्ड कैपेसिटी से पानी उसके पास कितना कम है वही उसकी हो जाएगी सॉइल मॉइस्चर डेफिशिएंसी। सो इट इज द अमाउंट ऑफ वाटर विच इज टू बी एडेड टू द सॉइल सच दैट मॉइस्चर कंटेंट इज रेज्ड टू फील्ड कैपेसिटी। कितना पानी ऐड कर दें आप किसी सॉइल में कि वो अपने फील्ड कैपेसिटी पर पहुंच जाए, तो आप उसे कहेंगे उतनी डेफिशिएंसी, उतने की कमी है। आपकी कैपेसिटी है कि आप डेली 5 चपाती खाओ, ठीक है, अब आपने खाई है 3, तो डेफिशिएंसी कितने की हो गई, 2 की डेफिशिएंसी होगी, 2 की कमी हो गई। या फिर आपकी जो डाइट है आपने जो अभी खाया जस्ट, उसमें कितना ऐड कर दें कि आप अपनी कैपेसिटी के ऊपर पहुंच जाएं, तो 2 ऐड कर देंगे। वही चीज है यहां पर कि कितना ऐड कर दें कि सॉइल जो है वो अपनी फील्ड कैपेसिटी पर पहुंच जाए। फील्ड कैपेसिटी वो मॉइस्चर कंटेंट है जब उसके कैपिलरी वॉइड्स भर गए, या फिर वो मॉइस्चर कंटेंट दैट इज हेल्ड अगेंस्ट ग्रेविटी, दोनों फॉर्म में आपसे ऑब्जेक्टिव में वो लैंग्वेज में पूछ सकता है, तो याद रखना। मॉइस्चर इक्विवेलेंट किसको कहते हैं, मॉइस्चर इक्विवेलेंट हम कहते हैं कि जब 10 mm थिकनेस का सैंपल आप लेंगे, 10 mm थिकनेस का सैंपल लेंगे और उसको आप रोटेट करवाएंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अगर आप उस पर लगाएंगे, 10 mm थिकनेस का सैंपल लिया उसके ऊपर 1 किलोग्राम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अगर आप लगाएंगे,
फॉर अ पीरियड ऑफ 30 मिनट्स, तो वो कितना वाटर होल्ड करके रख सकता है अपने अंदर, वो क्या कहलाता है, वो उसका मॉइस्चर इक्विवेलेंट कहलाता है। अब ये क्यों किया हमने टेस्ट, ये टेस्ट हमने इसलिए किया ताकि ये जांच पाए हम, ये पता कर पाए कि कोई सॉइल कितना पानी को होल्ड करके रख सकती है। जितना पानी को होल्ड करके रखेगी उतना ही हम उसको एक्सपेक्ट करेंगे ना उससे कि हाँ उतने ड्यूरेशन तक जो वो प्लांट है उसके लिए मॉइस्चर अवेलेबल रहेगा, तो कितने दिन बाद फिर से आपको जो पानी है उस खेत में प्रोवाइड करना है। तो मॉइस्चर इक्विवेलेंट जो आप कैसे पता कर रहे हो, कितना मॉइस्चर कंटेंट रिटेन हो जाएगा 10 mm थिक सैंपल का, जब उस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, उसको रोटेट किया गया और उसकी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाने के बाद 30 मिनट बाद उसमें कितना मॉइस्चर कंटेंट बच जाता है। नेक्स्ट बात करें 1/3 एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर पॉइंट, ये भी वही बात आ जाती है। इसके अंदर क्या करते हैं, एक पोरस प्लेट लेंगे, एक प्लेट जो है वो बहुत वो पोरस है, यानी कि उसके थ्रू पानी जो है वो पास कर सकता है। इस पोरस प्लेट के ऊपर सॉइल सैंपल आप रखेंगे, सॉइल सैंपल रखने के बाद आप क्या करेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का 1/3 इतना प्रेशर उस पर लगाएंगे, उसके बाद कितना उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट बच जाता है ये आपको बताता है 1/3 एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर पॉइंट। और ये भी आपको इंडिकेट करेगा किसके बारे में, फील्ड कैपेसिटी के बारे में, उस सॉइल का फील्ड कैपेसिटी कितना है। द वॉटर यूटिलाइजेशन बाय प्लांट्स इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ, वॉटर यूटिलाइजेशन बाय प्लांट्स इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ कैपिलरी वॉटर, कैपिलरी वॉइड्स के अंदर जो पानी है वही प्लांट यूटिलाइज कर सकता है। इरिगेशन एफिशिएंसी ऑफ एन इरिगेशन सिस्टम इज द रेशियो ऑफ, इरिगेशन एफिशिएंसी जो है वो किसका रेशियो होती है। तो आप ये कहेंगे इरिगेशन एफिशिएंसी, एफिशिएंसी क्या है, देखो हमें किससे मतलब है, हमें मतलब है कि प्लांट जो है उसकी रूट तक कितना पानी पहुंचा, प्लांट की रूट तक कितना पानी पहुंचा, तो वाटर स्टोर्ड एक्चुअली इन द रूट जोन टू कितना फार्म को दिया गया, इसे हम क्या कहते हैं इरिगेशन एफिशिएंसी किसी इरिगेशन सिस्टम की। नेक्स्ट डेप्थ ऑफ वाटर हेल्ड इन रूट जोन, अब इस टॉपिक को ध्यान से समझना, इस टॉपिक में बहुत कंफ्यूजन होती है, इस टॉपिक में क्या कंफ्यूजन होती है, पहले डायग्राम से समझते हैं। आप क्या हैं, बहुत बड़ी लैंडलॉर्ड पार्टी हैं, अच्छे खासे खेत हैं आपके, तो आप गए अपने खेत में, ठीक है, आप कहाँ पे गए, अपने फील्ड्स में गए, फील्ड में जाके आपने देखा, फील्ड में आपको देखा आपका प्यारा प्लांट बहुत ही प्यारा है, ठीक है, आपको बहुत पसंद है, तो हर बार आप इसको ऐसे ही डायग्राम से बनाते हैं, तो ये जो प्लांट है ये इसकी रूट्स हैं कुछ ऐसी, सिविल इंजीनियरिंग में ड्राइंग हमारी ऐसी होती है तो एडजस्ट कर लीजिएगा, ये इसकी रूट्स हैं। अब आप क्या करेंगे, इसमें पानी प्रोवाइड करेंगे, जब आप इसके अंदर पानी प्रोवाइड करेंगे, जब आपने इसको क्या किया वाटर प्रोवाइड किया, वाटर इन द फॉर्म ऑफ कोई भी सोर्स जो है उससे आपने वाटर प्रोवाइड कर दिया, तो वाटर आ रहा है इसके पास। अब वो वाटर जब आपने इसमें प्रोवाइड कर दिया तो ये वाटर जो है यहां पर रूट जोन में जाएगा, यहां ये वाटर चला जाएगा, तो एक डेप्थ होगी ना कि कितनी डेप्थ तक का पानी ये यूटिलाइज कर पाएगा, एक पर्टिकुलर डेप्थ ही तो होगी, ऐसे थोड़ी ना है कि प्लांट की रूट जितना मर्जी नीचे पानी है वहां से उठा लेगा पानी को, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो एक पर्टिकुलर डेप्थ होगी जिसे हम बोलते हैं रूट जोन डेप्थ, और कैपिटल डी से डिनोट करते हैं इसे, आप क्या कहते हैं, इसे आप कहते हैं रूट जोन डेप्थ कहते हैं आप इसे। तो रूट जोन डेप्थ वो डेप्थ है जितनी डेप्थ तक का पानी जो है प्लांट एक्सट्रैक्ट कर पाएगा, तो हम इसे रूट जोन डेप्थ कह रहे हैं। अब एक टर्म और समझना, आप क्या समझना, जो जितना पानी आप प्रोवाइड कर रहे हैं ना उस पानी को आप कैसे लिख दीजिए, अगर फील्ड का एरिया जो है जितने फील्ड पर आप पानी प्रोवाइड कर रहे हैं अगर उसका एरिया ए है, तो आप ऐसे मान लीजिए कि एक ए एरिया का आपके पास कोई स्विमिंग पूल है या कोई एक प्लॉट है, आपके पास कोई एरिया है, इसके अंदर अगर आप इस पानी को, जितना पानी आपने दिया है इस सॉइल में जो इनके वॉइड्स में चला गया यहां पर, जितना पानी आपने प्रोवाइड किया यहां पर, उसको अगर आप एक स्विमिंग पूल में जिसका एरिया ए हो उसमें अगर डाल देते हैं, तो कितनी हाइट ऑफ वाटर आपको मिलेगी, कितनी हाइट ऑफ वाटर आपको मिलेगी, उसे हम डिनोट करते हैं स्मॉल डी से। आप कहते हैं ना खेत में 2 सेंटीमीटर पानी आ गया, 2 सेंटीमीटर की बारिश हुई, या फिर ऐसे कह देते हैं, तो आप क्या कह रहे हैं इस पूरे ए एरिया पर कितना, अगर जो पानी हमने इसमें प्रोवाइड किया है उस पानी को, अगर ए एरिया अगर फील्ड का है इसका, तो फील्ड के ए एरिया के करस्पॉन्डिंग अगर आप उस पानी को बिछा देते हैं तो कितना डेप्थ ऑफ वाटर होगा। तो स्मॉल डी का मतलब तो है कि जब आपने उसको किसी ट्रे में किसी स्विमिंग पूल में डाल लिया तब कितना डेप्थ ऑफ वाटर मिलेगा, और कैपिटल डी का मतलब क्या है कि रूट जोन की डेप्थ क्या है, ठीक है। आगे बढ़े,
चलिए, तो अब एक चीज तो ये समझनी थी, स्मॉल डी क्या कह रहे हैं हम, कैपिटल डी क्या कह रहे हैं। अब वापस आते हैं इसके ऊपर। फॉर इज इन कैलकुलेशन वाटर प्रेजेंट इन वॉइड्स ऑफ द सॉइल नीड्स टू बी एक्सप्रेस्ड एज डेप्थ ऑफ वाटर, कि कैलकुलेशन की आसानी के लिए हम उसको डेप्थ ऑफ वाटर की टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं। कैपिटल डी जो हम बता रहे हैं, कैपिटल डी का मतलब है वो डेप्थ ऑफ वाटर जहां तक, जहां से प्लांट एक्सट्रैक्ट कर पाएगा मॉइस्चर को, इससे नीचे वाला मॉइस्चर जो है उसको एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, तो इसको हम डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। स्मॉल डी क्या कहता है, स्मॉल डी कहता है कि अगर पानी को आपने इन टर्म्स ऑफ डेप्थ, अगर आपने किसी लेयर बना ली वाटर की अगर, तो कितना डेप्थ ऑफ वाटर आपने प्रोवाइड किया है, इसके बारे में बात करते हैं हम यहां पर। तो इसकी टर्म्स में अगर आप देखेंगे, आपने कहा स्पेसिफिक वेट ऑफ ड्राई सॉइल गामा डी। अब फील्ड कैपेसिटी क्या है, फील्ड कैपेसिटी है तो एक तरीके का मॉइस्चर कंटेंट ही, पूरा चैप्टर का नाम ये है, सॉइल वाटर जो मॉइस्चर है उनके बीच में जो रिलेशनशिप है। तो फील्ड कैपेसिटी एक टाइप का क्या है, वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट का फॉर्मूला कल ही हमने पढ़ा था सॉइल मैकेनिक्स के अंदर, हम कहते हैं वाटर कंटेंट किसके बराबर होता है, कितना वेट ऑफ वाटर है विद रिस्पेक्ट टू वेट ऑफ सॉलिड। तो वेट ऑफ वाटर इन अ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ सॉइल अपॉन वेट ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ सॉइल, यानी कि वेट ऑफ सॉलिड्स और ऊपर क्या है आपके पास, वेट ऑफ वाटर उस पर्टिकुलर सॉइल के अंदर कितना पानी प्रेजेंट है अपॉन वेट ऑफ जो ड्राई सॉइल है उसका। अब अगर आप वेट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वेट आप कैसे मेंशन कर सकते हैं, वेट ऑफ वाटर अगर आप लिखेंगे तो वेट ऑफ वाटर को कैसे लिख सकते हैं, डेंसिटी जो है, या फिर अगर आप यूनिट वेट की बात करें, यूनिट वेट होता है वेट अपॉन वॉल्यूम, तो यहां से वेट आप लिख सकते हैं गामा इंटू वॉल्यूम के बराबर, आप गामा इंटू वॉल्यूम के बराबर वेट लिख सकते हो। तो ये आ जाएगा आपके पास गामा इंटू वॉल्यूम। अब वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम कितना होगा इन टर्म्स ऑफ, यहां पर देख लीजिए, ए एरिया को डी से मल्टीप्लाई कर देते हैं आप, अगर वॉल्यूम ऑफ वाटर ही कैलकुलेट करना है, इतना पानी तो आपने इसमें प्रोवाइड किया है, तो वो कितना आ जाएगा, ए इंटू डी से आप लिख सकते हैं यहां पर, तो ए इंटू डी ये आपने यहां पर मेंशन कर दिया, तो ये तो आ गया वेट ऑफ वाटर। इसी तरीके से वेट ऑफ सॉलिड पार्टिकल अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आप कैसे कर सकते हैं कि उसका वेट, जो सॉइल का वेट है वो किसके बराबर हो जाएगा, ड्राई यूनिट वेट ऑफ सॉइल इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉइल। अब वॉल्यूम ऑफ सॉइल आप किससे देखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉइल तो इसी से देखेंगे ना, सॉइल का जो वॉल्यूम आएगा जो ड्राई थी जब वो, तो इस डी डेप्थ तक की तो बात कर रहे थे, जो आपके पास खेत है आपका, जो आपका फील्ड है उसका, यही तो वो वॉल्यूम है। अगर इनटू द प्लेन आप बात करें यहां पर, तो ऐसे कुछ ये ए एरिया था आपके पास, तो सॉइल का जो वॉल्यूम है वो कौन सा वॉल्यूम होगा, सॉइल का वॉल्यूम तो यही वाला होगा, दिस ए एरिया इंटू डी, ये सॉइल का वॉल्यूम आ गया आपके पास। तो सॉइल का वॉल्यूम और इसका जो ड्राई यूनिट वेट है गामा डी, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस सॉइल का वेट आ जाएगा जो ड्राई थी जब उस वक्त, तो ड्राई वाला यूनिट वेट यूज किया हमने और ए इंटू डी यूज किया। इसी को सिंप्लीफाई कर देंगे आप तो यहां पे आपके पास वैल्यू जो आ जाती है वो आ जाती है डी इक्वल्स टू गामा डी अपॉन गामा डब्ल्यू इंटू कैपिटल डी इंटू फील्ड कैपेसिटी। अब यहां पर ये फॉर्मूला हम जनरलाइज फॉर्म में हम यूज कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं, आपने फील्ड कैपेसिटी के मॉइस्चर कंटेंट के बराबर आपने बात कही, आपने कन्वर्ट किया है स्मॉल डी, वापस उसी डायग्राम पे चलते हैं, इस पे आपने कन्वर्ट किया है स्मॉल डी को किसकी टर्म्स में, कि स्मॉल डी जो है वो किसके बराबर है, स्मॉल डी आपका बराबर है गामा डी, यानी कि ड्राई यूनिट वेट अपॉन गामा डब्ल्यू, गामा डी अपॉन गामा डब्ल्यू इंटू कैपिटल डी इंटू फील्ड कैपेसिटी। अब जरूरी नहीं है आप हमेशा यहां पर फील्ड कैपेसिटी यूज करो, हम सिर्फ इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं कि अगर आप फील्ड कैपेसिटी तक भर देंगे इसको पूरा, इसको आपने भर दिया, उस वक्त क्या होगा, उसको वाटर को इन टर्म्स ऑफ डेप्थ अगर आप एक्सप्रेस करेंगे वो आप ऐसे कर सकते हैं। अब आप कहेंगे मुझे तो इतना नहीं करना, मुझे क्या करना है, आपको पता है कि 50% वाटर कंटेंट पर फील्ड कैपेसिटी आ जाएगी, आप कहेंगे परमानेंट विल्टिंग पॉइंट जो है वो आ जाता है कितना, 15% पर, तो अभी सॉइल के अंदर परमानेंट विल्टिंग पॉइंट के बराबर मॉइस्चर कंटेंट है, तो आप मुझे ये बताओ कि कितना डेप्थ ऑफ वाटर मैं प्रोवाइड करूं ताकि वो फील्ड कैपेसिटी पर पहुंच जाए, तो आप कितना मॉइस्चर कंटेंट प्रोवाइड करोगे, 15 अभी है, कहां तक जाना है, 50 तक जाना है, तो 35 प्रोवाइड करोगे आप, या आप ये कह लो फील्ड कैपेसिटी माइनस परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, तो इन टर्म्स ऑफ वाटर ऑफ डेप्थ आपको बताना है, तो आप इसे स्मॉल डी इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो, स्मॉल डी इक्वल्स टू गामा डी अपॉन गामा डब्ल्यू इंटू कैपिटल डी इंटू फील्ड कैपेसिटी माइनस 5, अगर आप बात कर रहे हो इन टर्म्स ऑफ अवेलेबल मॉइस्चर कंटेंट,
इसमें भी आप बोल सकते हो कि जो भी प्लांट का पानी है उसका 50% वो यूज कर पाएगा, तो आप यहां पर कह देंगे 35 और उसके बाद फर्दर उसको 50% कंसीडर करके उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन कर लीजिए। तो दिस फॉर्मूला बेसिकली कन्वर्ट्स, ये फॉर्मूला क्या करता है, जो पानी आप प्रोवाइड कर रहे हैं फील्ड में उसको इन टर्म्स ऑफ डेप्थ बता देता है, स्मॉल डी की टर्म्स में बता देता है, गामा डी अपॉन गामा डब्ल्यू इंटू डी, यहाँ पे जो भी मॉइस्चर कंटेंट पुट करोगे उसकी वैल्यू वो बता देगा इन टर्म्स ऑफ डेप्थ ऑफ वाटर। स्मॉल डी में कैपिटल डी में डिफरेंस नहीं समझ आया इतनी देर से, वही तो मैं आपको बता रहा हूं, एक बार फिर से सुनिए। कैपिटल डी क्या है? कैपिटल डी वो डेप्थ है, रूट जोन डेप्थ जिसे हम बोलते हैं, कैपिटल डी को बोलते हैं हम रूट जोन डेप्थ, वो डेप्थ है जहां तक प्लांट आपका पानी एक्सट्रैक्ट कर सकता है। तो प्लांट इतना पानी एक्सट्रैक्ट कर सकता है, इस डेप्थ तक जाके एक्सट्रैक्ट कर सकता है, उससे नीचे अगर मॉइस्चर प्रेजेंट है तो प्लांट उसको एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, तो इसे हम कहते हैं रूट जोन डेप्थ कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? रूट जोन डेप्थ कहते हैं। तो रूट जोन डेप्थ तक हमने प्रोवाइड किया। अब आप देखिए नेक्स्ट आता है आपके पास स्मॉल डी। स्मॉल डी क्या मतलब है? जितना पानी आपने दिया फील्ड को, उस पानी को आप एक इसी ए एरिया, जितना फील्ड का एरिया है उस ए एरिया के ऊपर बिछा दो, उस ए एरिया पे आप वाटर को डाल दो, तब वो कितनी डेप्थ आपको मिलेगी उसकी, तो वो आप कहते हैं डेप्थ ऑफ वाटर। ये है रूट जोन डेप्थ, किस डेप्थ तक प्लांट एक्सट्रैक्ट कर सकता है पानी को, ये आपके पास है इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर, इन टर्म्स ऑफ मीटर, इन टर्म्स ऑफ वाटर की डेप्थ एक्चुअल में कितनी है वो आप प्रोवाइड कर रहे हैं। आगे बढ़े, चलें आगे, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, फटाफट चलते हैं। तो इसी तरीके से दोस्तों, इन द डेप्थ, इफ द डेप्थ ऑफ वाटर स्टोर्ड इन द रूट जोन फॉर फुल फील्ड कैपेसिटी बट दिस एंटायर डेप्थ ऑफ वाटर कैन नॉट बी एक्सट्रैक्टेड बाय द प्लांट्स, हेंस अवेलेबल मॉइस्चर कंटेंट विल बी गिवन एज। तो जब आपको अगर अवेलेबल मॉइस्चर कंटेंट जो है उसको लिखना है, तो यही तो अवेलेबल मॉइस्चर कंटेंट, फील्ड कैपेसिटी माइनस 5। इसको अगर इन टर्म्स ऑफ डेप्थ ऑफ वाटर लिखना है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अगर इक्विवेलेंट डेप्थ ऑफ रेडिली अवेलेबल मॉइस्चर कंटेंट लिखना है, रेडिली अवेलेबल मॉइस्चर कंटेंट क्या होगा, ये आपके पास यहाँ पर सॉइल थी, फिर उसके बाद हाइग्रोस्कोपिक वाटर है आपके पास, फिर उसके बाद ये यहां तक का कैपिलरी वाटर है, कैपिलरी में भी ये क्या था, रेडिली अवेलेबल मॉइस्चर कंटेंट वाली लिमिट है, या एम जिसको लिख सकते हैं। तो इतना मॉइस्चर कंटेंट को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है इन टर्म्स ऑफ डेप्थ ऑफ वाटर, तो वो आप एफ सी माइनस दिस एम से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यही आपको यहां पर लिखा हुआ है। इसी का क्वेश्चन कैसे आ सकता है, क्वेश्चन की बात करें अगर हम, तो ESC में क्वेश्चन आ रखा है, SSC में सेम एज इट इज क्वेश्चन आ रखा है ये। सो द फॉलोइंग डेटा वर रिकॉर्डेड फ्रॉम एन इरिगेशन फील्ड, ये डेटा आपको मिला, फील्ड कैपेसिटी 20%, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट 10%, परमिसिबल डिप्लीशन ऑफ अवेलेबल मॉइस्चर कंटेंट 50%। तो आपने कहा फील्ड कैपेसिटी अगर 20% है, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट अगर 10% है, तो अवेलेबल मॉइस्चर कंटेंट आ जाएगा 10%, इस 10% का भी 50% डिप्लीट हो जाएगा, उड़ जाएगा, हमारे प्लांट के काम नहीं आएगा। तो 5% आएगा, इस 5% को आप इन टर्म्स ऑफ डेप्थ ऑफ वाटर आप कन्वर्ट कर लेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, जो भी आपको यूनिट वेट दे रखे हैं वो पुट कर दो। 1 मीटर डेप्थ ऑफ वाटर के लिए आपको 1 मीटर रूट जोन डेप्थ के लिए बताया है, तो आपने 1000 mm पुट किया, 5/100 पुट किया, आंसर आया आपके पास 75 mm, यानी कि 75 mm ऑफ वाटर आपको चाहिए। फिर उसने क्वेश्चन के अंदर ही दे दिया कि 25 mm की तो बारिश हो गई, आपने कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग बताया कि रेडिली अवेलेबल मॉइस्चर कंटेंट जो है उसके हिसाब से 75 mm पानी चाहिए प्लांट को, जिसमें से 25 तो ऑलरेडी आ गया रेनफॉल से, तो आप जो इरिगेशन से प्रोवाइड करेंगे, आर्टिफिशियली जो आप वाटर सप्लाई करेंगे वो कितना करेंगे, 50 करना होगा, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट आगे बढ़े, पिछली बार भी आया, हर बार ही आता है, चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट चलते हैं। वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप की अगर हम बात करें, तो क्रॉप की वाटर रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करें, तो फर्स्ट वाटरिंग से लेके लास्ट वाटरिंग तक का जो टाइम होता है, पहली बार जब पानी दिया, लास्ट बार जब पानी दिया, तो इसे कहते हैं बेस पीरियड। जब आपने बीज बोया तब से लेके आपने फसल काटी, तो ये क्या कहलाता है, क्रॉप पीरियड। कैलकुलेशंस के हिसाब से हम बेस पीरियड और क्रॉप पीरियड को लगभग बराबर ले लेते हैं। सो बेस पीरियड ऑफ अ क्रॉप इज द टाइम बिटवीन फर्स्ट वाटरिंग एट द टाइम ऑफ सोइंग टू इट्स लास्ट वाटरिंग बिफोर हार्वेस्टिंग, ये क्या होता है, बेस पीरियड होता है। क्रॉप पीरियड डायग्राम से देख सकते हैं, जब बीज बोया और जब आपने हार्वेस्टिंग की, तब क्रॉप पीरियड होता है। फर्स्ट वाटरिंग जो आप करते हैं वो जनरली बीज बोने से पहले आप प्रोवाइड कर देते हैं सॉइल को मॉइस्चर प्रोवाइड करने के लिए, उसको थोड़ा सॉफ्ट प्रोवाइड करने के लिए, जिसमें बीज जो है वो फ्लरिश कर पाए, ग्रो कर पाए। इन रियलिटी क्रॉप पीरियड इज ग्रेटर देन बेस पीरियड, बट थ्योरेटिकली दे आर अप्रोक्सीमेटली टेकन सेम, एंड इवन
टर्म्स आर ऑल्सो यूज्ड इंटरचेंजेबली, कि कभी बेस पीरियड को आप क्रॉप पीरियड बोल दिया, क्रॉप पीरियड को बेस पीरियड बोल दिया, ये भी इंटरचेंज करके हम कभी कभी बोल देते हैं। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, डेल्टा क्या होता है? इन टर्म्स ऑफ डेप्थ, कितना आपने पानी प्रोवाइड किया वो क्या कहलाता है? डेल्टा कहलाता है। डेल्टा ऑफ अ क्रॉप मीन्स डेप्थ ऑफ वॉटर रिक्वायर्ड बाय द क्रॉप, कितना डेप्थ ऑफ पानी क्रॉप को चाहिए। ड्यूटी क्या होता है? कितना एरिया ऑफ लैंड आप इरिगेट कर पाएंगे इन द एंटायर बेस पीरियड अगर आप 1 क्यूमेक ऑफ वाटर जो है वो कंटिन्यूअसली सप्लाई किया जाए आपको। तो एरिया ऑफ लैंड इरिगेटेड पर क्यूमेक ऑफ वाटर इन द एंटायर बेस पीरियड, ये आपका क्या होता है? ड्यूटी होता है। ड्यूटी की अगर हम बात करें दोस्तों, तो ड्यूटी जो है, अगर आप कहें कैनाल जो है, अब फिर क्वेश्चन आता है ड्यूटी कहां पे ज्यादा होती है, फील्ड पे ज्यादा होती है या कैनाल पे ज्यादा होती है। तो अगर आप बात करें कि अगर 2 क्यूमेक ऑफ वाटर रिलीज किया गया मेन कैनाल से कितना रिलीज किया गया, 2 क्यूमेक यहां पर रिलीज किया गया, ये इरिगेट कर रहा है अगर 1000 हेक्टेयर को, तो आप कहेंगे कि ड्यूटी कितनी आ जाएगी? 1000/2 क्यूमेक, तो ये आ जाएगा 500 हेक्टेयर पर क्यूमेक। अगर आप देखें कि फील्ड पे जाके, यहां पे कैनाल जा रही थी, इस कैनाल के पास में ही एक फील्ड है मान लीजिए, तो यहां पे अगर आप बात करेंगे इस कैनाल के जस्ट पास वाले फील्ड के लिए, तो वहां पर आपने 2 क्यूमेक वाटर जो है वो प्रोवाइड कर रखा है। यहां पे आपने 2 क्यूमेक वाटर प्रोवाइड कर रखा है। एरिया कितना है आप इरिगेट कर रहे हैं? 1000। तो एरिया अपॉन डिस्चार्ज आपके पास आ जाता है ड्यूटी, तो जो किया है आपके पास 500। अब इसी वाटर को आप एक दूर वाले खेत में ले जाएं, दूर वाले फील्ड पे अगर आप ले जाएंगे और वहां जाके अगर आप देखेंगे, तो आपका एरिया इरिगेट हो रहा है वहां पर 1000 और डिस्चार्ज वहां जाते जाते 1 बच गया, तो यहां पर ड्यूटी जो है वो क्या हो जाएगी आपके पास? 1000 हेक्टेयर पर क्यूमेक हो जाएगी। तो आपके पास समझ में आ गया कि ड्यूटी जो है वो ज्यादा कहाँ पे होती है? जैसे जैसे फील्ड पे जाते हैं वैसे वैसे ड्यूटी जो है वो लार्ज हो जाती है। ड्यूटी इज लार्जेस्ट ऑन द फील्ड। क्यों यार लार्ज हो जाएगी? तो ड्यूटी को आप ऐसे याद रखें कि एरिया अपॉन डिस्चार्ज अगर आप लिखेंगे, तो जैसे जैसे आप कैनाल से दूर जाएंगे डिस्चार्ज की वैल्यू कम हो जाएगी, ड्यूटी की वैल्यू बढ़ती जाएगी। ड्यूटी ऑफ द कैनाल विल बी लेस इफ वाटर सप्लाई रिक्वायर्ड इज मोर। ड्यूटी ऑफ कैनाल जो है वो कम होगी। ड्यूटी ऑफ कैनाल की अगर हम बात करें, तो ड्यूटी जो है फिर से एरिया अपॉन डिस्चार्ज, तो अगर डिस्चार्ज की वैल्यू ज्यादा होगी, वाटर सप्लाई रिक्वायर्ड जो है अगर वो ज्यादा होगा, तो ड्यूटी क्या हो जाएगी? अपने आप कम हो जाएगी। द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट द ड्यूटी ऑफ वाटर, इनमें से कौन सा फैक्टर ड्यूटी ऑफ वाटर को अफेक्ट करता है? क्या मेथड है कल्टीवेशन का आपका, क्रॉप का जो इरिगेशन सिस्टम है, सिस्टम ऑफ इरिगेशन क्या है, कैसे आप वाटर प्रोवाइड कर रहे हो, टाइप ऑफ क्रॉप क्या है, ऑल ऑफ द अबव। तो सारे फैक्टर्स जो है वो इन्फ्लुएंस करेंगे ड्यूटी को। द रेशियो बिटवीन एरिया ऑफ क्रॉप इरिगेटेड एंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड ड्यूरिंग इट्स एंटायर ग्रोथ इज नोन एज, कितना एरिया इरिगेट हुआ और कितना क्वांटिटी ऑफ वाटर, यानी कि हेक्टेयर पर क्यूमेक, यानी कि ड्यूटी आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, रिलेशनशिप बिटवीन ड्यूटी एंड डेल्टा की अगर बात करें, डेरिवेशन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, तो आप सिंपल भाषा में कह सकते हो ड्यूटी इनटू डेल्टा इज इक्वल टू 8.64 बी। याद रखने वाली बात क्या है यहाँ पर? ड्यूटी हेक्टेयर पर क्यूमेक में है, डेल्टा मीटर में है, बेस पीरियड बी में है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ड्यूटी इंटू डेल्टा इक्वल्स टू 8.64 इंटू बी, ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, समझने के लिए बहुत आसान है। आप वाटर का वॉल्यूम जो है वो आप इक्वेट करवा देते हैं, उससे आ जाता है आपके पास। चलिए आगे बढ़े। इफ द ड्यूटी ऑफ वाटर फॉर अ क्रॉप, और एक सवाल पक्का है, हर साल आ रहा है, पिछले 3-4 साल से लगातार आ रहा है, एक ही फॉर्मूला याद रखना है, ड्यूटी इनटू डेल्टा इक्वल्स टू 8.64 बेस पीरियड। और इस फॉर्मूले में हमेशा याद रखना है कि ड्यूटी को पुट करेंगे किसमें? हेक्टेयर पर क्यूमेक में पुट करेंगे। डेल्टा को पुट करेंगे किसमें? मीटर में पुट करेंगे। बेस पीरियड को पुट करेंगे किसमें? डेज में पुट करेंगे। ठीक है, बेस पीरियड को किसमें? डेज में पुट किया जाएगा। डेली रात को 8 बजे हमारी मैराथन होती है, जो नए मित्र हैं उनको हम बता देते हैं फटाफट से, डेली रात को 8 बजे होती है। तो आगे का स्केड्यूल है वो भी मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। कल हमारी फ्लूइड मैकेनिक्स की होगी रात को 8 बजे, और कल दिन में 12 बजे हाइड्रोलॉजी पढ़ेंगे हम, जो कि 1.5 से 2 घंटे या फिर ज्यादा से ज्यादा 2.5 आवर्स में कंप्लीट हो जाएगा। इफ द ड्यूटी ऑफ वाटर फॉर अ क्रॉप ऑफ बेस पीरियड 120 डेज इज, तो आप फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे 8.64 ड्यूटी इंटू डेल्टा इक्वल्स टू 8.64 बी, यहां से आपके पास आ जाएगा आंसर 0.740 मीटर या फिर 741 लगभग आपके पास mm। क्रॉप्स की अगर हम बात करें, तो खरीफ क्रॉप जो होती है इनको हम बोलते हैं समर क्रॉप बोलते हैं, अप्रैल टू सितंबर लगभग ये इनका टाइम ड्यूरेशन होता है खरीफ क्रॉप का। रबी जो है वो विंटर क्रॉप्स को बोला जाता है, रबी इज नोन एज, जो रबी या विंटर में होती हैं वो विंटर क्रॉप्स कहते हैं हम। पेरिनियल क्रॉप आती है आपकी लगभग 300 से 360 डेज जो है इन तक
जो 365 डेज तक ग्रो करती हैं, ये होती है पेरेनियल। जेड क्रॉप्स हम किसको बोलते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो होती हैं उनको हम बोलते हैं। उसके बाद कैश क्रॉप जो आपकी आती हैं, कैश क्रॉप को आप डायरेक्टली मार्केट के अंदर आप सेल कर सकते हैं, जैसे कि आपके पास कॉफी हो गया, टी हो गया, सुगर केन, कॉटन एटसेट्रा एटसेट्रा, जो आप सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से आप उनको ग्रो कर रहे हो। तो खरीफ क्रॉप इज सोन इन, खरीफ क्रॉप जो है वो कहां पर, समर में अगर हम बात करें, सॉरी खरीफ की अगर हम बात करें, समर क्रॉप्स है यहां पर, तो अप्रैल टू सितंबर है, और लगभग लगभग इन टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग अगर आप देखें यहां पर, तो ये आपके पास आ जाती है मंथ ऑफ जून एंड जुलाई एज पर द गिवन ऑप्शन अगर आप देखें तो। द फर्स्ट वाटरिंग बिफोर सोइंग द क्रॉप इज नोन एज पेलियो इरिगेशन। पेलियो इरिगेशन जो सबसे पहले आप वाटर प्रोवाइड करते हो, इसे हम कहते हैं पेलियो इरिगेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फटाफट चलते हैं। नेक्स्ट आती है इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। एकदम से जो भी काम कर रहे हो वो सब छोड़ के एकदम अलर्ट हो जाइए, क्योंकि यहां से एक सवाल पक्का आता है, 100% आता है। अगर यहां पे गड़बड़ कर दी तो मतलब एक सवाल आपका गया। इरिगेशन इंजीनियरिंग के अंदर अगर हम बात करें, कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स है जहां पे आपसे सवाल जो है, अगर हम बात करें, हमने तीन इशू बनाए थे ना, एक था आपका हाई प्रायोरिटी, मतलब ऐसे क्वेश्चन जिनकी प्रायोरिटी बहुत ज्यादा है उनको याद करने करना है, एक है आपके मीडियम वाली, एक उसके बाद लो प्रायोरिटी। तो अगर हम बात करें हाई प्रायोरिटी वाले जो क्वेश्चन है जो आने ही आने चाहिए, वो ये 10 डेफिनेशन 10-12 डेफिनेशन करेंगे, उनमें से पक्का क्वेश्चन आता है पिछले 3-4 साल का। आप कोई मर्जी पेपर उठा के देख लीजिए, कोई ऐसा पेपर नहीं है जिसमें इनमें से क्वेश्चन ना आया हो। तो डेफिनेटली क्वेश्चन आता है और ये आपको पता होना चाहिए। क्रॉप रेशियो की अगर हम बात करें, तो ये होता है कि कितना एरिया इरिगेट हुआ खरीफ सीजन में अपॉन कितना एरिया इरिगेट हुआ रबी सीजन के अंदर। पेलियो इरिगेशन कौन सी इरिगेशन होती है, जो वाटरिंग आप प्लांट के जो बीज बोने से पहले आप जो वाटरिंग करते हो उसे आप क्या कहते हैं, पेलियो इरिगेशन कहते हैं। इसे क्यों जरूरी है, ये सॉइल जो है उसको थोड़ा सा सॉफ्ट बना देती है और वहां पर एक एम्बियंस क्रिएट कर देती है, एक माहौल क्रिएट कर देती है कि जिससे क्या हो जाए, वो सीड जो है वो ग्रो कर पाए, वो सीड फूटेगा और उसके बाद प्लांट जो है वो ग्रो करेगा। कोर वाटरिंग, कोर डेथ या कोर पीरियड क्या होता है, कोर वाटरिंग कहलाती है जो पहली वाटरिंग होती है, फर्स्ट वाटरिंग जो है, अगर आप बीज बो दिया आपने आफ्टर सोइंग ऑफ द सीड, उसके बाद जो आप वाटरिंग करते हो उसे आप क्या कहते हो, कोर वाटरिंग कहते हो। दिस इरिगेशन डेप्थ इज द मैक्सिमम ऑफ ऑल द वाटरिंग, सबसे ज्यादा जो आपने इरिगेशन का अगर कोई पानी प्रोवाइड किया वो आप प्रोवाइड करते हैं कोर डेप्थ। पेलियो इरिगेशन में और कोर वाटरिंग में क्या अंतर है, पेलियो इरिगेशन तो बीज बोने से पहले प्रोवाइड किया, बीज बो दिया, प्लांट कुछ ग्रो कर गया है, उसके बाद जो आप पानी प्रोवाइड करते हो उसे आप कहते हो कोर वाटरिंग। द पोर्शन ऑफ बेस पीरियड, बेस पीरियड का वो ड्यूरेशन जिसके दौरान आप कोर वाटरिंग प्रोवाइड करते हो उसे आप कहते हो कोर पीरियड। फिर आता है कैपेसिटी फैक्टर। कैपेसिटी फैक्टर क्या होता है कि मेन सप्लाई डिस्चार्ज किसी कैनाल का कितना रहा है, एट एन एवरेज जो है कितना डिस्चार्ज रहा है उसका, अपॉन उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है, मैक्सिमम डिस्चार्ज कैरिंग कैपेसिटी कितनी, किसी पर्टिकुलर ड्यूरेशन में कैनाल जो है, नहर जो है वो कितनी चली है, उसके अंदर डिस्चार्ज कितना आया है विद रिस्पेक्ट टू उसका कितना कैपेसिटी है, ये कैपेसिटी फैक्टर होता है। टाइम फैक्टर की अगर बात करें, तो कितने दिन एक्चुअल में कैनाल चली अपॉन कितना इरिगेशन पीरियड है। क्रॉप कैलेंडर क्या होता है, क्रॉप कैलेंडर एक ऐसा टूल है जो आपको पूरी जानकारी देता है। आप क्रॉप कैलेंडर सर्च करेंगे, आप अपने एरिया का सर्च कर लीजिए, वहां पे आ जाएगा आपके पास कौन सा स्टेट है, और उसके बाद आप बात करेंगे अगर कौन सी क्रॉप्स आप ग्रो कर रहे हैं, फिर उसका ड्यूरेशन आएगा, कब उसकी वाटरिंग होगी, क्या कुछ होगा, ये सारी चीजें आपको क्रॉप कैलेंडर के अंदर सारी जानकारी दी होती है। ग्रॉस कमांड एरिया, यहां से इंपॉर्टेंट चीजें शुरू हो जाती हैं, ठीक है, यहां से बहुत हाई प्रायोरिटी के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। ग्रॉस कमांड एरिया किसी भी इरिगेशन प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो टोटल एरिया, चाहे उसके अंदर खेत हैं, चाहे उसमें बिल्डिंग है, चाहे उसके अंदर कोई रस्ते हैं, चाहे उसमें कोई लेक है, कुछ भी है, तो कोई भी इरिगेशन प्रोजेक्ट के अंतर्गत जितना एरिया आता है उसे हम कहते हैं ग्रॉस कमांड एरिया। उसके बाद आता है दोस्तों कल्चरेबल कमांड एरिया या कल्टीवेबल कमांड एरिया, CCA। ये वो पोर्शन है जिसमें हम कहते हैं कि आपके पास वो एरिया जहां पर खेती कर सकते हैं आप, कल्चरेबल कमांड एरिया, जहां पर आप एक्चुअल में खेती कर सकते हैं, जहां पर आप फसल को बीज सकते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, आपका कल्चरेबल कमांड एरिया कहलाता है। इट इज दैट पोर्शन ऑफ ग्रॉस कमांड एरिया विच इज कल्टीवेबल एंड इट डिनोट्स द एरिया ऑन विच एक्चुअल में कल्टीवेशन जिस एरिया पर होने वाली है। अगर टेस्ट डेटा नहीं दे रखा है आपको, अगर क्वेश्चन में नहीं बता रखा है उसने, तो आप मान लीजिए कि ग्रॉस कमांड एरिया का 80% होता है कल्चरेबल कमांड एरिया। तो डेफिनेशन समझ में आनी चाहिए, किसी भी इरिगेशन प्रोजेक्ट, यहां से अगर कोई कैनाल जा रही है तो ये कैनाल अपने हेड से लेके और जहां तक जाएगी अपने टेल तक, उसमें कितना एरिया जो है
वो कवर कर रही है, ये कहलाएगा ग्रॉस कमांड एरिया। अब इस ग्रॉस कमांड एरिया में बीच में यहां पर कहीं पे बिल्डिंगें होंगी, कहीं पर यहां पर रस्ते हैं, रोड होंगी, या फिर कोई भी चीजें जो ऑब्स्ट्रक्शन है जहां पर खेती नहीं हो सकती, कहीं पर कोई वाटर बॉडीज है, कोई लेक आ गई, तो इन सबको अगर आप हटा देंगे, इन सबको इंक्लूड करके तो ग्रॉस कमांड एरिया आया। इन सबको हटा के सिर्फ और सिर्फ जहां पर खेती हो सकती है वो एरिया क्या होगा, कल्चरेबल कमांड एरिया कहलाता है। उसके बाद आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन, हर साल इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना। इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन का मतलब क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर, अगर एनुअल इंटेंसिटी बोले, शब्दों में हेर फेर, अगर एनुअल इंटेंसिटी बोले, एनुअल मतलब पूरे साल का, तो पूरे साल में कितना इरिगेशन हुआ, पूरे साल के अंदर कितना परसेंट ऑफ कल्चरेबल कमांड एरिया इरिगेट हुआ, समर में कितना परसेंट इरिगेट हुआ, विंटर में कितना हुआ। जैसे कि मान लीजिए आपके पास यहां पर एक एग्जांपल के तौर पर 100 हेक्टेयर जगह है जो कि ग्रॉस कमांड एरिया है, उस 100 हेक्टेयर में से 20 हेक्टेयर ऐसी जगह है जहां पर कोई बिल्डिंग बनी हुई है या जहां पर खेती नहीं हो सकती, वो जगह खाली छोड़ रखी आपने, या रोड बनी है यहां पर, रस्ते हैं, कुछ भी है, तो उस ग्रॉस कमांड एरिया का 80% कह लीजिए, 80 हेक्टेयर आपके पास वो लैंड है जो आप कह सकते हैं कि कल्चरेबल है, कल्चरेबल कमांड एरिया है। अब इस 80% का या इस 80 हेक्टेयर का कितना प्रतिशत आप समर में इरिगेट कर पा रहे हैं, कितना परसेंट आप विंटर में इरिगेट कर पा रहे हैं, इन दोनों परसेंटेज को ऐड कर दीजिए, ये आपका आ जाता है एनुअल इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन। फॉर एग्जांपल हमने कहा कि विंटर में 90% एरिया इरिगेट कर सकते हैं इसका, समर में 70% एरिया इरिगेट कर सकते हैं, तो एनुअल इंटेंसिटी, एनुअल शब्द पे आपको ध्यान देना है, एनुअल इंटेंसिटी बोला तो आप कहेंगे पूरे साल में कल्चरेबल कमांड एरिया का कितना परसेंट इरिगेट हुआ, तो समर में हुआ, विंटर में हुआ 90, समर में हुआ 70, तो आपके पास आ जाएगा एनुअल इंटेंसिटी 160। अगर आपने वो बोले सीजनल इंटेंसिटी बताओ, या बोले कि सीजनल इंटेंसिटी इन विंटर, तो कितना परसेंट एरिया इरिगेट हुआ विंटर में, आंसर होगा 90%। कितना परसेंट एरिया या सीजनल इंटेंसिटी क्या है समर में, तो वो हो जाएगा 70%। एनुअल बोला है, दोनों को ऐड करना है, एक नंबर पक्का अगर ये डेफिनेशन याद हो गई तो। क्लियर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इरिगेशन एफिशिएंसी की बात आती है, इरिगेशन एफिशिएंसी की अगर हम बात करें तो इरिगेशन एफिशिएंसी को आप कहते हो कितना पानी जो है वो एक्चुअल में पहुंचा है प्लांट तक यूज के लिए उसके, या फिर उसके रूट तक पहुंचा है, तो वाटर अवेलेबल फॉर यूज अपॉन कितना पानी आपने फील्ड में अप्लाई किया, इन जनरल ये आपके पास डेफिनेशन होती है, इन जनरल आप इरिगेशन एफिशिएंसी ये कहते हैं, और शुरू में एक क्वेश्चन भी हम इसका कर चुके। वाटर कन्वेयंस, कन्वेयंस का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना, आप अपने ऑफिस जाएंगे तो आपका कन्वेयंस क्या हो सकता है, आप बस से जा सकते हैं, आप बाइक से जा सकते हैं, आप कार से जा सकते हैं, ये आपके कन्वेयंस है। तो वाटर की कन्वेयंस में एफिशिएंसी, कितना पानी सोर्स से चला और कितना फील्ड तक पहुंचा, ये आप क्या कह सकते हैं, कन्वेयंस एफिशिएंसी, इससे आप बता सकते हैं। सो वाटर रिलीज्ड फ्रॉम द सोर्स, वाटर गिवन टू द फील्ड, तो कितना फील्ड तक पहुंचा अपॉन कितना छोड़ा गया था, तो वो आपके पास आ जाता है कन्वेयंस वाली एफिशिएंसी, ये कन्वेयंस के लॉसेस को बताता है। द रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ वाटर स्टोर्ड इन द रूट जोन ऑफ द क्रॉप टू द क्वांटिटी ऑफ वाटर एक्चुअली डिलीवर्ड टू द फील्ड, अब उसके बाद फील्ड में कितना डिलीवर हुआ और उससे प्लांट तक कितना पहुंचा, ये आपके पास थी कैनाल, मान लेते हैं ये सोर्स है, तो कैनाल से कितना पानी छोड़ा गया, उसके बाद कन्वेयंस लॉस हुए, रस्ते में कुछ पानी के लॉसेस हो गए, फिर कितना फील्ड तक पहुंचा, फिर कितना फील्ड तक पहुंचा, तो इसे तो हमने कहा कन्वेयंस वाली एफिशिएंसी से आप बता सकते हैं। अब फील्ड से ये जो प्लांट है इसके रूट जोन में कितना पहुंचा, फील्ड से इसके रूट जोन में कितना पहुंचा, इसको आप बता रहे हैं वाटर एप्लीकेशन, रूट जोन में आपने कितना अप्लाई किया, ये इसकी एप्लीकेशन एफिशिएंसी होगी। सो एप्लीकेशन एफिशिएंसी हो जाएगी वाटर स्टोर्ड इन द फील्ड दैट इज इन द रूट जोन टू कितना आपने फील्ड में दिया था, ये आपके पास वाटर को अप्लाई करने की एप्लीकेशन वाली एफिशिएंसी जो है ये आपके पास आ जाती है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों इरिगेशन एफिशिएंसी की नेक्स्ट डेफिनेशन, दो है वाटर यूज एफिशिएंसी, कितना पानी प्लांट यूज कर पाया कंजम्पटिवली, कंजम्पटिव यूज कौन सा होता है, जो उसकी इवेपोरेशन, इवेपो ट्रांसपीरेशन नीड्स के लिए, इवेपोरेशन और ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपीरेशन का प्रोसेस क्या होता है, जब प्लांट रूट से पानी एब्जॉर्ब करके फिर उसके स्टेम के थ्रू पानी जाएगा, फिर उसके लीव्स में और अलग अलग कॉम्पोनेंट में चला जाएगा, वहां से जाके वो इवेपोरेट हो जाएगा, तो इसे आप क्या कहते हो ट्रांसपीरेशन, और पूरे प्रोसेस को इवेपो ट्रांसपीरेशन आप कह देते हो। तो इवेपो ट्रांसपीरेशन के नीड्स के लिए और अपनी ग्रोथ के लिए वो जो पानी यूज कर रहे हैं, तो वाटर गिवन टू द फील्ड और उसमें से कितना कंजम्पटिवली यूज हुआ, वाटर यूज कंजम्पटिवली अपॉन वाटर गिवन टू फील्ड, ये कहलाता है वाटर यूज एफिशिएंसी। फिर आता है वाटर की स्टोरेज एफिशिएंसी, कितना स्टोर हो पाया वो,
तो कितना रूट जोन के अंदर पानी स्टोर हुआ, रूट जोन का मतलब ये आपके पास प्लांट था, इस प्लांट की ये जो रूट है इसकी जो डेप्थ थी डी, तो उस डी डेप्थ तक कितना पानी जो है वो एक्चुअल में स्टोर हो पाया, वाटर स्टोर्ड इन रूट जोन अपॉन टोटल वाटर रिक्वायर्ड टू मेक इट टू फील्ड कैपेसिटी, फील्ड कैपेसिटी तक पहुंचाने के लिए, फील्ड कैपेसिटी मतलब मैक्सिमम उसको पूरा भर देने के लिए कितना पानी चाहिए, तो ये है वाटर स्टोरेज एफिशिएंसी, कितना उसने स्टोर करके रख रखा है। ड्यूटी ऑफ वाटर एट द आउटलेट इज नोन एज कैपेसिटी फैक्टर, ड्यूटी एट आउटलेट हम क्या कहते हैं इसको, कैपेसिटी फैक्टर के नाम से भी हम इसको बोलते हैं। द ड्यूटी ऑफ द वाटर एट आउटलेट इज नोन एज कैपेसिटी फैक्टर होगा दोस्त, ये कैपेसिटी फैक्टर कहलाएगा, ये गलत है यहां पर। नेक्स्ट, उसके बाद आती है कंजम्पटिव यूज, नेक्स्ट कम्स कंजम्पटिव यूज, सॉरी इसका गड़बड़ कर दिया हमने, आउटलेट फैक्टर करेक्ट है, ये करेक्ट है और यहां पे गलत लिखा हुआ है, दिस इज करेक्ट, आंसर जो आपका दे रखा है वो करेक्ट है, कैपेसिटी फैक्टर नहीं होगा, आउटलेट फैक्टर ही है, आउटलेट फैक्टर। चलिए आगे बढ़े, आउटलेट फैक्टर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, उसके बाद बात करते हैं कंजम्पटिव यूज की। कंजम्पटिव यूज के अंदर अगर हम बात करें तो जो भी इवेपोट्रांसपीरेशन के लॉसेस होते हैं प्लांट को अपनी ग्रोथ के लिए जो पानी चाहिए वो क्या कहलाता है, कंजम्पटिव यूज कहलाता है। कंजम्पटिव यूज के दो हिस्से हैं, पहला हिस्सा आता है ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन का मतलब क्या है कि आपका जो प्लांट है वो प्लांट क्या करेगा, अपनी रूट से वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, प्लांट क्या करेगा अपनी रूट से वाटर को एब्जॉर्ब करेगा और उसके बाद वो उसके स्टेम में जा रहा है, फिर उसके बाद उसके लीव्स और बाकी जो पार्ट्स है वहां पर जा रहा है और वहां जाके वहां से इवेपोरेट हो जाएगा। सो स्मॉल पोर्शन ऑफ वाटर एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स इज रिटेन्ड इन द प्लांट्स एंड रेस्ट ऑफ द वाटर आफ्टर परफॉर्मिंग द टास्क इज लॉस्ट टू द एटमॉस्फेयर, बाकी एटमॉस्फेयर में इवेपोरेट हो जाएगा। तो कुछ पानी तो यहां से डायरेक्ट ही इवेपोरेट हो जाएगा जो रूट जोन में प्रेजेंट है, कुछ तो डायरेक्ट इवेपोरेट हो जाएगा, कुछ क्या करेगा प्लांट के अंदर जाएगा, फिर वहां पर जो भी उसका प्रोसेस है, जो भी उसके सिंथेसिस के प्रोसेस है जहां पर उसको फूड चाहिए वो होगा और उसके बाद क्या करेगा वो बाहर निकल जाएगा। तो इसे बोलते हैं हम ट्रांसपीरेशन का प्रोसेस और इवेपोरेशन, तो आप सब समझते हैं। तो किसी भी प्लांट की दो रिक्वायरमेंट होती है, जब आपने प्लांट को पानी दिया तो वो प्लांट क्या करेगा इस रूट जोन में से यहां से पानी डायरेक्टली भी इवेपोरेट होगा और कुछ रूट से प्लांट के अंदर चला जाएगा। जब प्लांट के अंदर पानी चला जाएगा फिर उसके अंदर वहां पर क्या होने वाला है, उसका उसकी फूड की रिक्वायरमेंट्स के लिए जितना पानी उसको चाहिए वो पानी वो यूटिलाइज कर लेगा, फोटोसिंथेसिस के लिए जितना चाहिए वो यूटिलाइज कर लेगा, उसके बाद वो बाद में बाहर इवेपोरेट हो जाएगा। तो ये इसके ट्रांसपीरेशन और इवेपोरेशन लॉसेस हैं। तो इवेपो ट्रांसपीरेशन के लिए जितना पानी उसको चाहिए उसे हम कह देते हैं कि वो उसका कंजम्पटिव यूज है। अब कंजम्पटिव यूज टेम्परेचर कितना है इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा, टेम्परेचर ज्यादा है तो ज्यादा पानी वो यूज करेगा, विंड वेलोसिटी ज्यादा है तो वहां पर ज्यादा पानी यूज करेगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी अगर ज्यादा प्रेजेंट है तो वो कम पानी उसको चाहिए होगा। डेलाइट आयर्स की अगर हम बात करें तो ज्यादा दिन अगर प्रेजेंट है तो दिन ज्यादा है तो सनलाइट ज्यादा रहेगा, सनलाइट ज्यादा रहेगा तो फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा, फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा तो पानी की क्वांटिटी ज्यादा चाहिए होगी, इवेपोरेशन भी ज्यादा होंगे अगर सनलाइट आवर्स ज्यादा है। इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट इसके ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, टाइप ऑफ द क्रॉप, क्रॉप को कितना पानी चाहिए उसके ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, सॉइल मॉइस्चर, जो सॉइल के अंदर मॉइस्चर प्रेजेंट है वो कितने जल्दी डिप्लीट हो रहा है इसके ऊपर भी डिपेंड करता है, कंजम्पटिव यूज कितने जल्दी वो वहां से हट रहा है इसके ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट कुछ इरिगेशन रिक्वायरमेंट्स पर।
अब इरिगेशन रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्रॉप्स की अगर हम बात करें तो पहला आता है आपके पास कंजम्पटिव यूज ऑफ वाटर। कंजम्पटिव यूज ऑफ वाटर आपको समझ में आ गया इवेपोरेशन और ट्रांसपीरेशन के प्रोसेस के लिए। इवेपोरेशन इवेपोरेट हो गया, वेपर्स में चेंज हो गया। ट्रांसपीरेशन प्लांट की रूट से प्लांट के अंदर पानी गया, वहां जो भी रिक्वायर्ड एक्टिविटी है वो हुई, उसके बाद वो उसके लीव से और सरफेस से बाहर इवेपोरेट कर गया। तो इवेपो ट्रांसपीरेशन ये जरूरत है प्लांट की जो उसके ग्रोथ के लिए जरूरी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसी को कहते हैं हम कंजम्पटिव यूज ऑफ वाटर। फिर आता है कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट। अब ध्यान से समझना, अलर्ट हो जाइए। यहां पर कुछ जरूरी चीजें हैं जिनमें कंफ्यूजन हो सकती है, मुश्किल नहीं है लेकिन कंफ्यूजन हो सकती है, तो ध्यान देना थोड़ा सा। यहां पर कंजम्पटिव यूज ऑफ वाटर क्या था, कितना पानी प्लांट को दो कि उसमें से कुछ तो इवेपोरेट हो जाएगा रूट से ही, कुछ वो प्लांट अपने अंदर ले जाएगा, फिर वो उसको यूज करेगा फोटोसिंथेसिस के लिए, फिर उसके बाद वो उसको रिलीज कर देगा बाहर, तो कंजम्पटिव यूज हो गया। अब हम कह रहे हैं कि कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट कितनी है। कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट की आप बात करें कितना पानी आप खेत में प्रोवाइड करें कि प्लांट जो है वो अपने कंजम्पटिव यूज वाला पानी उसको मिल जाए। तो आप कहेंगे कि अगर रेनफॉल भी हो रही है तो कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट आप कितना पानी देंगे। नॉर्मली तो आप इरिगेशन क्या होता है, आर्टिफिशियली जो पानी आप प्रोवाइड कर रहे हो, तो कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट क्या है कि कंजम्पटिव यूज के लिए जितना पानी उसको चाहिए उतना पानी दे दो, लेकिन अगर कुछ पानी बारिश से भी आ गया तो पानी कम दे दो। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया ना, हमने एक एग्जांपल लिया, क्या एग्जांपल लिया, हमने कहा कि 75 mm जो है वो पानी चाहिए किसी क्रॉप को ग्रो करने के लिए। आपने कहा 25 mm प्रेसिपिटेशन होगी, 25 mm बारिश हो गई, तो आप कहेंगे कि आपको जो आर्टिफिशियली प्रोवाइड करना पड़ेगा वो कितना करना पड़ेगा, 75 - 25 यही प्रोवाइड करना पड़ेगा ना। तो वही हम कह रहे हैं कि प्लांट को अपने कंजम्पटिव यूज के लिए CU पानी चाहिए, तो आप जो कंजम्पटिव इरिगेशन जो ऊपर से आप प्रोवाइड कर रहे हैं पानी वो कितना प्रोवाइड करेंगे, जितना उसको कंजम्पटिव यूज के लिए चाहिए वो क्वांटिटी, उसमें से कुछ रेनफॉल का आ जाएगा तो वो आप माइनस कर दो। तो RE आपके पास है इफेक्टिव रेनफॉल, अगर आप कह देते हैं यहां पर तो ये वाली वैल्यू आ जाती है। नेक्स्ट आता है आपके पास नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट। अब नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट क्या है, प्लांट तक जो पानी चाहिए, प्लांट को जो पानी चाहिए अपने ग्रोथ के लिए वो चाहिए उसको कंजम्पटिव यूज, या फिर अगर मैं ये कह दूं यहां पर कंजम्पटिव यूज की जगह इसको कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट यहां तक हमें पहुंचाना है। यहां तक हमें क्या पहुंचाना है, कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट पहुंचाना है। तो यहां जो पानी आएगा वो पानी कितना प्रोवाइड करें, फील्ड में है ना अभी ये, तो फील्ड में कितना पानी आप प्रोवाइड करें कि इसके कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाए और ये पानी यहां जाके इस सॉइल के न्यूट्रिएंट्स को डिसॉल्व करेगा, लीचिंग करेगा तो लीचिंग की रिक्वायरमेंट के लिए, और साथ ही साथ में अगर बीज बोया नहीं है तो उससे पहले उस सॉइल को सॉफ्ट करवाने में उसमें मदद करेगा कि यहां पर जहां भी आप इसका रूट जोन बनेगा जिस भी जगह पर पानी पहुंचाना है तो उसकी प्री सोइंग रिक्वायरमेंट, लीचिंग रिक्वायरमेंट और कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट, इन तीनों रिक्वायरमेंट के बराबर जो पानी आपको चाहिए वो कहलाएगा नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट। फिर आ जाता है फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट, फील्ड तक कितना पानी पहुंचाएं। तो फील्ड इरिगेशन के ऊपर क्या होगा, आप कहेंगे कि कितना इरिगेशन आपको नेट इरिगेशन रिक्वायर्ड है अपॉन एफिशिएंसी उसकी अप्लाई करने में, रूट जोन तक पहुंचाने में उसकी एफिशिएंसी कितनी है। तो ये नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट अपॉन वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी। नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट क्या थी, सबसे पहले था प्लांट को कितना पानी चाहिए, उसको प्लांट को चाहिए CU चाहिए, उसको कंजम्पटिव यूज के बराबर पानी चाहिए। तो कंजम्पटिव यूज वाला पानी हमने क्या कहा कि कितना कंजम्पटिव यूज के लिए चाहिए और उसमें से माइनस कर दो रेनफॉल से कितना आ जाएगा, वो आपके कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट है। तो CIR पानी चाहिए प्लांट को इफेक्टिवली, जो हमें देना है, हमें CIR देना है। CIR कहां पहुंचाना है, यहां पहुंचाना है। अब इस CIR तो ये प्लांट यूज करेगा वो वाला पानी है, इसके रूट जोन तक कितना पहुंचाना पड़ेगा, रूट जोन पर तक आपको पहुंचाना पड़ेगा CIR जो प्लांट यूज करेगा, प्री सोइंग की जो रिक्वायरमेंट इस सॉइल को सॉफ्ट करवाने के लिए जितना पानी चाहिए होगा, इस सॉइल के अंदर यहां पर लीचिंग करवाने के लिए जितना पानी चाहिए होगा। तो ये होगी नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट जो कि कहां पे चाहिए आपको, यहां पे चाहिए। अब हम कह रहे हैं कि फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट, फील्ड पर कितना पानी चाहिए, तो आप कहेंगे कि फील्ड पर इतना पानी दो कि उसमें से जो यहां पर पहुंच जाए एफिशिएंटली कितना हमें चाहिए, यहां पर नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट चाहिए। तो नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट प्लस जो उसको अप्लाई करने में जो लॉसेस हो जा रहे हैं फील्ड के एक कोने से दूसरे कोने में अगर वो जा रहा है तो जो भी वो लॉसेस हैं एप्लीकेशन के जो लॉसेस हैं उनको कंसीडर कर लो यहां पर। तो नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट अपॉन वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी। फिर उसके बाद आ जाता है ग्रॉस। ग्रॉस का मतलब क्या है कि कैनाल से या जो भी सोर्स है वहां से कितना पानी छोड़ेंगे आप कि फील्ड तक वो पानी पहुंच जाए। तो इसके अंदर कन्वेयंस वाले लॉसेस को कंसीडर करेंगे, कन्वेयंस वाली एफिशिएंसी को कंसीडर किया जाएगा। तो कितना फील्ड तक पहुंचा,
या आप उल्टा लिख लीजिए इसको कि फील्ड पर जो इरिगेशन की रिक्वायरमेंट होगी वो कितनी होगी, कि जितना आपने ग्रॉस यानी कि कैनाल से जो पानी छोड़ा था उसकी कितनी एफिशिएंसी है कन्वेयंस में। अगर आप कह देंगे 80% है, अगर 100 लीटर पानी आपने छोड़ा कैनाल से तो 80 लीटर ही पहुंच पाएगा फील्ड पर, तो इसका मतलब यही हो गया कि अगर आप 100 लीटर छोड़ रहे हैं और उसका 80% पहुंच पाएगा फील्ड पर, तो यही तो हो गया फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट। और यहां पर कन्वेयंस एफिशिएंसी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट किसके बराबर हो जाएगा, FIR अपॉन कन्वेयंस। इसी को डायग्रामेटिकली समझ लीजिए, आप डायग्राम के थ्रू अगर समझेंगे तो ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट क्या है, कितना पानी कैनाल से छोड़ा गया, फिर उसके अंदर यहां पर कन्वे करने में उस पानी को ले जाने में रस्ते में जो लॉसेस हो गए वो हो गए, तो ग्रॉस में आप क्या सेंड करेंगे, फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट प्लस कन्वेयंस लॉसेस, इतना पानी आप सेंड करेंगे ताकि FIR यहां तक पहुंच पाए। फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट से लेके जब वो प्लांट के रूट तक पहुंचा, प्लांट के ये जो ये आपके पास प्लांट था, इस प्लांट के जब वो रूट तक पहुंचा पानी, तो यहां से लेके इस रूट तक आने में जो लॉसेस हो गए, तो आप कहेंगे कि यहां पे तो हमें पहुंचाना है नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट, तो वो कितना पहुंचा आपके पास जो लॉसेस आए, वो FIR से NIR आ गया, अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड बाय द क्रॉप इन द फील्ड प्लस अमाउंट ऑफ वाटर लॉस्ट इन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन में उसको अप्लाई करने में, रूट जोन तक पहुंचाने में, फील्ड से रूट जोन तक पहुंचाने में कितना लग गया, ये आपके पास फील्ड मान लीजिए, इसमें फील्ड बना दीजिए, फील्ड में यहां से यहां कितना पानी लगा, कितना टाइम लगा, कितना लॉसेस हो गए। फिर नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट जो आया इसमें क्या आएगा, कितना पानी कंजम्पटिवली चाहिए प्लांट को, कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट, प्री सोइंग रिक्वायरमेंट और ये सारी चीजें, तो ये प्री सोइंग, लीचिंग, ये सारी रिक्वायरमेंट निकाल दें तो आपके पास पानी जो प्लांट की ग्रोथ के लिए चाहिए वो चाहिए कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट, वो किसके बराबर होगा, कंजम्पटिव यूज माइनस जितना रेनफॉल से मिल जाएगा उससे आपका आ जाएगा कंजम्पटिव यूज फाइनली। क्लियर, आगे बढ़ सकते हैं, आंसर बताइए जल्दी से। फ्रॉम द सर्फेस ऑफ रिजर्वायर इवेपोरेशन मे बी मिनिमाइज्ड बाय स्प्रिंकलिंग, इवेपोरेशन को कैसे मिनिमाइज किया जा सकता है बताइए, इवेपोरेशन मे बी मिनिमाइज्ड एसिटाइल एल्कोहल का यूज कर सकते हैं आप। नेक्स्ट, अगला सवाल, कंजंक्टिव यूज ऑफ वाटर, कंजंक्टिव यूज ऑफ वाटर क्या है, कंजंक्टिव यूज ऑफ वाटर इन अ बेसिन मींस क्या मतलब होता है इसका, कंजंक्टिव यूज ऑफ वाटर, कंजंक्टिव यूज का मतलब होता है सरफेस सोर्स, दो सोर्स को आप यूज कर रहे हैं यहां पर, ग्राउंड और सरफेस सोर्स दोनों का इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो आप कहते हैं दिस इज नोन एज कंजंक्टिव, CONJUNCTIV, कंजंक्टिव यूज ऑफ वाटर। कंजंक्टिव यूज ऑफ वाटर रिलेट्स टू द कंबाइंड यूज ऑफ ग्राउंड वाटर एंड सरफेस वाटर, तो दो सोर्स हो जाएंगे आपके पास, तो यहां पर पानी की कमी नहीं रहेगी, ऑग्यूमेंटेड, ऑग्यूमेंट कर दिया, मिक्स कर दिया, यूज कर रहे हैं दोनों को, तो उससे आप बेटर इरिगेशन की जो एफिशिएंसी है या वाटर आपके पास ज्यादा अवेलेबल रहेगा। नेक्स्ट आता है इवेपोट्रांसपिरेशन, इवेपोट्रांसपिरेशन दो प्रकार का हो सकता है, दो प्रकार का कौन से वाला हो सकता है, अगर आप ये बताएं, अगर आपके पास पहला आता है पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन, पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन क्या है कि आपका जो प्यारा प्लांट है उस प्लांट के पास हमेशा, अगर इस प्लांट के पास यहां पर हमेशा इतना सफिशियंट अमाउंट ऑफ मॉइस्चर रहता है कि ये कभी भी इस मॉइस्चर को यूटिलाइज कर सकता है, तो इसके पास यहां पर क्या प्रेजेंट है, पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन जो है सफिशियंट मॉइस्चर कंटेंट इसके पास अवेलेबल है यहां पर, तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, इफ सफिशियंट मॉइस्चर कंटेंट इज ऑलवेज अवेलेबल टू कंप्लीटली मीट द नीड ऑफ वेजिटेशन एंड फुल्ली कवरिंग द एरिया देन इट इज टर्म्ड एज पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन, पोटेंशियल मतलब सफिशियंट अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल है। एक्चुअल इवेपोट्रांसपिरेशन क्या होगा, हमेशा जरूरी तो नहीं है कि सारे के सारे वॉइड्स पानी से भरे हुए हैं, तो एक्चुअल में जितना इवेपोट्रांसपिरेशन हो रहा है, एक्चुअल में जो इवेपोरेशन हो रहा है उसे हम क्या कहते हैं यहां पर, एक्चुअल इवेपोट्रांसपिरेशन। अब पोटेंशियल वाले केस में क्या होगा, यहां भी पानी, यहां भी पानी, पानी पानी, तो वो यहां भी इवेपोरेट होगा, इसके अंदर भी जो जाएगा वो भी मैक्सिमम क्वांटिटी में जाएगा,
तो उसे हम कहते हैं पोटेंशियल इवेपोट्रांसपीरेशन। एक्चुअल इवेपोट्रांसपीरेशन में जरूरी नहीं है कि पानी हमेशा इस टॉप लेयर पर ही प्रेजेंट है, हो सकता है पानी थोड़ा नीचे प्रेजेंट है तो इवेपोरेशन लॉसेस कम हो रहे हैं यहां पर। तो रियल इवेपोट्रांसपीरेशन जो कि हो रहा है किसी सिचुएशन में उसे हम कहते हैं एक्चुअल इवेपोट्रांसपीरेशन। जब बहुत ज्यादा पानी प्रेजेंट होगा तो उस केस में एक्चुअल वाला जो इवेपोट्रांसपीरेशन है ये पोटेंशियल के बराबर हो जाता है। पोटेंशियल वो कंडीशन जब बहुत सारा खूब सारा पानी है यहाँ पर, सॉइल सैचुरेटेड है ये कह लीजिए, तो उस केस में जो ट्रांसपीरेशन होगा उसे आप कहते हैं पोटेंशियल इवेपोट्रांसपीरेशन। इफ वाटर सप्लाई टू द प्लांट्स इज एडिक्वेट, अच्छा खासा क्वांटिटी आपने प्रोवाइड कर रखा है, तो एक्चुअल वाली वैल्यू पोटेंशियल के बराबर हो जाएगी। द डिक्रीज इन द रेशियो ऑफ एक्चुअल इवेपोट्रांसपीरेशन टू पोटेंशियल इवेपोट्रांसपीरेशन विद द अवेलेबल मॉइस्चर कंटेंट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ सॉइल, ये टाइप ऑफ सॉइल के ऊपर डिपेंड करता है। कैपिलरी वाटर इज लार्ज इन केस ऑफ क्ले, सो वाटर कंटेंट जो है वो क्ले के केस में क्या होता है, बिलो फील्ड कैपेसिटी। इवन वेन द वॉटर कैन इजिली बी टेकन अप बाय द प्लांट्स टू एक्चुअल, ये वही कह रहा है कि क्ले जो है उसके अंदर कैपिलरी वॉइड जो है वो ज्यादा होते हैं, कैपिलरी वाटर उसके अंदर ज्यादा होगा, कैपिलरी वाटर अगर उसके अंदर ज्यादा होगा तो हमेशा जो प्लांट्स के पास मॉइस्चर अवेलेबल रहेगा वो ज्यादा रहेगा यहाँ पर, तो एक्चुअल इवेपोट्रांसपीरेशन वाली वैल्यू है वो पोटेंशियल इवेपोट्रांसपीरेशन के बराबर ही होती है। एज पर आई एस रिकमेंडेशन द शेप ऑफ द लाइन कैनाल ट्रेपेजॉइडल बताते हैं हम, ट्रेपेजॉइडल हम बताते हैं। अब बीच में आ गया है एक छोटा सा ब्रेक, यहां पर आपको बताना जरूरी है, टाइमिंग हो गया है 10:15, ठीक है, टाइम हुआ है 10:15 यानी कि 2:15, ठीक है। तो SSC JEE की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, 2021 की आप तैयारी कर रहे हैं तो आप पढ़ सकते हैं स्टील डिजाइन जो अभी चल रहा है, अगर आप एग्जाम के बाद पढ़ना चाहते हैं एग्जाम के बाद पढ़ लीजिएगा आप, तो वो आप पढ़ सकते हैं अनअकैडमी पर। इसके लिए आपको क्या करना है, अनअकैडमी की ऐप या अनअकैडमी की वेबसाइट जो है वो डाउनलोड करनी होती है। वेबसाइट तो आप कैसे डाउनलोड करेंगे, ऐप ही डाउनलोड कर सकते हैं, तो अनअकैडमी की वेबसाइट पे जाना है अनअकैडमी.com, या फिर आप मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। वो डाउनलोड करने के बाद आपको संदीप जाने यानी कि मेरी प्रोफाइल सर्च करनी है, मेरी प्रोफाइल में आपको ये कोर्स दिख जाएगा, कोर्स का शेड्यूल आप देख सकते हैं, और इसके साथ साथ जो पहले कोर्सेज ऑलरेडी हो चुके हैं वो आप देख सकते हैं। उन पे जाके आपको क्या करना है, गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करेंगे आपसे ड्यूरेशन पूछी जाएगी, आपको कितनी ड्यूरेशन के लिए सब्सक्रिप्शन चाहिए, ड्यूरेशन सेलेक्ट करनी है, और उसके बाद आपको रेफरल कोड यूज करना है संदीप 11, जिससे आपको 10% ऑफ मिलेगा, और साथ ही साथ में आपको एक्सेस मिलेगा कि अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर थ्रू आउट द कैटेगरी आप किसी भी एजुकेटर की कोई भी क्लास आप देख सकते हैं यहां पर, ठीक है। चलो अब आप सब बोल रहे थे तो आपकी डिमांड पर मुझे ये चीज बतानी पड़ी, अनअकैडमी पर आपको मिलते हैं स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, डिटेल टेस्ट सीरीज भी मिलेंगी आपको, साथ ही साथ में लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन होते हैं, फ्लेक्सिबल टाइम टेबल है, आप अपने समय के अनुसार आप पढ़ सकते हैं, जब आपको लगता है आप जॉब कर रहे हैं या फिर अगर आप स्टूडेंट है कॉलेज भी जा रहे हैं तो आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं। जो भी आप प्लस कोर्स ज्वाइन करें तो उनके लिए आप कोड यूज कर सकते हैं संदीप 11 अनअकैडमी पर। कल हमारी क्लास है हाइड्रोलॉजी की जो कि है 12:00 12 PM के ऊपर, स्पेशल क्लास है। इस स्पेशल क्लास को देखने के लिए सब्सक्रिप्शन की जरूरत नहीं है, इसके लिए बस अनलॉक कोड पूछा जाएगा और अनलॉक कोड आपको यूज करना है संदीप 11। जैसे ही आप संदीप 11 यूज करेंगे आपको उस क्लास का एक्सेस मिल जाएगा, आप आराम से अनअकैडमी पर स्पेशल क्लास देख सकते हैं, बस आपको अनलॉक कोड यूज करना है, पे करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बस अनलॉक कोड यूज कर लीजिएगा संदीप 11, आप उस सेशन को एक्सेस कर पाएंगे, पार्टिसिपेट कर पाएंगे आप, ठीक है। चले आगे, चलो सबके क्लासेस मिलते हैं, स्पेशल क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट होती है सभी के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं, कैनाल डिजाइन की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, फटाफट काम की चीज पे चलते हैं। कैनाल को जब आप डिजाइन करेंगे तो कैनाल को डिजाइन करते हुए क्या होगा, आपके पास ऑप्शन रहेंगे कैनाल को डिजाइन करने के लिए, आपको कैनाल ऐसी डिजाइन करनी है कि वो लॉसेस कम से कम हो, डिस्चार्ज वो मैक्सिमम कैरी कर पाए, इकोनॉमिक हो, उसका कंस्ट्रक्शन इकोनॉमिक रहे यहाँ पर, और उसके अंदर सील्ट का डिपोजिशन ना हो, जो भी पार्टिकल सेडिमेंट जो अपने साथ वो लेके आती है उनका डिपोजिशन ना हो, तो ये कैनाल डिजाइन में ये सारी बातें हम ध्यान में रखते हैं। सो डिजाइन ऑफ अ कैनाल मेनली डिपेंड्स अपॉन द क्वांटिटी ऑफ सिल्ट, कितनी सिल्ट की क्वांटिटी आ रही है। अब पानी की वेलोसिटी ऐसी होनी चाहिए कि ना तो उसके अंदर पार्टिकल्स जो है वो यहां पर सेटल हो पाए, ना ही पानी की वेलोसिटी इतनी ज्यादा हो
कि वो इसके सरफेस को ही इरोड करके, इसके सरफेस को ही अपने साथ बहा के, अपने सरफेस को ही साथ में पार्टिकल्स को हटा हटा के लेता जाए, तो इनका हम ध्यान देते हैं। तो कुछ हमारे पास कैनाल होती हैं, जैसे रिजिड बाउंड्री कैनाल की अगर हम बात करें तो लाइंड होती हैं, पक्की होता है उसका सरफेस जो है वो प्रोटेक्टेड होता है कि पानी जो है वो भी इजीली उसको इरोड नहीं कर सकता, सीपेज भी उस कैनाल से जो है वो नहीं हो सकता। यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो लगभग थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी एज कम्पेयर टू अर्दन, ताकि फटाफट जो है पार्टिकल्स यहाँ पर रुके ना, फटाफट आगे निकल जाए। तो रिजिड बाउंड्री चैनल जो है वो कुछ इस प्रकार से होता है। फिर आता है अनलाइंड। अनलाइंड के अंदर अगर आप बात करें तो अनलाइंड कैनाल के अंदर आपने लाइनिंग नहीं प्रोवाइड कर रखी, यानी कि कैनाल का जो सरफेस है उसको प्रोटेक्ट नहीं कर रखा आपने। प्रोटेक्ट अगर नहीं कर रखा है तो उसमें स्काउरिंग ज्यादा होगी। स्काउरिंग का मतलब ये जो सरफेस है इसके पार्टिकल्स हट हट के जाते रहेंगे, तो स्काउरिंग ज्यादा होगी। स्पीड कम है पानी की, तो यहाँ पर आके पार्टिकल्स सेटल भी ज्यादा होंगे, पार्टिकल्स यहाँ आके सेटल भी ज्यादा होंगे। सो इन दिस द क्वांटिटी ऑफ सिल्ट वेरीज फ्रॉम सेक्शन टू सेक्शन ड्यू टू स्काउरिंग ऑफ द बेड एंड साइड्स ऑफ द चैनल एज वेल एज ड्यू टू सिल्टिंग। इफ वेलोसिटी इज टू लो तो सिल्टिंग जो है वो ज्यादा हो जाएगी। वेलोसिटी अगर बहुत ज्यादा हो गई, अगर तेज बहाव है यहाँ पर, पानी जल्दी जल्दी फ्लो कर रहा है, तो वो यहाँ से काट देगा इसको, ले जाएगा साथ में उसको पार्टिकल्स को। और अगर वेलोसिटी बहुत कम है तो पार्टिकल्स यहाँ पर सेटल हो जाएंगे, सिल्टिंग हो जाती है यहाँ पर। सो इन बोथ ऑफ द फिनोमिना दे लीड्स टू मॉडिफिकेशन ऑफ द चैनल। इस चैनल की शेप बिगड़ जाएगी, मॉडिफाई हो जाएगा ये, तो ऐसे केस में जो हमारी कैपेसिटी जिसके लिए हम डिजाइन कर रहे हैं वो उसके काबिल नहीं रहेगा। आगे आती है दोस्तों आपके पास नेक्स्ट अनलाइंड एल्यूवियल चैनल्स। दीज शुड बी डिजाइन फॉर सच अ वेलोसिटी दैट नीदर द बेड एंड साइड्स आर स्काउर्ड, ना तो स्काउरिंग हो ना सिल्टिंग हो, इस अकॉर्डिंग हम उसको डिजाइन करते हैं। तो ऐसे चैनल्स को हम बोलते हैं स्टेबल चैनल, जिनमें ना सिल्टिंग हो ना स्काउरिंग हो, वेलोसिटी इस प्रकार से हो कि ना तो पार्टिकल्स वहां के सेटल हो ना वहां से पार्टिकल्स उठ उठ के जाएं, तो ये हम कहते हैं। दो तरीके से हम इनको डिजाइन करते हैं बेसिकली, कैनेडी और लेसी थ्योरी से। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है, तो ये हाई प्रायोरिटी वाले क्वेश्चन इससे रिलेटेड आपसे पूछे जाते हैं, कैनेडी थ्योरी और लेसी थ्योरी से। ठीक है, हाँ जी, थैंक यू दोस्त। चलिए अब देखिए, कैनेडी और लेसी थ्योरी के अगर अकॉर्डिंग हम बात करें तो कैनेडी थ्योरी जो है वो पहले आई। कैनेडी थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या कहा गया कि जब पानी बहता है, पानी अगर फ्लो करेगा तो उसमें एडीज बनती हैं, भंवर बनते हैं, कुछ इस प्रकार से भंवर बनेंगे। ये क्या करेंगे, जो सिल्ट है, जो पार्टिकल्स हैं, उनको क्या करते हैं, सस्पेंशन में बनाए हुए रखते हैं। सिल्ट का जो पार्टिकल है वो पार्टिकल नीचे सेटल होना चाहता है खुद के वेट के कारण, लेकिन ये पानी जो है ये क्या कर रहा है, ये जो एडीज बन रही है ये इसको सस्पेंशन में बनाए हुए रखती है यहाँ पर। तो एडीज जो है वो जनरेट होती है किसके कारण, ये कैनेडी ने माना कि जो चैनल का जो सरफेस है उसके ऊपर जब वाटर टकरा रहा है अगर, तो उसके कारण एडीज जनरेट हो रही है वहां पर। सिल्ट सपोर्टिंग पावर जो है वो एडीज कितनी जनरेट हुई, इस सिल्ट को सपोर्ट करने का, सस्पेंशन में बनाए रखने का जो पावर है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो एडीज के ऊपर डिपेंड करता है यहां पर। तो कैनेडी ने सबसे इंपॉर्टेंट पहला सवाल यहां पर शुरू हो गया, कैनेडी ने क्या कहा, कैनेडी ने ये कहा कि जो चैनल है उसका एक तो है बेस और ये है साइड्स। तो चैनल का जो बेस है और चैनल की जो साइड्स है, इनमें से कैनेडी ने एडीज जनरेटेड फ्रॉम द साइड वर नेग्लेक्टेड, कि यहां से यहां पानी अगर टकराएगा तो यहां कोई एडी फॉर्म नहीं हो रही है, ये जो भंवर फॉर्म हो रहे हैं, एडीज फॉर्म हो रही है, ये कहां पे फॉर्म हो रही है, सिर्फ और सिर्फ बेस पर फॉर्म हो रही है। तो बेस वाली एडीज हैं वही उनको सस्पेंशन में बनाए हुए, उन पार्टिकल को पानी के अंदर सस्पेंड करे हुए रखे हुए हैं। सो कैनेडी इंट्रोड्यूस द टर्म क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी का मतलब कैनेडी ने कहा कि क्रिटिकल वेलोसिटी वो वेलोसिटी है जिसके ऊपर ना तो पार्टिकल नीचे सेटल होगा ना वो पार्टिकल यहां से पार्टिकल हटके जाएंगे। अगर बहुत तेज पानी बह रहा है किसी कैनाल में से, तो वो उसकी साइड्स को, उसके बेस को, उसके बेड को इरोड कर देगा, इसे कहते हैं स्काउरिंग। और अगर पानी बहुत धीरे धीरे जा रहा है तो पार्टिकल सेटल होने लग जाएंगे, तो उसे कहते हैं सिल्टिंग। तो कैनेडी ने कहा कि वो वेलोसिटी जिसके ऊपर ना सिल्टिंग होती है ना स्काउरिंग होती है, उसे हम कहते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। और इस क्रिटिकल वेलोसिटी को कैनेडी ने बताया 0.55 MY^0.64। यहाँ पर m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए, फाइन ग्रेन के लिए लेस देन 1 होती है, और वी नॉट क्रिटिकल वेलोसिटी है। y क्या है आपके पास, डेप्थ ऑफ फ्लो, कितनी डेप्थ में पानी जो है वो फ्लो कर रहा है। y क्या है, डेप्थ ऑफ फ्लो, y इज डेप्थ ऑफ फ्लो, कितनी डेप्थ में पानी जो है वो फ्लो कर रहा है। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, SSC JEE पिछले साल में ही जस्ट पूछा है, बस दिक्कत वहां पर ये आ गई कि y की वैल्यू दे रखी थी, m की वैल्यू दे रखी थी, इसकी पावर 0.64 कैसे बताएंगे। तो क्वेश्चन में आपको 0.64 पावर की जो वैल्यू है वो आपको दी हुई होनी चाहिए, क्योंकि बिना कैलकुलेटर इसको नहीं कैलकुलेट कर सकते हम।
आगे बढ़े, चले आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब इस क्वेश्चन, अब क्वेश्चन क्या आएंगे यहां पर, कहानियां हैं खूब सारी, क्वेश्चंस पॉइंट आउट करते हैं। कैनाल डिजाइन में पहला आया कैनेडी थ्योरी। कैनेडी थ्योरी के अंदर क्वेश्चन पहला क्या पूछ सकता है आपसे, ये पूछ सकता है कैनेडी ने एडीज जो जनरेट हुई मानी वो कहां से मानी, उसने मानी सिर्फ बेड से जनरेट हो रही है, साइड वाली एडी नहीं जनरेट हो रही, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन जो पूछ सकता है वो पूछ सकता है क्रिटिकल वेलोसिटी जो कैनेडी ने बताई उसका मतलब क्या है। तो भाषा में पूछेगा तो आपको ये बताना है ऐसी वेलोसिटी जिस पर ना सिल्टिंग हो ना स्काउरिंग हो। न्यूमेरिकली पूछे तो 0.55 m रेज टू द पावर 0.64, वैल्यूज देके पूछे तो सॉल्व करके बता देना अपने दिव्य शक्तियों से कि y रेज टू द पावर 0.64 कितना होता है, नहीं कर पाओ तो क्वेश्चन को छोड़ देना, ठीक है। लेकिन पॉसिबिलिटी है कि SSC आपको ये वैल्यू दे देगा, जो भी y रेज टू द पावर समथिंग है उसकी वैल्यू आपको दे देगा। फॉर्मूला जरूर याद रखना, फॉर्मूले के बेसिस पे भी क्वेश्चन आ सकता है, चार ऑप्शन आपको दे सकता है, 0.55 my raised to the power 0.64, 0.64 my raised to the power 0.55, ऐसे क्वेश्चन दे सकता है चार ऑप्शन के साथ। तो ये आपको याद रखना है फॉर्मूला। ये हो गया दूसरा सवाल, तीसरे सवाल पे चलते हैं जो कैनेडी से रिलेटेड पूछेगा। अब डिजाइन करवा के तो पूछ नहीं सकता ऑब्जेक्टिव में, तो कैसे पूछेगा वो आपसे ये पूछेगा, पहला स्टेप पे ध्यान दो। कैनेडी थ्योरी का पहला स्टेप क्या है, अज्यूम ए ट्रायल डेप्थ ऑफ फ्लो। सबसे पहले ट्रायल डेप्थ ऑफ फ्लो अज्यूम करेंगे, तो डेप्थ ऑफ फ्लो किसके अकॉर्डिंग अज्यूम करते हैं कैनेडी मेथड के अंदर, डेप्थ ऑफ फ्लो अज्यूम करते हैं कितना डिस्चार्ज है उसके अंदर, उसके अकॉर्डिंग अज्यूम करते हैं। अगर आप SSC मेंस की तैयारी कर रहे हैं तब आपको ये टेबल याद करने की जरूरत है, अदरवाइज टेबल नहीं याद करनी आपको। आपको बस ये याद रखना है कि कैनेडी थ्योरी के अंदर पहला स्टेप आया था, पहले स्टेप के अंदर डेप्थ ऑफ फ्लो अज्यूम करते हैं वो डिस्चार्ज के अकॉर्डिंग अज्यूम करते हैं, तो ये वाली वैल्यू आपको याद रखनी है, बस ये बात याद रखनी है। फिर उसके बाद क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता है। नेक्स्ट बात करें एरिया, एरिया कैलकुलेट करेंगे आप डिस्चार्ज अपॉन वेलोसिटी के अकॉर्डिंग, आप क्रिटिकल वेलोसिटी जो आ गई उसके अकॉर्डिंग कितना एरिया आपको चाहिए, फिर इस एरिया को आप डिवाइड कर देंगे, किस प्रोपोर्शन के अंदर आप यहां पर डिवाइड कर देंगे, हाफ हॉरिजॉन्टल टू वन वर्टिकल, वन वर्टिकल चलेंगे हाफ हॉरिजॉन्टल चलेंगे, इस प्रोपोर्शन के अंदर इस एरिया को आप डिवाइड कर दो, पेरीमीटर की वैल्यू इसके अकॉर्डिंग आप बता दो। फिर उसके बाद आप क्या यूज कर सकते हो, मैनिंग्स या फिर चेजिस जो इक्वेशन है इनको आप यूज करो, इनको यूज करके आप वेलोसिटी एक्चुअल वेलोसिटी बताओगे, फिर उनको आप कंपेयर करते हो। तो मैनिंग इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए, हाइड्रोलिक रेडियस आपको पता होनी चाहिए, कटर्स इक्वेशन के साथ जो हम यूज कर रहे हैं वेलोसिटी की वैल्यू, ये फॉर्मूला आपको v=c√rs ये आपको पता होना चाहिए। अब ये छोटा सा प्यारा सा फॉर्मूला अगर याद हो तो अच्छी बात है, नहीं याद हो तो अभी के लिए छोड़ सकते हैं, एक बार पढ़ जरूर लेना, क्या पता SSC वाले भी इस क्लास में बैठ जाएं, यहाँ पहले देखते हैं कि कौन कौन से फॉर्मूले बोले हैं कि ये नहीं करना, वो पहले डालो फिर उसके बाद बाकी करेंगे। चलो आगे बढ़े नेक्स्ट। सर RCC के ऊपर वीडियो कब बना रहे, RCC के ऊपर वीडियो कैसे बनाया हम, जब आप जाग जाएंगे दोस्तों आपको पता लग जाएगा RCC की क्लास ऑलरेडी हो चुकी है, उसके ऊपर बन चुकी है वीडियो। चलो ये हो गया कैनेडी के स्टेप्स, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वहां याद रख लेना। इफ एक्चुअल मीन वेलोसिटी कैलकुलेटेड इन स्टेप 5, ये स्टेप 5 जो फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं वो क्या हो जाती है, इक्वल टू क्रिटिकल, तो है अच्छी बात, नहीं है अगर तो हम फिर से नई डेप्थ वाई अज्यूम करेंगे, और कैसे अज्यूम करेंगे हम, जो वाई की वैल्यू आप अज्यूम करेंगे, अगर आपकी वी नॉट की वैल्यू क्रिटिकल वेलोसिटी की वैल्यू एक्चुअल वाली से अगर कम आ जाती है तो नेक्स्ट ट्रायल डेप्थ में आप नई वाली डेप्थ को ज्यादा अज्यूम करो पिछली वाली से। फिर मैनिंग्स कोफिशिएंट अगर नहीं दे रखा हो तो वो ये करो, तो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से कर लेना इसको याद, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो अज्यूम बेड स्लोप, बेड स्लोप इस रेंज में अज्यूम करते हैं, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाली चीजें, बस आपको जो जो चीजें इंपॉर्टेंट थी वो बताया। फॉर अ यूनिक डिजाइन ऑफ चैनल बाय कैनेडीज थ्योरी, कैनेडी थ्योरी के लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको ब्रेड्थ और डेप्थ का रेशियो जो है ये आपको पता होना चाहिए। अगर आप ये आपको पता होगा कि कितनी इसकी ब्रेड्थ होगी कितनी डेप्थ होगी ये वाला प्रोपोर्शन, तभी तो आप बता पाएंगे इसके लिए। तो ब्रेड्थ टू डेप्थ रेशियो आपको पता होना चाहिए। इफ वी इज वेलोसिटी दिस 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 दिस, तो आपको यहां पर पूछा गया है मैनिंग्स इक्वेशन, मैनिंग्स इक्वेशन क्या होती है, वन बाय
एन आर रेज टू द पावर 2/3 एस रेज टू द पावर 1/2 एज इट इज फॉर्मूला आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है। डायमेंशन ऑफ चेज इज कॉन्स्टेंट, चेज इज कॉन्स्टेंट के डायमेंशन जो है वो क्या है याद कर लीजिए, यहाँ पर वी इक्वल्स टू सी रूट आर एस है, एस स्लोप है, यहाँ पर आर हाइड्रोलिक रेडियस यानी कि मीटर में आपके पास वो मीटर पर सेकेंड, तो कन्वर्ट कर लीजिए उधर से, आपके पास आंसर आ जाएगा रूट एल अपॉन टी या फिर एल बाय टी स्क्वायर पूरे का हाफ पावर। तो ये आपसे पूछता है डायमेंशन ऑफ चेज इज कॉन्स्टेंट आपसे पूछता है। नेक्स्ट पूछता है व्हाट आर गैरेट डायग्राम, गैरेट डायग्राम क्या होते हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस आर रिक्वायर्ड इन द डिजाइन ऑफ इरिगेशन चैनल बाय कैनेडीज मेथड, और कैनेडीज मेथड के जो ग्राफिकल सॉल्यूशन आपको अगर मिलते हैं वो गैरेट डायग्राम से मिलते हैं। तो व्हाट आर गैरेट डायग्राम्स, ग्राफिकल सॉल्यूशन है जिसके थ्रू आप इरिगेशन चैनल्स को डिजाइन कर सकते हो, इतना याद रखना गैरेट्स डायग्राम के बारे में, ये क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछा है। नेक्स्ट ड्रॉबैक्स ऑफ कैनेडी थ्योरी की अगर बात करें तो कैनेडी थ्योरी जो है कैनेडी ने क्या कहा, कैनेडी ने साइड्स से जो एडी जनरेट होते हैं वो उन्होंने इग्नोर कर दिए, कटर इक्वेशन का इस्तेमाल किया और कटर इक्वेशन की जो कमियां थी वो ऑलरेडी इनके अंदर आ गई यहां पर। फिर उसके बाद पहले हम एज्यूम करते हैं डिस्चार्ज के अकॉर्डिंग डेप्थ, तो ट्रायल एंड एरर मेथड है, बार बार करते जाओ। फिर उसके बाद सिल्ट कंसंट्रेशन और सिल्ट ग्रेड जो है उसके बारे में कोई नहीं बताया कि पार्टिकल का साइज कितना क्या उसका फर्क पड़ेगा, कुछ भी नहीं बताया। दिस थ्योरी इज यूनिवर्सली नॉट एक्सेप्टेड, नहीं एक्सेप्ट किया गया इसको, हर जगह पर यूनिवर्सली एक्सेप्ट नहीं किया गया। वैल्यू ऑफ एम जो है वो अपने आप ही ऐसे एक्सपेरिमेंट से या फिर जो डेटा जो भी आया उसके अकॉर्डिंग एम की वैल्यू डिसाइड कर दी। बेड स्लोप की कोई इक्वेशन नहीं दी इन्होंने, देर इज नो इक्वेशन फॉर बेड स्लोप, बेड स्लोप की कोई इक्वेशन नहीं दी। कैनेडी इन हिज सिल्ट थ्योरी अज्यूम दैट द सिल्ट इज केप्ट इन सस्पेंशन ड्यू टू बेड ओनली, जो एडीज जनरेट होती हैं सिर्फ बेड से वो आ गया आपके पास। नेक्स्ट आता है लेसी थ्योरी, लेसी ने क्या किया कैनेडी की थ्योरी के ऊपर और आगे काम किया, और लेसी ने अलग अलग रिजाइम कंडीशंस बताई, रिजाइम कंडीशन का मतलब स्टेबल कंडीशंस आप ऐसे कह लीजिए यहां पर। तो लेसी ने अलग अलग रिजाइम कंडीशंस बताई, रिजाइम कंडीशन में पहली आई ट्रू रिजाइम कंडीशन, ट्रू रिजाइम कंडीशन का मतलब कि कोई कैनाल जो है उसको आप कब कहोगे कि वो अपने ट्रू रिजाइम में है, जब उसके अंदर जो डिस्चार्ज फ्लो कर रहा है वो कांस्टेंट हो, फ्लो जो है वो कैसा हो यूनिफॉर्म हो, सिल्ट का जो चार्ज है या फिर सिल्ट का जो ग्रेड है पार्टिकल्स जो है उनका साइज और उनकी जो ग्रेडिंग वो क्या है यहाँ पर सेम रहे कॉन्स्टेंट रहे। कैनाल इज फ्लोइंग थ्रू एन इनकोहरेंट एल्यूवियम, इस पॉइंट से रिलेटेड अभी SSCJEE 2019 में क्वेश्चन आया लास्ट एग्जाम में, कैनाल इज फ्लोइंग थ्रू एन इनकोहरेंट एल्यूवियम, मतलब कैनाल के अंदर हम ये मान रहे हैं कि जैसे पार्टिकल्स प्रेजेंट थे इस कैनाल के अंदर, यहां पर जो जैसे पार्टिकल प्रेजेंट थे वैसे ही पार्टिकल आगे से आए, जितना डिपॉजिट हुआ उतना ही आगे गया, तो एट एन एवरेज यहां वैल्यू वही रही, कोई भी यहां पर सेटलमेंट नहीं हुआ, कोई भी यहां से स्काउरिंग नहीं हुई, तो जो पार्टिकल जैसे पार्टिकल आए वो यहां से सेटल होते गए और उतने ही वहां से हटते गए, तो हम कहते हैं इनकोहरेंट एल्यूवियम। जनरली आपका जो ग्रेन्युलर सॉइल होती है वो होती है, और इनकोहरेंट का मतलब यहां पर ये हो जाता है कि जितने पार्टिकल सेटल हुए उतने ही यहां से निकल गए, तो ये हम इस पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन आया। इन प्रैक्टिस ऑल दीज कंडीशन कैन नेवर बी सेटिस्फाइड, देयरफॉर आर्टिफिशियल चैनल, इस ऐसे चैनल को हम बोल देते हैं ट्रू रिजाइम। इनिशियल रिजाइम कंडीशन क्या होती है, इट इज द फर्स्ट स्टेट ऑफ रिजाइम अटेंड बाय अ चैनल आफ्टर इट इज इन सर्विस, जैसे ही चैनल को चालू किया गया, एक चैनल बना के उसको जैसे ही चालू किया गया तो जो सबसे पहली कंडीशन वो डेवलप करता है अटेन करता है वो क्या करता है इनिशियल रिजाइम कंडीशन डेवलप करता है। तो चैनल इज एक्सकेवेटेड विद स्मॉलर विड्थ, कम विड्थ के साथ और फ्लैट स्लोप के साथ उसको बनाया जाता है, जैसे जैसे फ्लो होगा जैसे जैसे फ्लो आगे प्रोसीड करेगा बेड स्लोप ऑफ द चैनल को इंक्रीज कर देंगे, कैसे इंक्रीज हो जाएगा डिपोजिशन हो जाएगा, सिल्ट जो है वो डिपॉजिट होती रहेगी तो बेड स्लोप इंक्रीज हो जाएगा यहां पर। सो डिपोजिशन ऑफ सिल्ट ऑन द बेड टू डेवलप इंक्रीज्ड फ्लो वेलोसिटी, हेंस गिवन डिस्चार्ज इज अलाउड टू फ्लो थ्रू द चैनल ऑफ स्मॉलर विड्थ एंड साइड्स ऑफ सच चैनल आर सब्जेक्टेड टू लेटरल रिस्ट्रेन एंड कुड हैव स्कॉर्ड इफ द बैंक सॉइल वुड हैव बीन इन ट्रू एल्यूवियम। कहने का मतलब ये कि शुरू शुरू में इस विड्थ को आप कम रखो, जब विड्थ को कम रखोगे फ्लो होगा, फ्लो होने के कारण यहाँ से स्काउरिंग भी होगी कुछ कुछ, और जो पार्टिकल्स हैं सिल्ट यहाँ पर सेटल होगी, स्लोप इसका फ्लैट रखो एकदम, जैसे जैसे पार्टिकल सेटल होते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा आगे के लिए स्लोप जो है वो बढ़ जाएगा यहाँ पर। इन प्रैक्टिस दे में भी ग्रास्ड, मतलब उसके आसपास यहाँ पर ग्रास हो सकते हैं जिनके कारण स्काउरिंग ना हो, और मे बी ऑफ क्लेई सॉइल देयरफॉर दे मे नॉट गेट इरोडेड, अगर ग्रास है या क्लेई सॉइल अगर प्रेजेंट है तो इरोजन यहाँ पर नहीं होगा। तो ऐसे चैनल जो हैं वो रिजाइम में ही नजर आते हैं, यानी कि आप ये कह लीजिए ना वहाँ पर सिल्टिंग होती है ना वहाँ पर स्काउरिंग होती है। फाइनल रिजाइम कंडीशन या अल्टीमेट रिजाइम कंडीशन जो है आप कब बोलते हो यहाँ पर, जब वो एक स्टेबल कंडीशन अटेन कर लेता है, यानी कि ऑल वेरिएबल्स आर इक्वली फ्री टू वेरी,
एंड इट हैज द टेंडेंसी टू अटेन अ सेमी इलिप्टिकल सेक्शन, सेमी इलिप्टिकल, इलिप्टिकल शेप हो जाती है इसकी, ऐसा सेक्शन अटेन कर लेता है, यही ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ लेता है कि लेसी के अकॉर्डिंग वो इलिप्टिकल सेक्शन उसने देखा। When a channel is protected on the bed and sides with some kind of protecting material, channel section could not be scoured. तो ऐसे केस में जो है कोई स्लोप में चेंज नहीं आएगा अगर आप लाइनिंग ऑफ कैनाल कर देंगे। तो ये बातें आ जाती हैं थ्योरेटिकल जिनसे रिलेटेड इस पॉइंट से क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर। तो ये वाली बातें भी मैंने आपको बता दी इनिशियल और फाइनल रिजाइम कंडीशन से रिलेटेड। ये जो आपको पांच स्टेप दिखाई दे रहे हैं ये पांच स्टेप नहीं है, ये पांच ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये सारे पूछे जाते हैं किसी ना किसी सेट में, एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड पक्का आएगा, तो पांचों को आप याद कर लीजिएगा। पहला स्टेप सिल्ट फैक्टर डिटरमिन करते हैं 1.76 रूट ऑफ इफेक्टिव साइज, जो आप एमएम में पुट करते हैं 1.76 जो पार्टिकल का साइज होगा इन एमएम आप पुट करेंगे तो आपके पास सिल्ट फैक्टर आता है। फिर डिटरमिन मेन फ्लो वेलोसिटी, मेन फ्लो वेलोसिटी बताएंगे क्यूएफ स्क्वायर अपॉन 140 रेज टू द पावर 1/6 से। हाइड्रोलिक मेन रेडियस बताएंगे 5/2 वी स्क्वायर अपॉन एफ। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिस्चार्ज अपॉन वेलोसिटी, इसमें तो कोई मेहनत है नहीं। स्लोप कितना माना, हाफ हॉरिजॉन्टल वन वर्टिकल माना। वेटेड पेरीमीटर मोस्ट इंपॉर्टेंट 4.75 रूट क्यू से डिटरमिन करते हैं। डिटरमिन बेड स्लोप 1/33/40 एफ रेज टू द पावर 5/3 अपॉन क्यू रेज टू द पावर 1/6। जल्दी से रीड कर लीजिए इसको, इससे एज इट इज क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। बताइए जल्दी से। चलें आगे। सील्ड फैक्टर 1.76 रूट ऑफ जो उसका साइज है एमएम में आप पुट करेंगे यहां पर। फिर उसके बाद वेलोसिटी की बात करें तो क्यूएफ स्क्वायर अपॉन 140 रेज टू द पावर 1/6। हाइड्रोलिक मेन रेडियस की बात करें तो 5/2 वी स्क्वायर अपॉन एफ आ जाता है आपके पास। नेक्स्ट अगर हम बात करें वेटेड पेरीमीटर तो 4.75 रूट ऑफ क्यू, और क्यू की वैल्यू जो आप पुट करेंगे यहां पर किसमें, मीटर क्यूब पर सेकंड में पुट करेंगे। बेड स्लोप 1/33/40 एफ रेज टू द पावर 5/3 क्यू रेज टू द पावर 1/6। क्लियर, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये आपको याद रखने हैं सारे पांच फॉर्मूले, पांच ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की फॉर्मेट में, पांच क्या है चार ही एक्चुअल में। ये वाला तो एरिया इक्वल्स टू डिस्चार्ज अपॉन वेलोसिटी कुछ खास नहीं है। उसके बाद स्काउरिंग डेप्थ की अगर हम बात करें तो दोस्तों इसको भी एक बार आप जरूर देख लेना, लास्ट ईयर इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन जो है शायद आया है, लास्ट टू लास्ट ईयर आया होगा। स्काउरिंग डेप्थ किससे मेंशन करते हैं, 0.473 क्यू अपॉन एफ रेज टू द पावर 1/3। नेक्स्ट बात करते हैं ड्रॉबैक्स ऑफ लेसी थ्योरी। लेसी थ्योरी के ड्रॉबैक क्या है कि लेसी ने कहा कि वो सेमी इलिप्टिकल शेप है, लेकिन उसने जो इक्वेशन दी वो उसने इक्वेशन ट्रेपेजॉइडल के अकॉर्डिंग बता दी। उसने कहा तो इलिप्टिकल सेक्शन था, कहां पे गया इलिप्टिकल सेक्शन, कहा तो उसने इलिप्टिकल सेक्शन, लेकिन उसकी खुद की कैलकुलेशंस में ये दिखता नहीं कि इलिप्टिकल है, तो इसका यही ड्रॉबैक हो गया। लेसी सेड दैट अ रिजाइम चैनल हैज सेमी इलिप्टिकल शेप बट द सेम इज नॉट सपोर्टेड बाय हिज इक्वेशन। रिजाइम रिलेशंस डू नॉट अकाउंट फॉर द अमाउंट ऑफ सेडिमेंट डिपॉजिटेड, कितना अमाउंट डिपॉजिट हुआ इसको नहीं बताता। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिजाइम जो है वो प्रॉपरली अच्छे से डिफाइन नहीं किए हैं कि कैसे कब बोलेंगे वो रिजाइम कंडीशन में। लेसी रिजाइम कंडीशन इज ऑब्टेन्ड, कब ऑब्टेन हो जाती है, जब चैनल फ्लो करेगा किसमें, इनकोहेरेंट एल्यूवियम में, सेम कैरेक्टर मतलब जो मटेरियल ट्रांसपोर्ट करके आया है वैसा ही उस चैनल का मटेरियल है, वो जो जिस जो चैनल जो कैनाल बनी हुई है जिस मटेरियल से वैसा ही मटेरियल आके डिपॉजिट हो रहा है और वैसा ही वहां से हट रहा है, तो आप कह देते हो लेसी की रिजाइम कंडीशन जो है वो बन गई यहां पर। अकॉर्डिंग टू लेसी रिजाइम कंडीशन जो है वो क्या होंगी, सिल्ट इज केप्ट इन सस्पेंशन बाय वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ एडीज, Entire cross section of the channel is generated at all points by the forces normal to the wetted perimeter. कि यहाँ वाली eddies भी, यहाँ वाली भी, यहाँ वाली ये contribute कर रही हैं, तो सारी contribute कर रही हैं. What will be the wetted perimeter of a regime channel as per Lacey's theory? Assume total discharge आपको 100 cubic अगर दे रखा है, 100 cubic discharge meter cube per second में दे रखा है, 4.75 root cube, तो 4.75 root of 100 आप कर लीजिए तो 47.5 meter आपके पास आंसर आ जाएगा। Next, Lacey's perimeter जो है वो आप किससे relation बताते हैं, 4.75 root cube से बताते हैं। For medium silt whose average grain size is 0.16, Lacey's silt factor की अगर हम बात करें तो Lacey's silt factor 1.76 root of D in mm,
तो आपको 0.16 mm दे रखा है, तो 1.7 से आप रूट ऑफ 0.16 से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.7। नेक्स्ट, उसके बाद एज पर लेसीज थ्योरी द सिल्ट फैक्टर इज, सिल्ट फैक्टर क्या होता है, लेसी थ्योरी के अकॉर्डिंग सिल्ट फैक्टर 1.76 रूट ऑफ डी है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एवरेज साइज ऑफ द पार्टिकल। उसके बाद आता है अकॉर्डिंग टू लेसीज थ्योरी द बेड स्लोप इज गिवन बाय, अकॉर्डिंग टू लेसीज थ्योरी द बेड स्लोप इज गिवन बाय, बेड स्लोप किससे बताते हैं, 1/33/40 तो आपके पास है ही है। अब F की पावर कितनी, Q की पावर कितनी, Q की पावर कितनी होती है 1/6, F की पावर आपके पास कितनी आती है 5/3, F की पावर आपके पास कितनी आती है 5/3, तो यही कंफ्यूजन होती है, बस इन फॉर्मूले को जरूर याद रखना, क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। लेसीज थ्योरी इज एप्लीकेबल टू फ्लो फॉर, किसके लिए, एल्यूवियल रिवर्स और कैनाल्स के लिए, या आप जिसके अंदर ये कहते हैं कि जैसा कैनाल का मटेरियल है वैसे ही सेडिमेंट्स आ रहे हैं, वैसे ही पार्टिकल्स आ रहे हैं, वैसे ही डिपॉजिट हो रहे हैं, वैसे ही वहां से हट रहे हैं। फिर उसके बाद कैनेडी थ्योरी और लेसी थ्योरी की बात करें, तो कैनेडी ने जो ट्रेपेजॉइडल चैनल बताया, लेसी ने बताया सेमी इलिप्टिकल, लेकिन कैलकुलेशन में कुछ और ही बता दिया, कैलकुलेशन में सेमी इलिप्टिकल को नहीं यूज किया। सेल्ट इज कैप्ट इन सस्पेंशन ड्यू टू एडीज जनरेटेड फ्रॉम बॉटम ओनली, सिर्फ बॉटम से जनरेट हो रही है एडीज, और इस केस में एडीज जो जनरेट हो रही है वो साइड से भी और बॉटम से भी जनरेट हो रही है। इसने कटर्स इक्वेशन का इस्तेमाल किया और इसने वेलोसिटी की खुद की इक्वेशन दी, नो इक्वेशन फॉर बेड स्लोप, इसने बेड स्लोप की इक्वेशन भी दी। ये ट्रायल एंड एरर मेथड था, शुरू में डिस्चार्ज के अकॉर्डिंग डेप्थ अज्यूम की हमने, जबकि इसके अंदर डायरेक्ट प्रोसीजर था। ये एल्यूवियल चैनल के लिए आप यूज कर रहे हैं, इट इज एप्लीकेबल फॉर एल्यूवियल एज वेल एज फॉर रिवर्स के लिए आप एप्लीकेबल इसका है। द डिफरेंस इन लेवल बिटवीन द टॉप ऑफ अ बैंक एंड सप्लाई लेवल इन कैनाल इज नोन एज, क्या बोलते हैं इसको, फ्री बोर्ड कहते हैं। बैंक यानी कि किनारा, टॉप ऑफ अ बैंक और जहां तक इसमें पानी जो है वो बह रहा है, इस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, फ्री बोर्ड कहते हैं। द डिफरेंस इन लेवल बिटवीन द टॉप ऑफ अ बैंक एंड सप्लाई लेवल इन अ कैनाल इज नोन एज फ्री बोर्ड। नेक्स्ट, मेन फंक्शन ऑफ हेडवर्क्स आर, हेडवर्क का मेन फंक्शन क्या होता है, हेडवर्क का फंक्शन होता है कि कैनाल के अंदर जो पानी आ रहा है उसको रेगुलेट करना, सिल्ट को कंट्रोल करना, उसकी एंट्री को कंट्रोल करना। तो कैनाल हेडवर्क्स यहां पर शुरू करते हैं। और बताओ क्या हालचाल सबके, किसी को नींद तो नहीं आ रही बता दो, कोई थक गया, किसी को ब्रेक चाहिए तो आप मुझे बता दो, सर ब्रेक चाहिए, फिर मैं मना कर दूंगा, फिर पढ़ना शुरू कर देंगे हम, जल्दी से बता दीजिए। कोई थका तो नहीं है, किसी को नींद तो नहीं आ रही, लेसी के केस में इन फॉर्मूले को जरूर याद रख लेना, ये आपके पास चार इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे ही पूछे जाते हैं, इनको जरूर याद रख लेना आप, हर एक फॉर्मूला अपने आप में एक सवाल है। नेक्स्ट, एक मिनट का दे दीजिए, एक चलो 30 seconds फ्रॉम नाउ आंखें बंद कर लीजिए जल्दी से, तो आंखों को रेस्ट मिल जाएगा, काफी देर हो गई है वैसे, आईज क्लोज कर लीजिए फॉर 30 seconds, जिससे आपकी आईज को रेस्ट मिल जाए। और कितना बचा है, लास्ट का टॉपिक आ गया, एक पावर नैप चाहिए, वो पावर नैप जो है वो सुबह तक हो जाएगी आपकी, कोई पावर नैप नहीं मिलेगी। ट्वेंटी थ्री को है, जिनका भी पेपर 23 को हो वो क्वेश्चन सेंड कर दीजिएगा जैसे ही आपका एग्जाम हो जाए, घबराने वाली तो कोई बात है ही नहीं, पहले तो ये फियर फैक्टर था ना कि हमारा पहले दिन है तो हम क्यों सेंड करें, जैसे कि 28th वाले दोस्त जो है वो कह रहे थे 28th को हमारा है सर, हमारे पेपर के जो क्वेश्चन है वो तो सबको पता लग गए, अब नेक्स्ट डे वालों को जो है उनका पेपर अच्छा हो जाएगा, हमारा नुकसान हो जाएगा। 29 वालों ने भी ऐसा ही कुछ बोला कि सर हमारे क्वेश्चन तो नेक्स्ट वालों को पता लग गए, 30 वालों का पेपर तो बहुत अच्छा जाएगा, और यही कह के नजर लगा दी बेचारे 30 वालों पे।
ठीक है, तो कोई संकोच का विषय है ही नहीं, इट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ स्टडी कि हम स्टडी कर रहे हैं, जो भी क्वेश्चन आएंगे उनको हम सॉल्व करेंगे, बस दैट इज इट, ऐसे समझ लीजिएगा आप। आंख बंद करो। अच्छा हाँ, टाइम ओवर हो गया 30 सेकेंड्स का। वैसे हम फर्स्ट टाइम आपकी क्लास में आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आरती की थाली जो है वो आपके पास आ रही है जस्ट। चलिए कैनाल हेडवर्क्स की बात करते हैं। कैनाल हेडवर्क्स जो है मतलब आप कैनाल जो है उसके बिल्कुल हेड पे चले गए, जहां से कैनाल का ओरिजिन हो रहा है, रिवर से कैनाल को लेके आ रहे हैं हम वहां पर, तो कैनाल हेडवर्क पर चले गए। तो कैनाल हेडवर्क जो है वो दो प्रकार के हो सकते हैं, जिन्हें हम कहते हैं कि एक तो पानी को पहले स्टोर कर लो वहां पे और फिर उसके बाद कैनाल में दो, या फिर एक चलते में पानी को बस डाइवर्ट कर दो, डायरेक्शन चेंज कर दो, रिवर से पानी आ रहा है उसको डाइवर्ट कर दिया, डाइवर्जन हेडवर्क आप प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। ठीक है, कोई सोएगा नहीं, ज्यादा टाइम नहीं बचा है, बस जल्दी हो जाएगा खत्म। कैनाल हेडवर्क्स की अगर हम बात करें तो कैनाल हेडवर्क के अंदर आप कहते हैं कि रिवर से पानी को डाइवर्ट कर देना कैनाल के अंदर, ये सारे जो भी आपके इसके कंपोनेंट है, जो भी इसके फंक्शनिंग है, वो किस में आ जाती है, कैनाल हेडवर्क्स में आ जाती है। अगर आप पानी को डाइवर्ट कर रहे हैं कैनाल के अंदर तो डाइवर्जन हेडवर्क हम बोल देते हैं इसको। तो डाइवर्जन हेडवर्क कैसा हो सकता है, टेम्परेरी भी हो सकता है, परमानेंट हो सकता है। टेम्परेरी का मतलब कि कुछ समय तक आपको पानी चाहिए कोई पर्टिकुलर चीज के लिए, छोटे मोटे काम जो कुछ महीने चलेगा उसके लिए चाहिए। परमानेंट डाइवर्जन हेडवर्क मतलब कोई प्रॉपर इरीगेशन प्रोजेक्ट आपको अगर बनाना है तो उसके लिए परमानेंट डाइवर्जन हेडवर्क आप बनाएंगे। द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ अ बैराज इज, बैराज जो है वो क्या होते हैं, बैराज के अंदर गेट प्रेजेंट होते हैं जिनके थ्रू फ्लो को रेगुलेट किया जा सकता है। वियर और बैराज में क्या अंतर है, बैराज जो है इसके अंदर गेट रहेंगे, इन गेट्स के थ्रू आप वाटर जो है उसको रेगुलेट कर सकते हो, कितना पानी आपको अलाउ करना है इसके थ्रू पास करने में। जबकि वियर क्या होता है, वियर एक तरीके की दीवार ही होती है बस, वियर जो है एक तरीके की वॉल है किसके अंदर आप फ्लो जो हो रहा है जहां पर उसके अंदर बना देते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर देते हैं, इसके ऊपर से पानी फ्लो होगा, वियर के ऊपर से पानी फ्लो होता है और बैराज के अंदर ये जो गेट्स हैं इनके नीचे से पानी जो है यहां से फ्लो होता है। सो इफ मेजर पार्ट ऑफ द एंटायर पॉन्डिंग ऑफ वाटर इज अचीव्ड बाय अ रेज्ड क्रेस्ट, एक क्रेस्ट रेज कर दिया आपने यहां पर, ये ऊंचाई जो है एक ऑब्स्ट्रक्शन, एक रुकावट आपने क्रिएट कर दी, तो इसे आप क्या बोल देते हो, वियर बोल देते हो। और बहुत कम पार्ट इसका जिसमें गेट्स यूज होंगे या फिर गेट यूज होंगे ही नहीं, इसे कहते हैं वियर। और बैराज के अंदर यहां पर क्या होगा, बैराज के अंदर हम गेट्स जो है वो बनाते हैं। ऑन द अदर हैंड मोस्ट ऑफ इट्स पॉन्डिंग, जो पानी रुका हुआ है इसके पीछे, वो पानी किसके कारण रुका हुआ है, इन गेट्स के कारण। ये गेट अगर लग गए तो पीछे पानी रुका हुआ है, तो वो जो पॉन्डिंग कर रखी है, पानी को स्टोर कर रखा है, जैसे यहां पर ये वाटर की पॉन्डिंग हो रखी है, तो बियर के केस में तो पॉन्डिंग किसके कारण हुई, ये जो ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट किया है इसके कारण। यहां पर अगर गेट बंद कर दें और पीछे पानी इकट्ठा होगा तो वो पॉन्डिंग किसके कारण होगी, गेट्स के कारण होगी यहां पर। फिर रिवर जो है इसकी अगर हम बात करें तो जब नदी निकली तो नदी मान लीजिए आप यहां पर ऊपर ग्लेशियर्स थे, ग्लेशियर से बर्फ पिघल के आई, ऊपर आइस थी, फिर उसके बाद वो कहां पर थी, रॉकी या हिल वाली स्टेज में थी, तो क्या आप यहां पर डाइवर्जन हेडवर्क बना सकते हैं, नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि एक तो यहां पर वेलोसिटी ज्यादा होगी, दूसरी यहां पर वाटर जो है वो सफिशियंट क्वांटिटी में आपके पास नहीं आके मिलेगा, फिर तीसरा फिर कैनाल को यहां से कैसे लेके जाओगे आगे, तो बहुत प्रॉब्लम आएगी। उसके बाद इस हिल से नीचे आ जाती है बोल्डर वाली स्टेज, बड़े बड़े पत्थर हो गए यहां पर, तो यहां पर रॉकी स्टेज से जब बोल्डर स्टेज में आ जाती है तो यहां पर फिर भी स्लोप बहुत ज्यादा रहता है, यहां भी स्लोप जो है वो ज्यादा रहता है। कैनाल हेडवर्क आप बना सकते हो यहां पर, अगर आप चाहें तो यहां पर कैनाल हेडवर्क बना सकते हो, लेकिन स्लोप यहां पर फिर भी थोड़ा ज्यादा ही रहेगा। देयर इज लार्ज सब सॉइल फ्लो, बोल्डर रीजन के अंदर बोल्डर है यानी कि पार्टिकल्स का साइज बहुत बड़ा है, तो सॉइल के नीचे से भी पानी बहुत ज्यादा फ्लो करता है, सब सॉइल जो सरफेस फ्लो है ये भी बहुत ज्यादा यहां पर रहता है। फिर आता है थ्रू स्टेज या एल्यूवियल स्टेज, तो अब जब यहां से पानी जो है वो निकल के फिर ये बोल्डर स्टेज आ गई, यहां बड़े बड़े पत्थर हैं, फिर उसके बाद थोड़ा सा शांत हो गया यहां पर, तो बोल्डर स्टेज से आगे जब वो चला गया तो यहां पे भी आप क्या कर सकते हो, यहां पर भी डाइवर्जन हेडवर्क आप बना सकते हो। फिर आ गया डेल्टा स्टेज, डेल्टा स्टेज मतलब बिल्कुल एकदम समुद्र के पास चला गया, डेल्टा जहां पर फॉर्म हो रहे हैं, तो वहां तो मीन सी लेवल पर पहुंच गया ऑलरेडी वो, जब मीन सी लेवल पर वो पहुंच गया तो वहां से आप पानी वापस बैकवर्ड डायरेक्शन में कैसे प्रोवाइड कर दोगे, हमारा कैनाल में जो पानी है वो ग्रेविटी के कारण जा रहा है, ग्रेविटी एक्शन के कारण जा रहा है, तो आप वहां से ऊपर पानी कैसे पहुंचाओगे, तो डेल्टा स्टेज में वाटर जो है आप नहीं पहुंचा सकते वापस उससे पीछे, तो डाइवर्जन हेडवर्क वहां नहीं दे सकते। अब डायग्राम को ध्यान से देख लेना, डायग्राम जो है इसी में सब कुछ आ जाएगा, ध्यान से देखेंगे डायग्राम को, डायग्राम समझ लिया तो आगे की अंग्रेजी वाली कहानियां आपको नहीं समझनी पड़ेंगी। अब डायग्राम को ध्यान से देखो, डायग्राम में आपको क्या दिख रहा है, पानी आया,
साधारण भाषा में समझेंगे, कोई अंग्रेजी वाली बड़ी बड़ी भारी भरकम बातें नहीं। पानी आया, पानी ये गाइड बैंक्स जो है इस वाटर को क्या कर देंगे, गाइड कर देंगे, इस चैनल के अंदर लेके आएंगे। यहाँ पर गाइड बैंक्स क्या करेंगे, इसको गाइड कर देंगे, वाटर को यहाँ पर लेके आएंगे। मार्जिनल बंड्स या जो बाउंड्रीज हम बनाते हैं, ये बाउंड्रीज आप ये कह लीजिए कि यहाँ पे कोई माउंटेन्स होंगे, कोई भी पहाड़ होंगे या एलिवेटेड लैंड है, उससे आपने ज्वाइन करवा दिया यहाँ पर। यहाँ पे भी आप ये कह लीजिए आगे कोई माउंटेन्स आ रहे हैं, इनसे आपने यहाँ पर ये दीवारें बना दी ताकि यहाँ पर जो घर बने हुए हैं उनके ऊपर पानी ना जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है। जब बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है तो यहाँ का पानी इधर ना आ जाए, तो यहाँ पे ये जो घर बने हुए हैं इनको प्रोटेक्ट करने के लिए आपने क्या कर दिया, यहाँ पे मार्जिनल बंड्स बना के और इनको एलिवेटेड लैंड ऊंचे पहाड़ों वगैरह वहां तक साइड से जाके कनेक्ट कर दिया, तो जिससे कि पानी आधा तो इनकी वजह से रुक जाए यहाँ पर और यह बाकी यहाँ पे रुक जाए। अब ये जो पानी आएगा, इस पानी को आप लेके आए, जब इस वाटर को आप लेके आए तो आपने क्या कर दिया, रिवर के रास्ते में आपने इसको ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर दिया, एक वियर बना दिया, जैसे आपको ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है ऐसा वियर बना दिया आपने, रिवर के रास्ते में एक वियर बनाया। जब रिवर के रास्ते में आपने ये वियर बनाया तो वियर से क्या होगा, यहाँ पर पानी आके रुकेगा। अब इस वियर का ये वाला जो पोर्शन है, इसको नीचा रखा आपने, थोड़ा नीचे रखा, और इसका ये जो बेड है इसको भी नीचा रखा। अगर आप इसको वैसे देखेंगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा कि यहाँ वाली जो दीवार है इसको मैं इधर बना रहा हूँ, इस पूरे सेक्शन को अगर आप यहाँ पे खड़े होके ऐसे देखेंगे तो आपको ये कैसा दिखेगा कि ये वाला पोर्शन तो नीचा और इधर वाला जो वियर है ये बड़ा हो जाएगा, यहाँ पर ऊंचा हो जाएगा। तो इसका बेड जो है वो नीचे है। जब इसका बेड अगर 3D में आप इमेजिन करके देखें, जो पानी आएगा वो पानी पहले कहाँ जाएगा, इस पोर्शन में जाएगा, ये जगह जो है ये नीची है, तो पानी जो आएगा अगर कम भी आएगा, अगर कभी नदी में पानी बहुत कम आ रहा है क्वांटिटी, ड्राई वेदर फ्लो के दौरान अगर आप बात करें, तो वहां पर जो भी पानी आएगा तो वो पहले यहाँ पे आएगा, यहां से आके फिर हम यहाँ से ऑफ टेकिंग कैनाल में उसको भेज देंगे। अब ये पानी यहाँ क्यों आए, इस वियर को यहां पर ये जो राइट साइड वाला पोर्शन है इसको हम बोलते हैं नॉर्मल वियर या वियर प्रॉपर कहते हैं। ये जो पोर्शन है इतने पोर्शन को बोलते हैं वियर प्रॉपर, इसे क्या बोलते हैं हम, वियर प्रॉपर या फिर नॉर्मल वियर बोलते हैं। तो इस नॉर्मल वियर को, और ये अंडर स्लुइस पॉकेट होती है, इस पॉकेट को क्या बोलते हैं, अंडर स्लुइस पॉकेट बोलते हैं। तो इस पॉकेट को जो सेपरेट कर रहा है, इनको सेपरेट कौन कर रहा है, डिवाइड वॉल सेपरेट कर रहा है, इनको सेपरेट कौन कर रहा है, डिवाइड वॉल जो है वो इनको सेपरेट कर रहा है। तो डिवाइड वॉल क्या काम कर रहा है, एक तो काम ये कर रहा है कि जो पानी आ रहा है उसको अलग से इस पॉकेट में ले जा रहा है, ये पॉकेट जो है ये थोड़ी सी नीची होगी, इस पॉकेट के अंदर आके पानी थोड़ा सा शांत हो जाएगा, जब शांत हो जाएगा तो जो भी पार्टिकल्स आएंगे इसमें या जो भी सिल्ट आएगी वो यहां पर सेटल हो जाएगी, इसी में सेटल हो जाएगी, तो यहां पे गेट्स होंगे छोटे छोटे, उन गेट्स के थ्रू हम उसको बाहर निकाल देंगे। तो सेटल्ड जो पार्टिकल्स है वो पहले ही यहां से क्या हो गए, एक्सक्लूड हो गए, एक्सक्लूड होने के बाद फिर साफ पानी जो है वो कैनाल में जा सकता है। तो ये काम हो गया किसका, अंडर स्लुइस पॉकेट का। एक काम तो ये सिल्ट को हटाने का काम कर रही है, टर्बुलेंस रिड्यूस हो जाता है यहां पर, अगर डिस्चार्ज कम है रिवर के अंदर तो भी पानी जो है यहाँ पे आ जाएगा और कैनाल में पानी जा सकता है। डिवाइड वॉल का क्या काम हो गया, एक तो इसको वियर प्रॉपर को अंडर स्लुइस पॉकेट से डिवाइड कर रहा है, अलग अलग कर रहा है। दूसरा, अगर पानी यहाँ पे आया और वो पानी अगर हॉरिजॉन्टल करंट बनाएगा, मतलब वो पानी आया इधर टकराया, तो ये जो हॉरिजॉन्टल करंट बनेगा, हॉरिजॉन्टल फोर्स लगेगी, उसको ये रेजिस्ट करवाएगा। ये काम होता है किसका, डिवाइड वॉल का काम होता है ये। इतनी बात समझ में आ गई। फिर क्या होता है, अगर वाटर जो इस डायरेक्शन में जा रहा है और आपने पानी के रास्ते में क्या बना दिए, ऐसा स्ट्रक्चर, ऐसा ऑब्स्ट्रक्शन, ऐसी रुकावट बना दी, तो फिश जो होती है, फिश क्या करती है, वाटर की सर्च में और टेम्परेचर अपने एनवायरनमेंट की सर्च में वो क्या करती है, अपस्ट्रीम से डाउनस्ट्रीम जाती है और डाउनस्ट्रीम से अपस्ट्रीम जाती है। तो डाउनस्ट्रीम जाने में तो कोई दिक्कत नहीं है, वो कहीं से भी चली जाएगी, लेकिन अपस्ट्रीम जब वो जाना चाहेगी तो ऐसे स्ट्रक्चर की वजह से वो जा नहीं पाती है, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। तो फिश जो है उनके मूवमेंट के लिए हम क्या प्रोवाइड करते हैं, फिश लैडर प्रोवाइड करते हैं, ताकि वो डाउनस्ट्रीम साइड से अपस्ट्रीम साइड में मूव कर पाए। तो जो ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये क्या दिखाई दे रही है, दिस इज फिश लैडर। तो फिश लैडर इसलिए प्रोवाइड करते हैं। ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, तो अब एक एक करके इन कंपोनेंट्स को देखते हैं। एग्रीगेटिंग रिवर जो है वो कौन सी रिवर होती है, जो कि सिल्ट करती है, पार्टिकल्स उनके सेटल होते हैं। द मेन कॉज ऑफ मीएंडरिंग इज ड्यू टू मीएंडरिंग, अगर होती है कोई रिवर जो है वो इस तरीके से यहाँ पर शेप बना देती है, कुछ ऐसे रिवर आ रही थी अगर वो ऐसे गई और बाद में वो रिवर यहाँ से बन गई, फिर उसके बाद ये वाला पोर्शन कट ऑफ हो गया यहाँ से, तो ये अलग से इधर एक लेक बन जाती है, या आप ये कह लीजिए ये सारे प्रोसेस क्या कह देते हैं, आप मीएंडरिंग कह देते हैं। तो ये किसकी वजह से होते हैं,
एक्स्ट्रा टर्बुलेंस जनरेटेड बाय द एक्सेस ऑफ रिवर सेडिमेंट, जो रिवर का सेडिमेंट आया वो डिपॉजिट होता गया, यहाँ डिपॉजिट होता गया तो ये रिवर ऐसे चली गई, फिर रिवर ऐसे चली गई, फिर यहाँ से कटाव हो गया तो ये इधर आ गई, इधर एक लेक बन गई। आप इनके नाम देते हैं अलग अलग तरह के, आगे बढ़े। नेक्स्ट, द मेन कॉज ऑफ मीएंडरिंग इज ड्यू टू एक्स्ट्रा टर्बुलेंस जनरेटेड बाय द एक्सेस ऑफ रिवर सेडिमेंट ड्यूरिंग द फ्लड्स। अब वियर की बात करें, वियर आपको पता है, यहां पर ज्यादा आपको वो नहीं इन डेप्थ जाना है, जो काम की चीजें उन पे आपको फोकस करना है। रिवर जो है, वियर की अगर हम बात करें तो एक मेसनरी स्ट्रक्चर है, आप साइड से देख रहे हैं, अभी स्ट्रक्चर को आप साइड से देख रहे हैं, तो वियर जो है इसके ऊपर से पानी जाता है, ये आपका वियर होता है। नेक्स्ट बात करें तो आपके केस में बैराज और वियर का डिफरेंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास रिवर ट्रेनिंग। रिवर ट्रेनिंग वर्क्स जो है वो क्या है, यहाँ पर रिवर ट्रेनिंग वर्क के अंदर वाटर जो है उसको स्मूथली हम इसके अंदर ला पाए। रिवर जो के वाटर को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर रेगुलेट कर रहे हैं, रिवर के वाटर को प्रॉपरली हम इस चैनल के अंदर हम इसको ला पाए, ये बाहर ना निकल जाए, इधर उधर ना चला जाए, ये सारा किसके अंदर आता है, रिवर ट्रेनिंग के वर्क के अंदर आता है। अब रिवर ट्रेनिंग आप कैसे कैसे कर सकते हैं, गाइड बैंक्स बना सकते हैं आप, यहाँ पर ये गाइड बैंक बनाया कि पानी को गाइड करके इधर लेके आओ, यहाँ पर मार्जिनल बंड्स आप बना सकते हैं जिनके थ्रू मार्जिनल बंड्स बना सकते हैं आप, जिससे आप क्या कर सकते हैं, वाटर बाहर ना जा पाए। स्पर्स और ग्रोयंस बना सकते हैं, यानी कि एक वॉल होती है, इसके ऊपर मेसनरी वॉल्स जो है वो बना सकते हैं, जिससे कि वो पानी जो है उसको सरपास करके, उसको क्रॉस करके ना जाए। तो स्पर्स और ग्रोयंस क्या होते हैं, बैरियर या वॉल्स दैट प्रोटेक्ट द अर्दन एम्बैंकमेंट, यहाँ पर मार्जिनल बंड्स हमने बना रखे हैं जिनको। तो ये बातें हो गई इनकी। इन रिवर स्पर्स आर प्रोवाइडेड, स्पर क्यों प्रोवाइड करते हैं आप, ये जो आपने यहाँ पर प्रोवाइड कर रखे हैं मार्जिनल बंड्स और स्पर्स, जो ये प्रोवाइड करते हैं, क्यों प्रोवाइड करते हैं आप, प्रोवाइड करते हैं टू ट्रेन द फ्लो अलोंग अ स्पेसिफाइड कोर्स, इस रास्ते से पानी जाए इसको इधर लाने के लिए हम करते हैं। नेक्स्ट बात करें, रिवर ट्रेनिंग वर्क इज जनरली रिक्वायर्ड व्हेन रिवर इज मीएंडरिंग टाइप, अगर मीएंडरिंग टाइप की रिवर होती है तब हमें रिवर ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। एफ्लक्स क्या होता है, व्हाट इज एफ्लक्स, अगर पानी के बहाव में रास्ते में आपने वियर बना दिया, ऑब्स्ट्रक्शन बना दिया, तो पहले पानी की नॉर्मल डेप्थ थी ये, अब अपस्ट्रीम साइड में डेप्थ के अंदर जो इंक्रीमेंट आ जाएगा, क्योंकि आपने पानी के अंदर रास्ते में रुकावट बना दी, तो अपस्ट्रीम साइड में जो इंक्रीज आ जाता है इसे हम क्या कह देते हैं, एफ्लक्स कह देते हैं यहां पर। फिर उसके बाद बात आती है दोस्तों पॉन्ड लेवल क्या होता है, पॉन्ड लेवल क्या होता है, जो आपकी अंडर स्लुइस वाली पॉकेट है, जो इस पॉकेट है, ये वाली जो पॉकेट है, the water level required in the underslouch pocket upstream of the canal head regulator so as to feed the canal with its full supply। अब इसे आप यहां पे खड़े होके अगर आप देखेंगे पॉन्ड लेवल को समझने के लिए, यहां पे खड़े होके यहां से कैनाल जा रही है, तो कैनाल कुछ इस प्रकार से जा रही है, आप इसको कहां से देख रहे हैं, यहां पे खड़े होके ऐसे देख रहे हैं इसको, इधर देख लीजिए यहां पे, तो कैनाल जो है साइड से जा रही है, कैनाल कुछ इस प्रकार से जाएगी। अब ये कैनाल का बेड है, ये कैनाल का फुल सप्लाई लेवल है, आप कैनाल को साइड से देख रहे हैं, साइड से देख रहे हैं कैनाल को, अंडर स्लुइस पॉकेट है, तो ये आपको यहां से एक टैंक की तरह दिखेगा, एक वाटर टैंक की तरह दिखेगा अगर आप यहां पर देखेंगे, तो वाटर टैंक आपको कुछ इस प्रकार से दिखना चाहिए, ये वाटर टैंक यहां पर आपको दिखा, तो अंडर स्लुइस पॉकेट जो है इसके अंदर पानी जो है वो इतना सफिशियंट हाइट पर होना चाहिए, वाटर लेवल रिक्वायर्ड इन द अंडर स्लुइस पॉकेट अपस्ट्रीम ऑफ द कैनाल हेड रेगुलेटर सो एज टू फीड द कैनाल विद इट्स फुल सप्लाई, कि ये जब इसको पानी अगर दे तो इसको पानी पूरा कैनाल भर के जाए, फुल सप्लाई लेवल पे जाए, तो ये जो लेवल इसका होगा इसे हम क्या कहते हैं, पॉन्ड लेवल कहते हैं। इस अंडर स्लुइस पॉकेट के अंदर जो वाटर का लेवल होगा इतना ऊंचाई तक होना चाहिए कि ये कैनाल पूरी भरी हुई जाए, फुल सप्लाई लेवल तक जाए। यहां पर द अवेलेबल हेड एट द कैनाल हेड रेगुलेटर इज देयरफॉर इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ द पॉन्ड लेवल एंड कैनाल फुल सप्लाई लेवल। तो जो कैनाल हेड पर जो हेड अवेलेबल होगा, वाटर जो है उसकी हेड की अगर हम बात करें, तो मान लेते हैं पॉन्ड लेवल कुछ यहां पर है, ऊंचा बना देते हैं और ऊपर बनाते हैं पॉन्ड लेवल को कुछ इस तरीके से, इतना भरा हुआ है, तो ये आपका क्या हो गया, यहां तक है पॉन्ड लेवल, इस अंडर स्लुइस पॉकेट के अंदर इतना भरा हुआ है, और ये नीचे भी होता है थोड़ा, इसके बेड से, कैनाल के बेड से नीचे जाता है, क्यों जाता है नीचे, ताकि यहां पर जो भी सिल्ट है वो डिपॉजिट हो जाए और उसको अलग से हम निकाल पाए, यहां पर सिल्ट डिपॉजिट हो जाए उसको एक्सक्लूड कर पाए। अब कैनाल के अंदर ये पानी सप्लाई करेगा यहां से, तो ये जो डिफरेंस आ जाएगा इसके फुल सप्लाई में और इसके पॉन्ड लेवल पर, ये जो डिफरेंस है
हेड का, ये हेड ही तो हो जाएगा, इस कैनाल का हेड हो जाएगा वो हेड जिसके कारण आगे पानी जो है वो फ्लो करेगा। तो ये हो गया आपका पॉन्ड लेवल। अंडर स्लुइसिस या स्काउरिंग जो आपकी पॉकेट्स हैं इनकी बात हो रही है यहाँ पर, इन अंडर स्लुइसिस के अंदर पार्टिकल्स यहाँ आके सेटल हो जाते हैं, फिर यहाँ गेट लगे होते हैं, उन गेट के थ्रू हम उसको बाहर निकाल लेंगे। यहाँ पर डिवाइड वॉल जो है वो अंडर स्लुइस पॉकेट को और वियर मेन को सेपरेट करती है, ये वियर मेन या वियर प्रॉपर होता है, डिवाइड वॉल इनको क्या कर रही है, सेपरेट कर रही है। फिर उसके बाद बात करें दोस्तों, दीज ओपनिंग्स आर फुली कंट्रोल्ड बाय गेट्स, यहाँ पर ओपनिंग लगी होती है, गेट से कंट्रोल्ड होती है उनसे, दे आर लोकेटेड ऑन द सेम साइड एज ऑफ द ऑफ टेकिंग कैनाल, जिस साइड में ऑफ टेकिंग कैनाल है यहाँ पर ही क्या होती हैं, ओपनिंग्स होती हैं। अब इसकी ओपनिंग्स होती हैं जो यहाँ पर ऑफ टेकिंग कैनाल की, वो तो क्या करेंगी, वाटर को रेगुलेट करेंगी, यहाँ वाली ओपनिंग्स जो हैं वो क्या रेगुलेट करेंगी, सिल्ट जो है वो कितना यहाँ से हटाना है, अगर कभी अंडर स्लुइस पॉकेट में ज्यादा पानी आ गया तो वो भी आप यहाँ से इसको हटा सकते हैं। As the crest of the underslouis pocket is at low level, ये जो underslouis pocket है इसका crest जो है नीचा है, नीचे अगर है तो ज्यादा पानी जो आएगा वो पहले यहाँ पर आएगा फिर उसके बाद वो इधर जाएगा, तो यहाँ वाला पानी ज्यादा है उसको हमने कैनाल के अंदर भेज दिया यहाँ पर। तो underslouis length of a weir or barrage is divided into number of bays or piers etc etc, ये सारी कहानी हमने आसान भाषा में ऑलरेडी समझ ली, यहाँ पर साधारण भाषा में हम ऑलरेडी इसको समझ चुके हैं underslouis pocket के क्या क्या काम है। underslouis या scouring sluices जो है इनको अगर डिजाइन करेंगे तो इट विल बी डिजाइन फॉर टू टाइम्स द मैक्सिमम डिस्चार्ज ऑफ ऑफ टेकिंग कैनाल, यहाँ पे ऑफ टेकिंग कैनाल जो है इसका जितना डिस्चार्ज है अगर उसके ट्वाइस के लिए आप इसको डिजाइन करेंगे, 2Q के लिए आप इसको डिजाइन करेंगे अंडर स्लुइस पॉकेट को। उसके बाद मैक्सिमम जो आएगा इसके अंदर वाटर वो विंटर डिस्चार्ज विंटर के टाइम पे आएगा, 20% ऑफ मैक्सिमम फ्लड डिस्चार्ज इसके बराबर आप इसको डिजाइन करेंगे। नेक्स्ट आता है दोस्तों डिवाइड वॉल, डिवाइड वॉल के काम आपको पहले ही बता दिए, वियर प्रॉपर, ये जो वियर मेन है या वियर जो प्रॉपर है नॉर्मल वियर पोर्शन या वियर प्रॉपर या मेन वियर, इसको अंडर स्लुइस वाली पॉकेट से ये सेपरेट करता है। दूसरा डिवाइड वॉल जो है लेटरल फोर्सेस, वाटर का जो लेटरल प्रेशर अगर लगेगा उसको रेजिस्ट करवाएगा ये। नेक्स्ट अगर हम बात करें डिवाइड वॉल की, जो टॉप विड्थ होती है वो लगभग होती है 1.5 मीटर से 2.5 मीटर, अगर एसएससी आपसे ये सवाल पूछ ले द टॉप विड्थ ऑफ द डिवाइड वॉल, इसकी विड्थ कितनी होती है, 1.5 से लेके 2.5 के बीच में होती है। मेन फंक्शन ऑफ डिवाइड वॉल, एक तो अंडर स्लुइस को और वियर प्रॉपर को ये सेपरेट करता है, उसके बाद टर्बुलेंस जो है उसको रिड्यूस करवाता है, इस टर्बुलेंस को रिड्यूस करवाएगा जो लेटरली वाटर अगर मूव करेगा यहाँ पर। तो नेक्स्ट डिवाइड वॉल मे कीप द क्रॉस करेंट्स, ये भी बात हो गई। नेक्स्ट अ डिवाइड वॉल इज प्रोवाइडेड, डिवाइड वॉल आप कहां पर प्रोवाइड करते हैं, डिवाइड वॉल आप प्रोवाइड करते हैं, ये आपके पास आ रहा था इस डायरेक्शन में पानी, यहां पे आपने वियर बनाया, इस वियर के परपेंडिकुलर आपने डिवाइड वॉल बनाई यहां पर, तो एक्सिस ऑफ द वियर हो गई ये, अ डिवाइड वॉल इज प्रोवाइडेड एट राइट एंगल टू द एक्सिस ऑफ वियर। नेक्स्ट टू फॉर्म स्टिल वाटर पॉकेट इन फ्रंट ऑफ कैनाल हेड फॉलोइंग इज कंस्ट्रक्टेड, कैनाल जो है वो यहाँ से जा रही थी, इस कैनाल का हेड जो है वो यहाँ पे था, ये आपका यहाँ पर रेगुलर जो हेडवर्क्स आ गए, यहाँ पे वियर आ गया, यहाँ पर कैनाल के हेड से आगे अंडर स्लुइस पॉकेट हमने बना दी, ठीक है। तो टू फॉर्म द स्टिल वाटर पॉकेट इन फ्रंट ऑफ कैनाल हेड फॉलोइंग इज कंस्ट्रक्टेड, अब इसके लिए क्या कंस्ट्रक्ट करेंगे, डिवाइड वॉल यहां पर कंस्ट्रक्ट करेंगे जिसके कारण ये बनी अंडर स्लुइस पॉकेट। फिश लैडर का क्या काम होता है आपको ऑलरेडी बता दिया, फिशेज जो है वो अपने रिप्रोडक्शन के लिए अपने फूड के लिए वो अपस्ट्रीम से डाउनस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम से अपस्ट्रीम मूव करती है, अगर ऐसा नहीं प्रोवाइड किया हमने तो अपस्ट्रीम जाते वक्त उनकी डेथ हो जाएगी, वो अपस्ट्रीम जा नहीं पाएंगी वो, तो इसके लिए हम क्या करते हैं फिशरीज और एक्वेटिक लाइफ को बैलेंस रखने के लिए, इस इकोसिस्टम को बनाए रखने के लिए हम क्या करते हैं डिवाइड वॉल का कंस्ट्रक्शन करते हैं। इन आर कंट्री जनरली एनाड्रोमस फिश मूव फ्रॉम अपस्ट्रीम टू डाउनस्ट्रीम इन द बिगनिंग ऑफ विंटर, विंटर में वो गर्मी की तलाश में अपस्ट्रीम से डाउनस्ट्रीम जाती है विंटर में, और उसके बाद मॉनसून से पहले वो ऊपर आ जाती है, मॉनसून से पहले वापस ऊपर आ जाती है वो, तो जब ऊपर आएंगी और अगर हमने यहाँ पर फिश लैडर नहीं बना रखा तो उनकी डेथ हो जाती है यहाँ पर। हिल्सा फिश जो है इन इंडिया ओनली वन सच माइग्रेटरी फिश इज फाउंड, इसे कहते हैं हिल्सा, कुछ इस तरीके से फिश लैडर बना होता है जो आप डायग्राम में देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, फिश लैडर इज प्रोवाइडेड ऑन द साइड ऑफ डिवाइड वॉल, डायग्राम में दोबारा अगर देखना चाहेंगे ये आपके पास डिवाइड वॉल थी, इस डिवाइड वॉल के जस्ट साइड में आप फिश लैडर बनाते हैं, डिवाइड वॉल आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये आपको डिवाइड वॉल दिख रही है, साइड में फिश लैडर जो है आप देख सकते हैं। नेक्स्ट फिश लैडर इज प्रोवाइडेड ऑन द साइड ऑफ डिवाइड वॉल, कैनाल हेड रेगुलेटर की अगर हम बात करें तो अब हम बात कर रहे हैं कहां पर,
अब हम बात कर रहे हैं इस पोर्शन पर, यहां पर कैनाल के हेड रेगुलेटर की बात हो रही है। तो कैनाल हेड रेगुलेटर में एक्चुअल में ये 90 डिग्री पे ना अलाइन करके, पिछले डायग्राम्स में हम 90 डिग्री तक देख रहे हैं बस समझने के लिए, एक्चुअल में इसको 90 की जगह 90 से लेके 110 डिग्री तक कर देते हैं ताकि पानी जो इस डायरेक्शन में आ रहा है वो फटाफट स्मूथली इधर चला जाए। ऐसा ना हो कि पहले आके वो पानी इधर टकरा रहा है फिर उसके बाद इधर मूव कर रहा है, तो 90 डिग्री पे उसको ऐसे टर्न ना लेना पड़े, वो स्मूथली अपना आए और ऐसे चला जाए। ठीक है, दोनों साइड कैनाल हुआ तो दोनों साइड आप क्या कर सकते हैं, डिवाइड वॉल बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अ कैनाल हेड रेगुलेटर इज अ स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टेड एट द हेड ऑफ द कैनाल। ये ऑफ टेकिंग कैनाल है, जो कैनाल यहां से जा रही है इसके हेड पे आप बना रहे हैं कैनाल हेड रेगुलेटर। अ कैनाल हेड रेगुलेटर इज अ स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टेड एट द हेड ऑफ अ कैनाल टेकिंग ऑफ अपस्ट्रीम ऑफ अ वियर और बैराज। वियर यहां पे इसके अपस्ट्रीम में, इसके अपस्ट्रीम साइड में आप कैनाल हेड रेगुलेटर बना रहे हो, तो शब्दों को थोड़ा सा बस ध्यान देने की जरूरत है। इट कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ स्पान सेपरेटेड बाय पियर्स। यहां पर पियर्स बने होते हैं, इनके ऊपर आपको स्पान, अलग अलग स्पान बने हुए हैं, उनके ऊपर आपको यहां पर गेट्स लगे होंगे। आप ऐसे इमेजिन कर लीजिए, यहां पर ऐसे पिलर लगे हुए हैं और उनके बीच में क्या है, यहां पर गेट्स लगे हुए हैं, तो उन गेट को आप ऊपर नीचे कंट्रोल कर सकते हो। द रेगुलेटर इज प्रेफरेबली अलाइंड एट 90 to 110 डिग्री ताकि वाटर जो स्मूथली वो ट्रेवल कर पाए। द वाटर फ्रॉम द अंडरस्लो इज पॉकेट इज मेड टू एंटर द रेगुलेटरी बेस। यहां पर जो अंडरस्लो इज पॉकेट के अंदर जो पानी है वो इन बेस के थ्रू, जिनके ऊपर गेट लगे हुए हैं, इनके थ्रू पानी जो है वो पास करेगा। द मैक्सिमम हाइट ऑफ दीज गेट्स ओपनिंग विल बी इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ पॉन्ड लेवल एंड द क्रेस्ट ऑफ द हेड रेगुलेटर। अर्थात मतलब क्या हुआ कि इन गेट्स की मैक्सिमम हाइट क्या होगी, अगर फिर से आप यहां पर खड़े होके इसको देखेंगे तो आपको ये नजर आएगा कि ये कैनाल जो है इसका ये फुल सप्लाई लेवल है, और कैनाल के फुल सप्लाई लेवल से इधर ये जो वाटर टैंक जैसा इमेजिन कर लीजिए अंडर स्लूज पॉकेट को, कि इसमें जो ये भरा हुआ है पानी यहां तक, तो इसके टॉप लेवल को हमने कहा कि ये पॉन्ड लेवल है, इसके टॉप लेवल को कहा पॉन्ड लेवल। तो जो गेट हम कंस्ट्रक्ट करेंगे, जो गेट हम बनाएंगे, वो गेट कहां तक बने होंगे, यहां तक लगे हुए होंगे, यहां इस हाइट तक प्रेजेंट होंगे। तो इसके अकॉर्डिंग आप इसको रेगुलेट कर सकते हैं ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम पानी पॉन्ड लेवल तक आएगा तो उसको भी ये रेगुलेट कर सके, उसको कितना जाने देना है या नहीं। सो मैक्सिमम हाइट ऑफ दीज गेटेड ओपनिंग जो है वो विल बी इक्वल टू डिफरेंस ऑफ पॉन्ड लेवल एंड क्रेस्ट लेवल ऑफ द रेगुलेटर। ये जो रेगुलेटर है इसका क्रेस्ट लेवल, यहां पर ये जो क्रेस्ट बना होगा यहां से लेके मैक्सिमम वहां तक आप लेके जाएंगे। बेसिक फंक्शंस ऑफ कैनाल हेड रेगुलेटर क्या क्या होंगे, कैनाल के अंदर कितना पानी जाएगा इसको रेगुलेट करेगा, सिल्ट की एंट्री को भी ये कंट्रोल करेगा, सिल्ट की एंट्री को भी ये कंट्रोल करेगा, जो भी फ्लड आ गया भर भर के अगर पानी आ गया तो उसको ये जाने नहीं देगा, उसको पानी को ये कैनाल के अंदर जो है वो जाने नहीं देगा, प्रिवेंट्स द रिवर फ्लड फ्रॉम एंटरिंग द कैनाल। उसके बाद एक टिपिकल सेक्शन कुछ इस तरीके से भी आप डायग्राम के थ्रू आप यहां पर देख सकते हैं, जो गेट्स लगे होते हैं, ये पॉन्ड लेवल आपको बता रखा है, ये सिल लेवल हो गए, यहां पर गेट्स बिटवीन द पियर आपको यहां पर बता रखे हैं। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर विच इज बिल्ट टू डाइवर्ट द रिवर वाटर इन टू द कैनाल इज नोन एज हेडवर्क्स, कहते हैं इनको हम। ब्रेस्ट वॉल क्या होती है, ब्रेस्ट वॉल एक आरसीसी वॉल होती है जो आप कहां पर बनाते हैं, इट इज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द पॉन्ड लेवल अप टू द रिवर हाई फ्लड लेवल। पॉन्ड लेवल से लेके बना रहे हैं रिवर के हाईएस्ट फ्लड लेवल तक, ताकि टू अवॉइड स्पिलिंग ऑफ वॉटर ओवर द कैनाल रेगुलेटर हेड गेट्स। मतलब क्या हुआ, कैनाल के जो गेट्स हैं, कैनाल के गेट तो यहां हो गए, पॉन्ड लेवल यहां हो गया, इससे ऊपर भी आप बना रहे हैं कि रिवर में अगर ज्यादा पानी आ जाए तो वो इसके इधर ना जाए, या ये कह लीजिए कि इसके ऊपर आप यहां पर कंस्ट्रक्ट कर देते हैं एक वॉल जिसके थ्रू यहां से पानी अगर ज्यादा आ भी गया तो वो इसके ऊपर से ना जाने पाए कैनाल के अंदर। ये आपके पास हो जाती है ब्रेस्ट वॉल। ब्रेस्ट वॉल स्पांस फॉर एंटायर लेंथ ऑफ द रेगुलेटर एंड विल रेस्ट अबव द पियर्स ऑफ रेगुलेटरी बेस। अब दूसरी भाषा में आप इनको ऐसे समझ लीजिए कि आपके पास ये इधर कैनाल जा रही थी, कैनाल आगे कुछ ऐसे कैनाल जा रही है, इधर कैनाल जा रही है, इस कैनाल को रेगुलेट करने के लिए आपने यहां पर इसके ऊपर बना दिए गेट्स, ये इसके ऊपर गेट हो गए जो इसको रेगुलेट करेंगे, यहां तक है पॉन्ड लेवल उसका, उसके ऊपर आपने ये वॉल बना दी जिससे कि अगर पानी और भी ज्यादा आ जाए ऊपर, अगर पानी और भी ऊपर आ जाए तो वो ऊपर से इधर से ना जाने पाए, ब्रेस्ट वॉल आपने कंस्ट्रक्ट कर दी। और इसको एंटायर लेंथ के लिए जहां जहां पर अगर आप सामने से देखेंगे, अगर आप कैनाल में खड़े होके इधर से देखेंगे तो जहां जहां पे ये गेट्स बने हुए हैं, इन गेट्स के ऊपर से ये ब्रेस्ट वॉल जो है ये आपकी बनी हुई है। ब्रेस्ट वॉल स्पांस फॉर एंटायर लेंथ ऑफ द रेगुलेटर एंड विल रेस्ट अबव द पियर्स ऑफ रेगुलेटरी बेस। ये जो रेगुलेटरी बेस जिनके ऊपर यहां पर ये गेट लगा हुआ है, ये गेट है, ये गेट है, इन गेट्स के ऊपर। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट,
वियर और बैराज रेगुलेशन एंड सिल्ट कंट्रोल। सिल्ट कंट्रोल के लिए दो टाइप की डिवाइसेस होती हैं, ठीक है, कैसी कैसी होती हैं डिवाइसेस, इनको आप ऐसे समझें, इनको ऐसे समझें, अगर डीवीडी प्लेयर या सीडी प्लेयर आपने देखा होगा, या आपके पास जो भी लैपटॉप होता है उसके अंदर आप सीडी अगर इंसर्ट करते हैं, कुछ भी ऐसा कुछ होता है, पेन ड्राइव आप लगाते हैं, तो वो आपको क्या कहता है, पेन ड्राइव मान लीजिए आपने लैपटॉप में लगा दी, तो वहां पे क्या ऑप्शन आता है, इजेक्ट का ऑप्शन आता है। बचपन में आप कैसेट जो है वो आप जो कैसेट प्लेयर होता था, स्टीरियो जो होता था, उसके अंदर एक बटन होता था, वो क्या होता था, इजेक्ट। तो इजेक्ट का मतलब क्या होता है, इजेक्ट का मतलब होता है कि जो आपने कैसेट है, सीडी है, डीवीडी है, जो भी आपने उसमें इंसर्ट कर दी, उसको बाहर निकालना, यानी कि जो अंदर जा चुका उसको एक्सट्रैक्ट करना, उसको बाहर निकाल के लाना। तो ये क्या हो गया, इजेक्ट हो गया। एक आप ये कह लीजिए कि अगर मान लीजिए कोई पर्सन है, वो इंटरव्यू देने गया, इंटरव्यू जब वो देने गया तो उसको वहां पर जाके पता लगा कि उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो पूरी नहीं है उस इंटरव्यू के लिए या उस जॉब के लिए, तो उसे क्या कर दिया गया, उस इंटरव्यू में जाने से पहले ही उसको क्या कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया, उसको उसके अंदर जाने से पहले ही एक्सक्लूड कर दिया। इजेक्ट करने का मतलब आप याद रख सकते हैं किससे, जो भी कैसेट्स हैं, डीवीडीज हैं, उससे आप याद रख सकते हैं कि उसको इंसर्ट करने के बाद आप इजेक्ट कर रहे हैं, वो अंदर जा चुकी, उसके बाद आप उसको बाहर निकाल रहे हैं। एक्सक्लूड का मतलब है कि जैसे इंटरव्यू वाला, आप याद रख सकते हैं कि कोई कैंडिडेट किसी इंटरव्यू के अंदर गया तो वो इंटरव्यू में पार्टिसिपेट ही नहीं किया, उसने पहले ही उसको बाहर से एक्सक्लूड कर दिया उसको। तो इन्हीं का मतलब आप यहां पर याद रख लीजिएगा। सिल्ट एक्सक्लूडर का मतलब क्या है कि सिल्ट एक्सक्लूडर के अंदर कैनाल में, कैनाल के अंदर डायग्राम के थ्रू अगर आप देखें तो कैनाल के अंदर पानी गया नहीं, सिल्ट एक्सक्लूडर में कैनाल के अंदर पानी गया नहीं, पहले ही सिल्ट को बाहर निकाल दिया, यहीं से ही बाहर निकाल दिया, तो ये सिल्ट को पहले एक्सक्लूड कर दिया गया। सिल्ट इजेक्टर में क्या होता है, कैनाल में जा चुका है पानी, सिल्ट कैनाल में जा चुकी है और उसके बाद उसको इजेक्ट कर रहे हैं, उसके बाद क्या कर रहे हैं, हम उसको इजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़े नेक्स्ट। सो सिल्ट एक्सक्लूडर इज व्हाट, दीज आर द डिवाइसेस दैट आर कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर बेड इन फ्रंट ऑफ द हेड, हेड से पहले बना रहे हैं ना, इन फ्रंट ऑफ द हेड हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, हेड रेगुलेटर से पहले। सिल्ट को रिमूव कर दिया जाएगा पानी से, वो कैनाल के अंदर एंटर करे उससे पहले ही, सिल्ट को पहले ही एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, जैसे वो इंटरव्यू वाले कैंडिडेट की कहानी कि सिल्ट को पहले ही एक्सक्लूड कर दिया गया। फिर उसके बाद सिल्ट को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं या फिर सिल्ट को इजेक्ट कर रहे हैं, यानी कि कैनाल में ऑलरेडी पानी जा चुका है, उसमें सिल्ट जा चुकी है, उसके बाद उसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। अब दोनों में से अच्छा कौन है, दोनों में से अच्छा है सिल्ट इजेक्टर। सिल्ट इजेक्टर अच्छा क्यों है, क्योंकि कैनाल में तो पहले चली गई सिल्ट, तो अच्छा क्यों, ये अच्छा इसलिए कि अगर कैनाल में सिल्ट चली गई तो थोड़ी देर के बाद जाने के बाद वहां पर वो टर्बुलेंस खत्म हो जाएगा, वाटर का जो टर्बुलेंस है वो खत्म हो जाएगा, फिर पार्टिकल सेटल होना शुरू होंगे, तो वहां पर बेटर रिमूवल हो जाएगा सिल्ट का एज कंपेयर टू सिल्ट एक्सक्लूडर। अब सिल्ट एक्सक्लूडर तो यहां पे है, सिल्ट एक्सक्लूडर कहां पे लगा हुआ है, अपस्ट्रीम साइड में लगा हुआ है, जब यहां है तो यहां तो वैसे ही बहुत टर्बुलेंस है, तो अच्छे से पूरी सिल्ट नहीं हट पाती है यहां पर। तो कैनाल के अंदर जब पानी चला गया, आगे जाके थोड़ी शांति आ गई, टर्बुलेंस कम हो गया, तो वो पार्टिकल सेटल कर जाते हैं, फिर वहां पर हम सिल्ट इजेक्टर लगाते हैं, वहां से हम उसको हटा देते हैं यहां पर। तो सिल्ट इजेक्टर जो है वो बेटर है, विच वन इज बेटर, सिल्ट एक्सट्रैक्टर या सिल्ट इजेक्टर, वो जो है वो बेटर है। एक्सट्रैक्ट करना मतलब बाहर निकालना, इजेक्ट करना, ये बेटर होता है। नेक्स्ट, एंट्री ऑफ सिल्ट इनटू द कैनाल इज कंट्रोल्ड बाय सिल्ट एक्सक्लूडर। सिल्ट एक्सक्लूडर से हम कैनाल के अंदर जो आ रहा है उसको हटा देते हैं, कैनाल में अगर एंटर कर गई सिल्ट उसको सिल्ट इजेक्टर से रिमूव करेंगे, पहले ही अगर उसको एक्सक्लूड कर रहे हैं तो सिल्ट एक्सक्लूडर आएगा। नेक्स्ट, सिल्ट इजेक्टर इज प्रोवाइडेड, सिल्ट इजेक्टर यानी कि कहां प्रोवाइड करेंगे, जो सिल्ट को इजेक्ट कर रहा है एंटर होने के बाद, तो जल्दी से आंसर बताइए। सिल्ट इजेक्टर सेवेंटी वन का बी, सिल्ट इजेक्टर इज प्रोवाइडेड इन द कैनाल इन द हेड रीच,
एट हेडवर्क्स एट ऑफ टेकिंग कैनाल इन अ रिवर कंजंक्शन विद द कैनाल हेड रेगुलेटर। सिल्ट इजेक्टर जो प्रोवाइड किया जाता है वो कैनाल के अंदर प्रोवाइड किया जाता है, जब कैनाल के अंदर वाटर आ जाएगा उसके बाद उसको वहां से हटाएंगे हम यहाँ पर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल्स द एंट्री ऑफ सिल्ट एंड प्रिवेंट रिवर फ्लड्स फ्रॉम एंटरिंग इन टू द मेन कैनाल। मेन कैनाल में आने से ही जो रोक देता है वो कौन रोकता है यहाँ पर, हेडवर्क जो है वो रोकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ डाइवर्जन हेडवर्क। डाइवर्जन हेडवर्क में हमने क्या नहीं पढ़ा, इनमें से बैराज, डिवाइड वॉल, हेड रेगुलेटर या डिस्ट्रीब्यूटरी। डिस्ट्रीब्यूटरी जो है कैनाल के आगे फर्दर उसकी जो डिस्ट्रीब्यूटरी होगी वो होती है, उनको हमने कैनाल हेडवर्क में नहीं पढ़ा। उसके बाद बात आती है दोस्तों फेलियर ऑफ वियर्स ऑन परमिएबल फाउंडेशन। सॉइल मैकेनिक्स वाली कहानी है यहाँ पर, जो सॉइल में हम पढ़ते हैं पाइपिंग या अंडरमाइनिंग। अगर आपके पास कोई वियर है, कोई बैराज है जिसके एक तरफ यहाँ पर वाटर खूब सारा स्टोर्ड है, दूसरी तरफ क्या होगा यहाँ से सीपेज के थ्रू पानी जो है वो ट्रेवल करेगा, एक कंटिन्यूस चैनल बना देगा जिसे हम कहते हैं पाइपिंग। पाइपिंग जो है उसको अवॉइड करने के लिए यहाँ पे क्या कर दो, इम्परवियस फ्लोर बना दो ताकि यहाँ से पानी आगे एंट्री ना कर पाए, तो इम्परवियस फ्लोर बना दो। या फिर यहां पर आप शीट पाइल्स का इस्तेमाल कर लो, शीट पाइल्स का इस्तेमाल करने से इसका पाथ जो है वो बड़ा हो जाएगा, वाटर का पाथ जो है वो बड़ा हो जाएगा यहां पर। तो अगर आपको अपलिफ्ट प्रेशर रिड्यूस करना है तो अपस्ट्रीम साइड पे आप क्या कर दो, शीट पाइल लगा दो। अगर पाइपिंग रिड्यूस करनी है तो डाउनस्ट्रीम साइड पे शीट पाइल लगा दो और यहां पर इम्परवियस फ्लोर जो है वो आप प्रोवाइड करवा दो। इससे आप क्या कर सकते हो, वियर का जो फेलियर है उसको आप अवॉइड कर सकते हो। सरफेस फ्लो की वजह से अगर आप बात करें, ऊपर से अगर फ्लो हो रहा है वियर के, उसकी वजह से अगर वियर खराब हो रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, या हाइड्रोलिक जंप भी हो सकता है बाय सक्शन ड्यू टू हाइड्रोलिक जंप। तो ऐसे केस में आप यहां पर वियर के आगे ये जो फ्लोर है इम्परवियस फ्लोर बनाओ, इसकी थिकनेस जो है इसको आप बढ़ा दो जिसकी वजह से इसको नुकसान ना हो। कंक्रीट फ्लोर जो है उसको आप मोनोलिथिकली कंस्ट्रक्ट करो, अलग अलग लेयर्स के अंदर यहां पर अलग अलग लेयर्स की जगह मोनोलिथिकली एक ही लेयर, एक सिंगल मोनोलिथिकली इस फ्लोर को कास्ट करो अलग अलग लेयर की जगह। बाय स्कॉरिंग ऑन द अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम ऑफ द वियर, अगर इसकी यहां पर स्कॉरिंग हो रही है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, प्रोवाइड डीप पाइल्स बोथ एट अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम एंड ऑफ द इम्परवियस फ्लोर। यहां पर भी आप क्या कर दो, डीप पाइल शीट्स इनको इंस्टॉल कर दो, यहां पर भी इंस्टॉल कर दो जिससे इसकी स्कॉरिंग ना हो, इस एंड की भी यहां की भी। फिर आते हैं क्रॉस ड्रेनेज। यहाँ से इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जाता है, पिछले साल 2019 वाले पेपर में हर सेट के अंदर एक क्वेश्चन आया है इससे रिलेटेड, हर सेट में क्वेश्चन आया है, ये इंपॉर्टेंट है। किसी को नींद तो नहीं आ रही बता दो, घनघोर नींद आ रही है, थिकनेस इंक्रीज, कब खत्म होगा सर, हो जाएगा दोस्त। ज्यादा नहीं बचा, बस क्रॉस ड्रेनेज वर्क 10 मिनट का टॉपिक है मैक्स टू मैक्स, ठीक है, ऑलमोस्ट डन। स्लीपी जिनको नींद आ रही है वो अपना मुंह धो लीजिए, खड़े हो जाइए, थोड़ी वॉक कर लीजिए, फिर नींद नहीं आएगी। सुनो अब क्रॉस ड्रेनेज वर्क के अंदर अगर हम बात करें, क्रॉस ड्रेनेज के अंदर क्या होगा, जब कोई कैनाल, एक कैनाल है आपके पास जो आपने आर्टिफिशियल चैनल कंस्ट्रक्ट किया, एक हो सकती है नेचुरली फ्लोइंग कोई वाटर की स्ट्रीम, कोई नदी जो है उसकी स्ट्रीम हो सकती है, उसकी धारा हो सकती है जो अलग से निकल रही है, या कोई नाला हो सकता है, या कुछ भी ऐसा वाटर स्ट्रीम जो है जो नेचुरली फ्लो कर रहा है वाटर वो है वहां पर, तो आपकी कैनाल भी जा रही है। अब आप ऐसा तो कर नहीं देंगे कि जी इसको हटाओ, अपनी कैनाल बनाओ, बस यहाँ पे ब्लॉक कर दो इसको। तो आप अगर ब्लॉक कर देंगे इसको तो इधर से पानी तो आ ही रहा है, ये फिर क्या कर देगा, इस पूरे एरिया को फ्लडेड कर देगा। तो हमें उसको भी अलाउ करना है कि वो भी निकल जाए, ये भी निकल जाए। सेम उस तरीके से जैसे हम कहते हैं कि अगर एक जगह से यहां पर रोड जा रही है, यहां पर अगर रेलवे ट्रैक भी जा रहा है, तो आप क्या कहते हो, या तो ओवरब्रिज प्रोवाइड कर दो आप, या फिर आप क्या प्रोवाइड कर दो, क्रॉसिंग प्रोवाइड कर दो, कोई भी प्रोविजन हम अडॉप्ट कर लेते हैं। सेम तरीके से कैनाल जा रही है और एक कोई नेचुरली फ्लोइंग स्ट्रीम है वो जा रही है। अब इनमें अंतर क्या है दोस्तों, पहले केस की हम बात करते हैं, पहले केस में क्या हो रहा है, पहले केस के अंदर कैनाल जो है उसको आप देखेंगे, कैनाल के अंदर बैठ के आप देख रहे हैं, कैनाल के अंदर बैठे हैं आप, तो कैनाल आपको कुछ ऐसी दिख रही है, आप कैनाल के अंदर नहाने चले गए, आपको कैनाल कुछ ऐसी दिख रही है। ये कैनाल जो है इसका हाई फ्लड लेवल, ज्यादा से ज्यादा कैनाल इतनी भरी हुई हो सकती है, ये कैनाल जो है इसका हाईएस्ट फ्लड लेवल, ये कैनाल का बेड, कैनाल का बॉटम वाला पोर्शन। अब नेचुरली जो स्ट्रीम फ्लो कर रही है, अब कैनाल तो आपकी जा रही है ऐसे इनटू द प्लेन जा रही है, नेचुरली जो स्ट्रीम फ्लो कर रही है उसका बेड कुछ ये है, उसका बेड की अगर हम बात करें, उसका जो बेस है वो कुछ यहां पर है, और उसमें पानी जो फ्लो कर रहा है
उसमें पानी जो फ्लो कर रहा है वो कुछ इतनी डेप्थ पर फ्लो कर रहा है। अब जो एसएससी 2019 में सवाल पूछे उसमें इनकी वैल्यूज दे दी आपसे कि इसका जो है रिड्यूस लेवल है वो इतना है, इसका रिड्यूस लेवल इतना है, इसका रिड्यूस लेवल इतना है इतना, तो आप कौन सा स्ट्रक्चर है वो बताओ। तो पहले समझ रहे हैं कि कौन सा स्ट्रक्चर कैसे बताएंगे। आप इसमें एक चीज देखिए कि अगर कैनाल जो है वो इस नेचुरल ड्रेन के, ये क्या है नेचुरल ड्रेन, नेचुरली जो पानी फ्लो कर रहा है, कैनाल का जो बेड लेवल है वो इस नेचुरल ड्रेन के सबसे ज्यादा वाले लेवल, हाईएस्ट फ्लड लेवल जब ये पूरी भरी हुई चलेगी उससे भी अगर ऊपर है, कैनाल जो है वो इस हाईएस्ट फ्लड लेवल से इससे भी ऊपर है, क्रॉस ड्रेनेज वर्क कैरिंग द कैनाल ओवर द नेचुरल ड्रेन, कैनाल कैरिंग ओवर द नेचुरल ड्रेन, तो इसको हम बोलते हैं एक्वीडक्ट बोलते हैं। और एक्वीडक्ट के अंदर क्या होता है, यहां पर एक्वीडक्ट के अंदर हाईएस्ट फ्लड लेवल ऑफ द ड्रेनेज शुड रिमेन लोअर, हाईएस्ट फ्लड लेवल ऑफ द नेचुरल ड्रेनेज शुड रिमेन लोअर, किससे कम रहना चाहिए देन द अंडर साइड ऑफ द कैनाल ट्रफ, कैनाल का ये जो बेड है इसके नीचे से भी नीचे रहना चाहिए। तो ऐसे केस में हम इसको क्या बोलते हैं, ऐसे केस में हम कहते हैं कि दिस इज व्हाट एक्वीडक्ट, ये क्या है एक्वीडक्ट है, पहली बात हो गई। दूसरे केस में क्या हो सकता है, दूसरे केस में ये हो सकता है कि ये नेचुरल ड्रेन का बेस है, ये नेचुरल ड्रेन का बेस है और कैनाल जो जा यहां पर हाईएस्ट फ्लड लेवल कुछ ऐसा है। अब इस केस में कैनाल जो है वो नीचे है, या ये कह लीजिए कि कैनाल जो है वो क्या कर रही है, इसका बेड नेचुरल ड्रेन के हाईएस्ट फ्लड लेवल से नीचा है, ये इसका एचएफएल और इसका जो बेड है इसका बेड नीचे है, कैनाल का बेड इसके हाईएस्ट फ्लड लेवल से नीचे है। तो ऐसे स्ट्रक्चर में अभी भी बात तो वही बनी हुई है कि कैनाल जो है वो नेचुरल ड्रेन के ऊपर से जा रही है, लेकिन चेंज क्या आ गया कि ये नेचुरल ड्रेन को सप्रेस कर रही है, प्रेस कर रही है यहां पर, ये कह लीजिए। तो इसे हम क्या कहते हैं कि कैनाल ड्रेनेज, क्रॉस ड्रेनेज वर्क कैरिंग द कैनाल ओवर द नेचुरल ड्रेन, अभी भी कैनाल नेचुरल ड्रेन के ऊपर ही है, कैनाल नेचुरल ड्रेन के ऊपर ही है, लेकिन हुआ क्या, यहां पर वॉटर सर्फेस लेवल ऑफ द ड्रेन, वॉटर सर्फेस लेवल ऑफ द ड्रेन एट हाई फ्लड इज हायर देन द कैनाल बेड, कैनाल बेड से ये लेवल हायर हो जाता है, कैनाल के बेड से इस नेचुरल ड्रेन का लेवल जो है वो हाई हो जाएगा, इसे हम कहते हैं साइफन एक्वीडक्ट, इसे हम क्या कहते हैं साइफन एक्वीडक्ट कहते हैं। तो एक्वीडक्ट और साइफन एक्वीडक्ट दोनों ही केस में कैनाल जो है वो ऊपर है नेचुरल ड्रेन से, लेकिन साइफन में क्या हो गया, कैनाल का बेड जो है इसके हाईएस्ट फ्लड लेवल से नीचे है, या ये कह लो कि उसके ड्रेन के यहां पर टच कर रहा है ये इसमें। नेक्स्ट आता है आपके पास दोस्तों, इन अ कैनाल साइफन द फ्लो इज, कैनाल साइफन के अंदर जो फ्लो होता है वो कैसा होता है, पाइप फ्लो होता है एक तरीके से, कैसा फ्लो होगा पाइप फ्लो। व्हेन अ कैनाल इज कैरीड ओवर अ नेचुरल ड्रेनेज द स्ट्रक्चर प्रोवाइडेड इज नोन एज एक्वीडक्ट, कैनाल जो है वो नेचुरल ड्रेनेज के ऊपर से जा रहा है तो एक्वीडक्ट कहते हैं। द प्रेशर एट द समिट ऑफ अ साइफन इज, साइफन के समिट के ऊपर जो प्रेशर होता है, साइफोनिक एक्शन की अगर हम बात करें दोस्तों तो जनरली आप इसको फ्लूड मैकेनिक्स में, कल हम फ्लूड मैकेनिक्स में पढ़ेंगे साइफन एक्शन, उस केस में क्या है, अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है यहां पर, इस तरफ भी पानी है, यहां पर इस तरफ आपको पानी ले जाना है तो आप साइफन एक्शन के थ्रू आप ले जा सकते हैं। साइफन एक्शन में टॉप ऑफ द साइफन पे यहाँ पे नेगेटिव प्रेशर होता है जिसके कारण सक्शन क्रिएट होता है, एक जगह से दूसरी जगह पानी जो है वो ट्रांसफर हो जाता है, तो वो क्या होता है लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नेक्स्ट स्ट्रक्चर आता है हमारे पास सुपर पैसेज, सुपर पैसेज क्या होता है, सुपर पैसेज के अंदर सेम वैसी कहानी है, सुपर पैसेज के अंदर क्या होता है, A super passage is also similar to a bridge in which natural drain is carried over the canal. अब super passage के अंदर क्या होता है, canal तो होगी नीचे, यहां पे तो है canal, और natural drain जो है वो क्या जा रही है, ऊपर से जा रही है, natural drain जो है वो क्या जा रही है, ऊपर से जा रही है, natural drain आपकी कुछ ऐसे जा रही है, canal के ऊपर से जा रही है। तो in super passage is also similar to a bridge, bridge की तरह है जिसमें natural drain जो है वो canal के ऊपर जा रही है, super passage जो है वो aqueduct का reverse है। siphon की अगर हम बात करें तो ये siphon aqueduct के जैसा ही है, बस अंतर यहां पर क्या आ जाता है कि natural drain जो है वो ऊपर से जा रही थी
और इस नेचुरल ड्रेन के, ये नेचुरल ड्रेन है ऊपर से जा रही है, और इस नेचुरल ड्रेन के अंदर यहां पे पाइप्स के थ्रू वाटर जो है कैनाल का जा रहा है ऐसे कुछ। तो ये पानी जो है साइफन के केस में यहां पर क्या होगा, साइफन के केस में The barrels in this case also acts as inverted siphons through which the canal water flows under pressure. Canal का जो पानी है वो surface pressure से इनके through flow करता है, ठीक है? ये drain है, drain के नीचे से, natural drain ऊपर है, this is the natural drain, और canal का जो पानी है वो ऐसे इन pipes के through जो है वो जा रहा है pressure के under barrels के through, ठीक है देवेंद्र जी? और बताओ, चलें आगे। नेक्स्ट, क्रॉस ड्रेनेज वर्क एडमिटिंग द ड्रेन वाटर इनटू द कैनाल। अगर पानी की क्वालिटी जो है वो खराब नहीं है, अच्छा पानी है, साफ पानी है, दोनों का कैनाल का तो साफ है ही है, और अगर जो नेचुरल ड्रेन आ रही है उसका पानी अगर क्लियर है, तो यहां से रिवर जा रही थी, आप क्या करो, जो नेचुरल ड्रेन आ रही है उसको इसके साथ करवा दो मिक्स, नेचुरल ड्रेन को इसके साथ मिक्स करा दो, यहां पे इनलेट करवा दो, और आप थोड़ा आगे जाके उसको एग्जिट करा दो, तो ये क्या हो जाएगा यहां पर, इस तरीके से आप प्रोवाइड करवा रहे हैं। सो इन दिस टाइप ऑफ क्रॉस ड्रेनेज वर्क द कैनाल वाटर एंड द ड्रेन वाटर आर अलाउड टू इंटरमिंगल विद ईच अदर। दिस मे बी अचीव्ड बाय द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ द क्रॉस ड्रेनेज लेवल क्रॉसिंग, मतलब एक ही लेवल पर यहीं पर इधर से एंटर हुआ इधर से एग्जिट हो गया, या फिर आप क्या कर सकते हो, इनलेट और आउटलेट, एक जगह इनलेट दे दिया दूसरी जगह आउटलेट दे दिया, इस तरीके से आप प्रोवाइड कर सकते हो। सजेस्ट द स्ट्रक्चर व्हेन अ कैनाल एंड अ ड्रेनेज बेड लेवल आर प्रैक्टिकली एट द सेम लेवल, सेम लेवल पे होता है तो आप लेवल क्रॉसिंग प्रोवाइड कर सकते हो जैसा अभी हमने बात की। उसके बाद बात आती है दोस्तों इनलेट एंड आउटलेट, ये भी आपको बता दिया। पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है, करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन से हैं। इन अ लेवल क्रॉसिंग द क्रेस्ट विद इट्स टॉप एट द कैनाल फुल सप्लाई लेवल इज प्रोवाइडेड अक्रॉस द ड्रेनेज एट इट्स अपस्ट्रीम जंक्शन विद द कैनाल। लेवल क्रॉसिंग के अंदर जो क्रेस्ट है विद इट्स टॉप एट कैनाल फुल सप्लाई लेवल वो प्रोवाइड किया जाएगा अक्रॉस द ड्रेनेज एज, दोबारा पढ़ते हैं, इन अ लेवल क्रॉसिंग अ क्रेस्ट विद इट्स टॉप एट कैनाल फुल सप्लाई लेवल, ये जो कैनाल है इस कैनाल का ये फुल सप्लाई लेवल है, अ क्रेस्ट विद इट्स टॉप एट द कैनाल फुल सप्लाई लेवल, यहां पर इसका जो क्रेस्ट आएगा इज प्रोवाइडेड अक्रॉस द ड्रेनेज एज इट्स अपस्ट्रीम जंक्शन विद द कैनाल। ड्रेनेज जो आएगा इधर से उसका जो अपस्ट्रीम जंक्शन होगा वहां पर जो क्रेस्ट है वो इसके फुल सप्लाई लेवल के कॉन्टेक्ट में आप ऐड कर रहे हैं, यहां से वाटर इसमें आया फिर उसके बाद यहां से आगे फर्दर उसको बाहर ले जाएंगे आप। इन अ लेवल क्रॉसिंग अ रेगुलेटर इज प्रोवाइडेड, रेगुलेटर आप प्रोवाइड कर सकते हैं डाउन स्ट्रीम में कि यहां से कितना पानी एंटर हुआ फिर जाने कितना देना है वो अपने अकॉर्डिंग आप रेगुलेट कर लो। इन अ लेवल क्रॉसिंग क्रॉस रेगुलेटर इज प्रोवाइडेड ऑन द कैनाल बिलो द क्रॉसिंग। व्हेन अ कैनाल फ्लोइंग अंडर प्रेशर इज कैरिड बिलो अ नेचुरल ड्रेनेज सच दैट, नेचुरल ड्रेनेज जो है वो यहां जा रहा है, कैनाल इसके नीचे है, सच दैट इट्स फुल सप्लाई लेवल डज नॉट टच द अंडर साइड ऑफ द सपोर्टिंग स्ट्रक्चर, यानी कि इसको टच नहीं कर रहा है सपोर्टिंग स्ट्रक्चर, ऐसा कुछ है तो इसे हम क्या कह देते हैं, सुपर पैसेज हो जाता है पहला पहला केस, या कैनाल इसके नीचे से जा रही है। नेक्स्ट, द क्रेस्ट लेवल, पहला केस किसका, जो दूसरे वाले ऑप्शन थे हमारे पास जिसमें नेचुरल ड्रेन ऊपर थी उसका पहला केस सुपर पैसेज। नेक्स्ट, द क्रेस्ट लेवल ऑफ अ कैनाल डाइवर्जन हेडवर्क डिपेंड्स अपॉन, किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करेगा फुल सप्लाई लेवल कैनाल का कितना है, डिस्चार्ज पैरामीटर, पॉन्ड लेवल एटसेट्रा। द कंजम्पटिव यूज ऑफ वाटर फॉर अ क्रॉप, कैसे मेजर कर सकते हैं आप, मेजर्ड वॉल्यूम ऑफ वाटर पर यूनिट एरिया, मेजर डेप्थ ऑफ वाटर ऑन इरिगेटेड लैंड, मे बी सप्लाइड पार्टली बाय प्रेसिपिटेशन एंड पार्टली बाय इरिगेशन, ऑल ऑफ द अबव। फॉर अ स्टैंडिंग क्रॉप द कंजम्पटिव यूज ऑफ वाटर इज इक्वल टू द डेप्थ ऑफ वाटर, जल्दी से आंसर बताइए इसका, जल्दी से आंसर बता दीजिए क्वेश्चन नंबर 82 का।
पीडीएफ मिल जाएगा, पीडीएफ के लिए क्यों परेशान होते हो, पीडीएफ कौन सी बड़ी चीज है यार, पीडीएफ मिल जाएगा क्लास खत्म होने के बाद आपको मिल जाएगा, बस इसको थोड़ा सा मुझे वो करना पड़ेगा, इसको पीडीएफ को कन्वर्ट करेंगे फिर आपको मिल जाएगी वो, तो मैं आपको भेज दूंगा, डोंट वरी। फॉर अ स्टैंडिंग क्रॉप द कंजम्पटिव यूज ऑफ वाटर इज इक्वल टू, कंजम्पटिव यूज किसके बराबर है, कितना क्रॉप ने यूज किया उसको ट्रांसपीरेशन इवेपोट्रांसपीरेशन के लिए, और वाटर इवेपोरेटेड फ्रॉम द एडजेसेंट सॉइल। ये आपका प्यारा प्लांट है, इस प्लांट ने इसकी रूट्स के थ्रू कितना ट्रांसपीरेशन में गया, कितना यहाँ से डायरेक्टली इवेपोरेट हुआ, कितना इसके लीव से इवेपोरेट हुआ, ये हो जाता है आपके पास इवेपोट्रांसपीरेशन और इवेपोरेशन फ्रॉम द एडजेसेंट सॉइल। द स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टेड टू अलाउ ड्रेनेज ऑफ वाटर टू फ्लो अंडर प्रेशर अंडर थ्रू एन इन्वर्टेड साइफन, एक इन्वर्टेड साइफन के थ्रू अगर पानी फ्लो कर रहा है तो इसे आप क्या कहते हैं, साइफन एक्वीडक्ट कहते हैं। नेक्स्ट, कैनाल साइफन के अंदर क्या होगा, इन अ कैनाल साइफन द फ्लो इज, कैनाल साइफन में पाइप फ्लो कितना होता है, प्रेशर में जाएगा ये। When a canal and a drainage approach each other at same level, तो आप level crossing provide करते हो, repeated question। Last topic आता है canal falls का, canal falls के अंदर कैसे सवाल आए हैं 2019 के exam में, यानी कि last SSC JEE में जो exam में question आया है वो बहुत ही simple सा question आया है, कैसे क्वेश्चन आए उसके ऊपर बात करते हैं। पहली बात आती है फॉल को कंस्ट्रक्ट क्यों करते हैं, फॉल को कंस्ट्रक्ट आप इसलिए करते हैं क्योंकि जो आपके कैनाल का डिजाइन स्लोप होता है, अगर नेचुरल जो लैंड है वहां की उसका स्लोप ज्यादा है तो उस केस में आप जो है क्या करते हो, जैसे डिजाइन स्लोप आपका ये था, अब नेचुरल स्लोप जो है वो ज्यादा है, तो ऐसे केस में यहाँ पे क्या कर दो, यहां से कट कर दो, यहां से कट कर दो, तो ऐसे कर देंगे आप, तो इसका स्लोप जो आप डिजाइन स्लोप के बराबर ले आते हैं यहाँ पर, तो इसके लिए आप कैनाल फॉल्स जो है इनका आप कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, कैनाल फॉल्स आर कंस्ट्रक्टेड फॉर, तो एक्स्ट्रा एनर्जी को डिसिपेट करवाने के लिए हम कैनाल फॉल्स का कंस्ट्रक्शन करते हैं। दूसरी बात, इनके अंदर क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। पहला टाइप आता है आपके पास ऑगी फॉल, ऑगी फॉल जो है इसके अंदर क्या कॉम्बिनेशन मिलता है, ऑगी फॉल के अंदर जो सवाल पूछा गया ना आपसे, वो सवाल किससे रिलेटेड पूछा गया, एज इट इज ये स्टेटमेंट आया एसएससी जेई 2019 के अंदर, क्या आया ये स्टेटमेंट एज इट इज पूछा आपसे कि वॉटर जो आएगा वो किसके थ्रू आएगा, पहले एक कॉन्वेक्स शेप है फिर उसके बाद एक कॉनकेव शेप है, पहले एक कॉन्वेक्स शेप है फिर एक कॉनकेव शेप है, तो ऐसा कौन सा होता है फॉल, तो वो कौन सा होता है, ऑगी फॉल होता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी जेई 2019 के एग्जाम में, एज इट इज जो हम पढ़ते हैं उसी में से, बस इनको कभी कभी आपको थोड़ा ध्यान से देना होता है, ठीक है। चलो उसके बाद बात आती है दोस्तों इट हैज फॉलिंग डिफेक्ट्स, क्या क्या डिफेक्ट होते हैं यहां पर, अगर आप एकदम से यहां से पानी आ जाएगा तो यहां पर वॉटर का ड्रॉ डाउन हो जाएगा, वॉटर जो है वो जल्दी जल्दी ये खींच लेगा, हैवी ड्रॉडाउन हो जाएगा अपस्ट्रीम में, अपस्ट्रीम साइड में, रिजल्टिंग इन लोअर डेप्थ, यहां पर अपस्ट्रीम की जो डेप्थ है वो लोअर हो जाएगी, यहां पर बेड इरोजन ज्यादा हो जाएगा, यहां पर इरोजन ज्यादा होता है, ड्यू टू स्मूथ ट्रांजिशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्लोज जो है वो ज्यादा डिसिपेट होती नहीं है, आराम से पानी आया मस्त आगे बढ़ गया, तो वेलोसिटी जो है उसके अंदर एज सच उसका कोई खास लॉस नहीं हो पाता है, एनर्जी का डिसिपेशन नहीं हो पाता है यहां पर इस स्मूथ ट्रांजिशन की वजह से। एसएससी जेई 2019 में सवाल क्या पूछा इससे कि पहले कॉनवेक्स आता है फिर कॉनकेव आता है, ऐसा फॉल कौन सा होता है, ऑगी फॉल होता है। नेक्स्ट आता है रैपिड फॉल, रैपिड फॉल के अंदर क्या करते हैं, यहां पर स्लोप्स दिए जाते हैं 1:15 और 1:20 के जेंटल स्लोपिंग ग्लेशियर्स प्रोवाइड कर देते हैं आप, उसके बाद क्या होता है वहां पर उनका एनर्जी डिसिपेशन हो जाता है, तो ये जो है रैपिड फॉल्स बहुत महंगे पड़ते हैं इसके लिए हम इनको नहीं प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट आता है ट्रेपेजॉइडल नॉच, ट्रेपेजॉइडल नॉच के अंदर क्या होता है, यहां से पानी आया, अब क्रॉस सेक्शन को देख रहे हैं पानी उधर से आ रहा है इनटू द प्लेन, ऐसे पानी आ रहा है, तो पानी जो आएगा इन ट्रेपेजॉइडल जो नॉच है इनके थ्रू आएगा, और यहां पर ये जो सिल प्रेजेंट है इन नॉच के नीचे यहां पर एक लिप लगा होता है, यहां पे क्या होता है एक लिप लगा होता है, तो ये जो भी वाटर आएगा इस वाटर को क्या करता है इस लिप के थ्रू वो आगे उसको स्प्रेड करके नीचे गिराएगा, जिससे उसकी एनर्जी जो है वो क्या होगी यहां पर डिसिपेट होगी। इट कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ ट्रेपेजॉइडल नॉचेस, ट्रेपेजॉइडल नॉचेस बनी हुई होती है इसके ऊपर, और इनसे क्या होता है वाटर यहां से एंटर करेगा और इस फ्लैट सर्कुलर लिप के थ्रू वो नीचे गिरेगा, तो ऑब्जेक्टिव में अगर आपसे पूछे कहीं भी लिप जैसे वर्ड का अगर यूज करे तो आपको बताना है दिस इज व्हाट ट्रेपेजॉइडल नॉच जो है ये होता है। डेप्थ डिस्चार्ज रिलेशनशिप रिमेंस प्रैक्टिकली अनइफेक्टेड ड्यू टू द इंट्रोडक्शन ऑफ द फॉल, सो देयर इज नीदर ड्रॉडाउन नॉर हेडिंग अप, यानी कि ना तो पीछे अपस्ट्रीम साइड में उधर वाली साइड में, ना तो ऐसे कि बहुत ज्यादा पानी इसने एकदम से खींच लिया कि अपस्ट्रीम साइड पे ड्रॉन डाउन आ गया, ना ऐसे है कि डाउनस्ट्रीम साइड पे बहुत ज्यादा हेडिंग अप हो जाए, बहुत ज्यादा पानी इकट्ठा हो जाए जैसा कि ऑगी फॉल में हो रहा था, तो ऐसा नहीं होता यहाँ पर। नेक्स्ट आता है वेल टाइप या सिलेंडर फॉल, ये अच्छा होता है, इसके अंदर पानी आएगा यहाँ से इस वेल में गिर जाएगा, पानी आएगा इस कुएं में गिरेगा, जब पानी पानी के ऊपर गिरेगा तो कुछ एनर्जी यहाँ डिसिपेट हो जाएगी, फिर उसके बाद ये चैनल के थ्रू या एक पाइप जो है उसके थ्रू जाएगा यहाँ पर,
फिर उसके बाद यहाँ आएगा, फिर यहाँ से यहाँ आएगा, इतनी लेंथ के अंदर, और यहाँ पर पानी के ऊपर पानी गिरने के बाद काफ़ी एनर्जी डिसिपेट हो जाती है उसकी, तो जिससे हम कह देते हैं कि इस फॉल का जो पर्पस है वो जस्टिफाई हो जाता है। सो इन केस ऑफ फॉल्स ग्रेटर देन 1.8 मीटर डिस्चार्ज ग्रेटर देन 0.29 क्यूमेक, ये फॉल जो है नेसेसरी हो जाता है। जहाँ पर भी फॉल की हाइट 1.8 मीटर से ज़्यादा होती है, डिस्चार्ज जो है वो 0.29 क्यूमेक से ज़्यादा होता है, वहाँ पर ये फॉल जो है नेसेसरी हो जाता है। फिर आता है सिंपल वर्टिकल ड्रॉप टाइप या फिर शारदा फॉल जो है, ये आता है। इसके अंदर आप क्या करेंगे, ये बड़ा इजी सा है और बड़ा इकोनॉमिक होता है, बहुत सस्ता पड़ता है। क्या करना है, यहाँ पर वाटर को लेके आओ और यहाँ पर इस तरीके से कुछ कंस्ट्रक्शन कर दो कि पानी का ये कुशन बन जाए, वाटर का ही कुशन बन जाए। सीधा कंक्रीट होगा तो कंक्रीट पे बार बार पानी गिरेगा, कंक्रीट खराब होगा। यहाँ पे क्या करो, कंक्रीट का फ्लोर बनाया, उसके ऊपर पानी का ही कुशन प्रोवाइड कर दो, पानी के ऊपर पानी गिरता रहेगा तो एनर्जी भी डिसिपेट हो जाएगी, सडन ड्रॉडाउन भी यहाँ पर नहीं होगा, और क्या होगा, यहाँ पर आराम से आगे पानी जो है वो फ्लो करता रहेगा। ये होता है शारदा टाइप फॉल। ये जो है सिंपल और क्वाइट इकोनॉमिकल होता है। यहाँ पर एक रेज्ड क्रेस्ट बनानी है, उसके बाद वाटर कुशन। तो जहां पे भी वाटर कुशन जैसा शब्द दिख जाए अगर ऑब्जेक्टिव में, तो आपको क्या बताना है, आपको कहना है कि शारदा टाइप का फॉल आपसे पूछा गया है। फिर आता है स्ट्रेट ग्लेसिस टाइप फॉल। स्ट्रेट ग्लेसिस टाइप मतलब सीधा सीधा जो है वो फॉल करेगा। यहाँ पर हाइड्रोलिक जंप जो है वो बनेगा, हाइड्रोलिक जंप के कारण एनर्जी डिसिपेशन होगी वहां पर। फिर आता है मोंटेक टाइप फॉल। मोंटेक टाइप फॉल क्या होता है कि पानी जो है वो कैसा प्रोफाइल बनाएगा अगर वो यहाँ से गिरेगा, उसी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग हम इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं, फिर उसके बाद एनर्जी डिसिपेशन करवाते हैं। तो आप जो है अगर उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, ये बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाता है, इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको नहीं बनाते हैं। ये कॉस्टली भी होता है और बनाना भी मुश्किल होता है, तो इसीलिए हम यहाँ पर मोंटेक टाइप फॉल जो है उसको नहीं बनाते हैं। इंग्लिश और बैफल, तो इसमें बैफल वॉल्स का प्रयोग होगा। यहाँ पर बीच बीच में रुकावट वाली बैफल वॉल्स लगा देंगे, जिनके कारण क्या होगा, यहाँ पर एनर्जी डिसिपेशन हो जाएगा। सो दे आर क्वाइट सुटेबल फॉर ऑल डिस्चार्जेस एंड ऑल ड्रॉप्स ऑफ मोर देन 1.5 मीटर। 1.5 मीटर से ज़्यादा अगर ड्रॉप है तो बैफल वॉल्स जो है आप कंस्ट्रक्ट करके एनर्जी को डिसिपेट कर सकते हो। फिर इसके बाद कुछ रिकमेंडेशन आ जाती हैं, इन रिकमेंडेशन को एज अ होमवर्क आपको पढ़ना है। वर्टिकल ड्रॉप फॉल्स आर क्वाइट सुटेबल फॉर डिस्चार्जेस अप टू 15 क्यूमेक्स एंड ड्रॉप्स अप टू 1.5 मीटर, बट दिस टाइप ऑफ फॉल शुड नॉट बी फ्लूम्ड। यहाँ पर पाइप्स का इस्तेमाल, फ्लूम का पाइप का आप यूज नहीं करेंगे। स्ट्रेट ग्लेसिस टाइप फॉल्स वर्क सेटिस्फैक्ट्री फॉर ऑल कंडीशन इफ अनफ्लूम्ड, बट इन दैट केस दे मे बिकम कॉस्टली। इवन देन दे कैन बी अडॉप्टेड सुटेबल फॉर डिस्चार्जेस अप टू 60 क्यूमेक। बैफल वॉल और इंग्लिश वॉल मे बी यूज फॉर ऑल डिस्चार्जेस वेन ड्रॉप इज मोर देन 1.5 मीटर, ये ऑलरेडी हम देख चुके। वेन टाइप ऑफ फॉल्स आर वेल टाइप ऑफ फॉल्स आर सुटेबल एंड इकोनॉमिकल फॉर हाई ड्रॉप्स and very low discharges, they can hence be easily used small channels के लिए। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो खत्म होने के बाद आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि ये सेशन आपको कैसा लगा और ऐसे सेशंस आप और कितना आप आगे पसंद करेंगे, या जो भी आपके वैल्यूएबल फीडबैक्स और सजेशंस है वो आप हमें वीडियो खत्म होने के बाद जरूर बताइए। दोस्तों आप सभी के प्यार के लिए और आप सभी का जो इतना जो आप मेहनत कर रहे हैं, आधी आधी रात को आप अपना नेट जो है वो पढ़ाई के लिए यूज़ कर रहे हैं, अपनी आंखें अपनी एनर्जी आप यूज़ कर रहे हैं, वो वाकई में काबिले तारीफ है। अब तक 3 मैराथन सेशन हो चुके हैं, RCC, सॉइल मैकेनिक्स और आज इरिगेशन कंप्लीट हो गया है, तो 3 मैराथन हो गया। कल हम बात करेंगे हाइड्रोलॉजी की। हाइड्रोलॉजी दोपहर 12 बजे स्पेशल क्लास में हम करेंगे, 12 PM से लेके लगभग आप ये ले लीजिए 2:30 तक हम इसको वाइंड अप कर देंगे, तो वो हाइड्रोलॉजी पढ़ेंगे वहां पर। और उसके बाद रात को 8 बजे फ्लूड मैकेनिक्स हम पढ़ेंगे। फ्लूड मैकेनिक्स जो है वो मैराथन के अंदर हम कल कवर करेंगे, सो डोंट मिस इट। और फ्लूड मैकेनिक्स आप सभी को पता है इंपॉर्टेंट है, आप अपने जो मित्र हैं बाकी, चाहे वो आपके कोई भी ब्रांच से हो, मैकेनिकल से हो, सिविल से हो, उन्हें भी बता सकते हैं कि वो फ्लूड मैकेनिक्स जो है वो पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच। और वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा। लाइव चैट में तो डेफिनेटली आप बताते ही बताते हैं। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। मेरा नाम है संदीप ज्ञानी। इसी तरीके से बने रहिए, इसी तरीके से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। जितनी आप तरक्की करेंगे उतना ही हमारा सर और ऊंचा होता जाएगा, उतनी ही हमें और ज्यादा खुशी होगी कि हाँ, वी कुड बी अ पार्ट ऑफ योर सक्सेस जर्नी, या वी कुड बी हेल्पफुल, चाहे वो 1% हो, चाहे वो 0.001% हो, उतना भी अगर हम आपके लिए हेल्प कर पाएंगे तो वो भी मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी उसके लिए। थैंक यू सो मच। मेरा नाम है संदीप जानी, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। कल 12 बजे हाइड्रोलॉजी पढ़ेंगे हम अनअकैडमी की स्पेशल क्लास के ऊपर, तो उसके लिए अनलॉक कोड आप यूज कर सकते हैं संदीप 11। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।